हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांत, योर यूपीएससी सीएससी फैकल्टी। और आज के वीडियो में हम स्पेसिस इन न्यूज ये टॉपिक कवर करने वाले। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी सीएससी। और इसमें जनवरी 2022 से लेके ऑलमोस्ट अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेसिस न्यूज में है दैट वी आर गोइंग टू कवर। एंड नॉट ओनली दो स्पेसिस, लेकिन जो बाकी भी इंपॉर्टेंट कुछ स्पेसिस वी आर गोइंग टू कवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक डॉल्फिन न्यूज में है लास्ट 1 ईयर में, तो उसके रिगार्डिंग बाकी भी डॉल्फिन की स्पीसीज वी आर गोइंग टू सी इन आवर टुडेस क्लास। ओके, और इसके अलावा अगर आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। ओके, और बाकी जो वीडियोस है वेटलैंड्स इन न्यूज, उसके साथ साथ प्रोटेक्टेड इन एरियाज इन न्यूज, इसके भी दो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड, उसको भी आप देख लीजिएगा अगर आपने देखा नहीं। ओके, तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा, ऑलमोस्ट आपके सारे स्पीसीज जो कवर हो जाएगी जो न्यूज में है। सो काइंडली वॉच दिस टिल एंड, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो वी आर गोइंग टू सॉल्व। ओके, सो लेट स्टार्ट विद द स्पेसिस नाउ। ठीक, सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्पेसिस। एंड फर्स्ट स्पेसिस दैट वाज इन न्यूज इज स्लेंडर लॉरिस। ओके, और क्यों न्यूज में है? ऑलरेडी हमने ये प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज में देखा था। क्यों? बिकॉज इंडिया फर्स्ट सेंचुरी फॉर स्लेंडर लॉरिस, दैट इज कंदावु स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी इन तमिलनाडु वॉज नोटिफाइड रिसेंटली। ओके, तो रिसेंटली तमिलनाडु ने कंदावुर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी जो है ये नोटिफाई किया है, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर एनिमल वाज न्यूज। इस पर्टिकुलर सेंचुरी के बारे में आप और पढ़ सकते हो इन प्रोटेक्टेड एरिया इज न्यूज क्लास में। ओके, सो स्लेंडर लॉरिस की देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, ये अर्बोरियल इन नेचर में, मतलब ये मेनली अपनी जो लाइफ है ये ट्रीज पे बिताता है। मोस्टली दे एक्चुअली स्पेंड देयर लाइव्स ऑन ट्रीज। ओके, सो अर्बोरियल का मतलब होता है व्हेन एनिमल सेंड द लाइफ ऑन द ट्रीज। ओके, ये ऐसे प्राइमेट है दे कैन नॉट जंप। ये कैरेक्टरिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट होती है, यूपीएससी पूछ सकता है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, दे आर इंसेक्टिवस, सो तो इंसेक्ट्स एक्चुअली खाते हैं। ओके, जो कीड़े वगैरह है ये खाने खाता है एक्चुअली स्लेंडर लॉरिस। और हैबिटेट अगर देखा जाए स्लेंडर लॉरिस का, तो ये जनरली ट्रॉपिकल श्रब एंड डेसिड्यूस फॉरेस्ट में होते हैं स्लेंडर लॉरिस। ओके, दो टाइप के स्लेंडर लॉरिस है, उनकी दो स्पीसीज है, एक है ग्रे स्लेंडर लॉरिस। ओके, और दूसरा है रेड स्लेंडर लॉरिस। तो रेड सेंडर लॉरिस से दे आर फाउंड ओनली इन श्रीलंका, ये बस श्रीलंका में एक्चुअली पाए जाते हैं, और इनका आईयूसीएन स्टेटस जो है दैट इज एंडेंजर्ड। ओके, और ग्रे सेंडर लॉरिस जो है दे आर फाउंड इन ओनली इन साउथ ईस्ट साउथ इंडिया। ओके, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो ग्रे सेंडर लॉरिस और रेड सेंडर लॉरिस दोनों भी श्रीलंका में है। ओके, बट अगर ग्रे सेंडर इंडिया में अगर है तो दैट इज ओनली ग्रे सेंडर लॉरिस। ओके, ये आपको याद रखना है। तो इसका आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज नियर थ्रेटन। तो स्लेंडर लॉरिस जो है ये शेड्यूल 1 में एक्चुअली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के इंक्लूड किया गया है, और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में। ओके, सो वील कीप द इंफॉर्मेशन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल एज क्रिस्प। तो जितना भी उस स्पेसिस के बारे में आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए वील कवर दैट विद अ गुड स्पीड। ओके, चलिए, सो फर्स्ट स्पेसिस वी हैव कवर्ड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पेसिस नाउ। नेक्स्ट स्पेसिस इज ऑफ कोर्स इंडियन एलिफेंट। तो इंडियन एलिफेंट ये पर्टिकुलर स्पेसिस ऑलमोस्ट एवरी ईयर न्यूज में होता है। फर्स्ट थिंग, यूपीएससी ने इस पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, वी विल सी दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आल्सो। और वी हैड सीन सर्टन एलिफेंट रिजर्व्स रिसेंटली डिक्लेयर एलिफेंट रिजर्व्स आल्सो इन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज क्लास। ओके, तो अब इंडियन एलिफेंट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ओवरऑल अगर कोई स्पेसिस है तो दैट इज एक्चुअली एशियन एलिफेंट। ओके, और एशियन एलिफेंट की तीन सब स्पीसीज है, दैट इज इंडियन एलिफेंट, सुमात्रन एलिफेंट और श्रीलंकन एलिफेंट। ओके, तीन सब स्पेसिस है, और उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपको अगर मिलता है तो दैट इज इंडियन एलिफेंट। इंडियन सब स्पेसिस इज द वाइड हैज द वाइडेस्ट रेंज ओवर। ओके, तो इंडियन एलिफेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओवरऑल एलिफेंट से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखिए, एलिफेंट का जो हर्ड होता है, उनका जो ग्रुप होता है ना, दैट इज लेड बाय देयर ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फीमेल। इट्स नॉट मेल दैट एक्चुअली leads that particular group, but it's female that actually leads the particular group. You should know that particular thing. Then इनका जो gestational period है Indian elephant का, ये gestational period almost 22 months का होता है, मतलब pregnancy का period. Okay. So we can say कि इनका gestational period जो है ये longest known gestational period है, almost 22 months तक actually इनका gestational period जाता है, female का जो pregnancy period यहाँ पे होता है. Okay. जो female first time birth कब देना शुरू करती है, around उनका एज होता है 14 years. ओके, 14 इयर्स का एज होता है तभी फर्स्ट टाइम एक्चुअली दे कैन गिव स्टार्ट गिविंग बर्थ। और ऑलमोस्ट टिल 60 इयर्स तक, अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट टिल 60 इयर्स तक दे कैन गिव बर्थ। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी शुड नो रिगार्डिंग द इंडियन एलिफेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना कि फीमेल मेंबर जो है ग्रुप का, फीमेल मेंबर विल लीड द एलिफेंट हर्ड। सेकंड थिंग, दे हैव लॉन्गेस्ट नोन जेस्टेशनल पीरियड दैट इज ऑलमोस्ट 22 मंथ्स। ओके, द फीमेल कैन गिव द बर्थ टू द चाइल्ड
ऑलमोस्ट अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि एशियन एलिफेंट इज, और एशियन एलिफेंट में 3 सब स्पीसीज है, इसी तरीके से देयर इज अफ्रीकन एलिफेंट आल्सो। ओके, तो दोनों की भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही साथ जो है हम देख लेते हैं, एंड वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन कि क्या एशियन एलिफेंट में डिफरेंस है, अफ्रीकन एलिफेंट में डिफरेंस है। तो जैसे या इंडियन एलिफेंट्स में एक्चुअली, तो इंडियन एलिफेंट जो है कहाँ पाया जाता है, इसका लोकेशन देखना इंडिया में। ओके, तो लोकेशन वैसे तो ईजी है, यू कैन सी देम इन सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में एक्चुअली आपको मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको एलिफेंट का पॉपुलेशन है काफी, ईस्टर्न इंडिया में है, नॉर्थ मतलब ईस्टर्न इंडिया का सारा साइड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का साइड एंड नॉर्दर्न इंडिया और वेस्ट सदर्न इंडिया। तो ऑलमोस्ट सारे जो एरियाज अगर आप देखना जहाँ जंगल्स वगैरह होते हैं, फॉरेस्ट है, वहाँ एलिफेंट यू विल गेट इंडियन एलिफेंट। तो लास्ट काउंट जो इंडियन एलिफेंट का हुआ था इज इन 2017 एंड वी हैड अराउंड 30,000 स्पीसीज ऑफ द इंडियन एलिफेंट्स। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स होते हैं? कर्नाटका। काइंडली रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, कर्नाटका इज एट फर्स्ट नंबर, सेकंड इज आसाम एंड थर्ड इज केरला। केरला थर्ड नंबर पे है, कर्नाटका यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है एलिफेंट के पॉपुलेशन में। ओके, दे आर लोक, अगर उनका प्रोटेक्शन स्टेटस देखा जाए तो शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दे आर इंक्लूडेड। ओके, अपेंडिक्स के साइट्स वन में है और आईयूसीएन स्टेटस है इनका एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड इज द आईयूसीएन स्टेटस ओवर हियर। ओके, उसी तरीके से अगर अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में देखा जाए तो अफ्रीकन एलिफेंट के दो सब स्पेसिस होती है, दे हैव टू सब स्पेसिस, वन इज द सवाना एलिफेंट एंड सेकंड इज द फॉरेस्ट एलिफेंट। सेकंड जो होता है यहाँ पे वो फॉरेस्ट एलिफेंट है। और आईयूसीएन रेड लिस्ट में अगर स्टेटस देखा जाए, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट का एंडेंजर्ड है और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दे आर लोकेटेड इन द इंक्लूडेड इनटू अपेंडिक्स टू ऑफ द साइट्स। ओके, अब थोड़े और डिफरेंसेस देखते हैं हम एशियन एलिफेंट और सॉरी अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। ओवरऑल जो एशियन एलिफेंट है जिसका इंडियन एलिफेंट सब स्पीसीज है, ओके, इसके ओवरऑल कुछ डिफरेंसेस हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस ओवर हियर। देखिए, सबसे पहले तो अगर साइज देखी जाए तो अफ्रीकन एलिफेंट जो है ना ये रिलेटिवली लार्जर होते हैं। ओके, उनकी जो हाइट जो होती है ये भी रिलेटिवली ज्यादा रादर देन द एशियन एलिफेंट। सो प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओवरऑल वेट, तो वेट भी एशियन एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट का ज्यादा है। ओके, उसके बाद उनकी हाइट भी थोड़ी सी रिलेटिवली अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट एवरेज 4 मीटर उनकी हाइट होती है। शोल्डर पे ये टॉलेस्ट होते हैं एक्चुअली, अपना जो शोल्डर्स होते हैं दे विल बी टॉलेस्ट देयर। ओके, इंडियन एलिफेंट अगर देखा जाए तो उनकी थोड़ी हाइट कम होती है। ओके, और जो बैक आर्क होती है, इस बैक आर्क में एक्चुअली इंडियन एलिफेंट्स टॉलेस्ट होते हैं, मतलब वो हाईएस्ट हाइट होती है उनकी बैक आर्क में, यहाँ शोल्डर पे ये टॉलेस्ट होते हैं। तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अफ्रीकन एलिफेंट साइज में लार्जर, वेट में लार्जर और हाइट में ओवरऑल थोड़े से लार्जर होते हैं, दैट वी शुड बी नोइंग हियर। सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो ये टस्क दिख रहा है आपका एलिफेंट का, ओके, तो अफ्रीकन एलिफेंट में बोथ मेल एंड फीमेल, ओके, दे कैन ग्रो दिस पर्टिकुलर टस्क, दे आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग दिस टस्क, जो हाथी के दिखाने के दांत जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली टस्क जो है बोथ मेल एंड फीमेल ग्रो दैट। लेकिन इंडियन एलिफेंट या एशियन एलिफेंट की अगर ये बात देखी जाए हम, तो यहाँ एशियन एलिफेंट की केस में बस मेल ही ये टस्क ग्रो कर सकते हैं, फीमेल में भी होता है बट देर विल बी वेरी स्मॉल, फीमेल के जो होते हैं ना देर विल बी वेरी स्मॉल। तो हम कह सकते हैं कि ओनली मेल कैन एक्चुअली ग्रो दैट पर्टिकुलर टस्क। ओके, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस that we should be knowing over here. Okay. उसके बाद African elephant के ear जो है they are larger, ear इनके larger होते हैं, Asian elephant के जो ears जो होते हैं they are actually smaller over here. Okay. इनकी trunk जो होती है, इस trunk में 2 fingers होती है for grasping anything, they have 2 fingers at trunk, they have only 1 finger at trunk. Okay. So these are important differences that we should be knowing over here. Pigmentation में भी देखना था, African elephants are darker, okay, rather than the Asian elephants. तो उनका पिगमेंटेशन मतलब उनका कलरेशन, अगर कलर अगर उनका देखा जाए, तो दीज आर द डिफरेंसेस ओवर इन द अफ्रीकन एलिफेंट एंड एशियन एलिफेंट। सो कॉम्प्रिहेंसिवली वी हैव कवर्ड दैट थिंग आल्सो। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द वन क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द यूपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ये 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। The leader of an elephant group is female. ठीक है, कह रहा है leader of the elephant group is female. The maximum gestation period can be 22 months. ये दोनों भी correct है, already हमने already देखा ये अभी, so that's right. Elephant can normally go on calving, मतलब birth दे सकती, female can give birth, ठीक है, till the age of 40 only. We had seen कि almost 60 years तक they can actually give birth. तो ये third जो है statement, this is स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो जाता है। तो थर्ड रॉन्ग है, तो वी कैन ये दोनों तो हम यहाँ पे निकाल देते। नाउ
अमंग द स्टेट्स इन इंडिया हाइएस्ट पॉपुलेशन इज इन केरला. अगेन वी हैव सीन दिस कि हाइएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, कर्नाटका में. ओके, सो फोर स्टेटमेंट जो है इवन दैट इज रॉन्ग. इसलिए आंसर जो होगा हमारा दैट विल बी ए. ओवर आंसर इज ए. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इतना इजी नहीं है सॉल्व करना, ये सारी चीजें याद रखना ठीक है. और इस तरीके से इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो एलिफेंट पे, इस पे पहले क्वेश्चन भी पूछा नहीं गया था. ओके, और किसी और स्पेसिस पे इस सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इट वॉज नॉट दैट इजी टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलो, तो अभी ये तो क्वेश्चन हमने देख लिया, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पेसिस. नेक्स्ट स्पेसिस है उसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज चीता. सो चीताज हम कह सकते हैं काफी ज्यादा न्यूज में थे ईयर 2022 में. एंड व्हाई? बिकॉज वी हैव रीइंट्रोड्यूस्ड 8 चीताज इन कुनो नेशनल पार्क. एमपी में जो कुनो नेशनल पार्क है, वी हैव ब्रॉट चीताज फ्रॉम देम. अफ्रीकन चीताज वी हैव ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द कुनो नेशनल पार्क. ओके, और रिसेंट न्यूज है जनवरी 2023 की, इंडिया इज गोइंग टू गेट 12 मोर चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका. नाउ वी हैड गॉट फ्रॉम नामीबिया, विल गेट 2 मोर चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ओके, तो ये चीता के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अब डिस्कस करेंगे. कुनो नेशनल पार्क के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास. ओके, तो चीता देखिए इट्स वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल. ओके, और इंडिया में ऐसे देखा जाए तो चीता हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन 1952 में ही चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. दैट्स व्हाई वी हैव रीइंट्रोड्यूस्ड देम. ओके, और एक इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी. व्हाट इज दैट? कि कोनो नेशनल पार्क में चीताज आर इंट्रोड्यूस्ड, दैट्स फाइन. ओके, बट देर आर फ्यू अदर रिकमेंडेड साइट्स ऑल्सो वेयर चीताज कुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्यूचर. सो जस्ट गो थ्रू दिस साइट्स. ओके, वो कौन से स्टेट्स में ये बस देख लेना. ओके, एमपी में 3 साइट्स है, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भैरवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद शाहगढ़ और मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व, ये जो है राजस्थान. तो फ्यूचर में यहाँ भी चीता जो है इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी, बिफोर वी सी दी फीचर्स ऑफ द चीता, लेट्स टॉक अबाउट दी प्रोजेक्ट चीता. ओके, ये प्रोजेक्ट चीता क्या है और उसके फीचर्स के बारे में देखते हैं. देखिए, सो प्रोजेक्ट चीता जो है यही प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू चीताज आर गेटिंग री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. ओके, सो दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंट लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट. ओके, फर्स्ट मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ऐसा किसी बड़े कार्निवोर का जो है रिलोकेशन का प्रोजेक्ट, दिस इज फर्स्ट सच प्रोजेक्ट. ओके, और ये जो प्रोजेक्ट इंडिया में, दिस फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है इंडिया में. ओके, दिस इज इंप्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका ये पार्ट है, याद रखना. इस प्रोजेक्ट चीता के अंडर गवर्नमेंट का कहना है कि दे वांट टू इंट्रोड्यूस एटलीस्ट 50 चीताज इन नेक्स्ट 5 इयर्स. नेक्स्ट 5 इयर्स में गवर्नमेंट वांट्स टू इंट्रोड्यूस 50 चीताज इन वेरियस नेशनल पार्क्स इन इंडिया, वो टारगेट है. ओके, तो 8 तो इंट्रोड्यूस कर दिया है, 12 आर गोइंग टू कम, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 50 का एक्चुअली यहाँ पे टारगेट है. इसकी मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है ऑफकोर्स, दैट इज नेशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है. तो नेशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी इज द मेन नोडल एजेंसी फॉर दिस. ओके, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बाकी कुछ इंस्टीट्यूट्स है, नेशनल इंटरनेशनल कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह एजेंसीज है, दे आर गोइंग टू बी टेक्निकल एंड नॉलेज पार्टनर इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट चीता दैट वी शुड बी नोइंग ओवर हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट एक सवाल आता है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि व्हाई चीताज आर बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम अफ्रीका ओनली. अफ्रीका से क्यों चीताज सोर्स हो रहे हैं? अफ्रीकन चीताज ही व्हाई दे आर सोर्स्ड, व्हाई नॉट एशियन चीताज ठीक है जो ईरान में है, वो क्यों एक्चुअली सोर्स नहीं हो रहा है? तो देखिए, सबसे पहले तो उसका रीजन है कि जो ईरान में चीताज है उनका पॉपुलेशन काफी कम है, लेस देन 100 स्पीसीज आर ओनली एक्चुअली फाउंड, तो वो तो एक्चुअली इंडिया में सोर्स नहीं होगा. अफ्रीकन चीताज ऑन द अदर हैंड सब्सटेंशियल नंबर्स में, और उसमें से भी देखा जाए तो नामीबिया जो है इट हैज हाईएस्ट चीता पॉपुलेशन. ओके, सो साउथ अफ्रीका मतलब जो चीताज है अफ्रीकन चीताज है, इसमें नामीबिया में सबसे ज्यादा इसका पॉपुलेशन है, सो दे आर सब्सटेंशियल इन नंबर, सो यू कैन इंट्रोड्यूस दैट. सेकंड थिंग कि चीताज की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है अफ्रीकन चीताज की, इट्स अ वेरी लार्ज, इट हैज अ वेरी लार्ज जेनेटिक डाइवर्सिटी. ओके, दे आर काइंड ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ ऑल अदर चीता स्पीसीज. ओके, तो इसलिए उसको इंडिया में अडॉप्ट करना भी, उनको अडॉप्ट करना भी काफी इजी हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दिस अफ्रीकन चीताज, वी हैव सोर्सिंग दिस चीताज फ्रॉम अफ्रीका. एंड फर्स्ट टाइम हमने कुनो नेशनल पार्क ही क्यों एक्चुअली चूज किया, उसका इन्फॉर्मेशन हमने प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज इस पर्टिकुलर एक्चुअली वीडियो में देखा कि कुनो नेशनल पार्क ही इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्यों हमने देखा, प्रोटेक्टेड एरिया वहां हमने डिस्कस किया. ओके, तो ये हुए व्हाई दे आर बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम अफ्रीका. नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी सर्टेन थिंग्स रिगार्डिंग द चीता, चीतास के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते.
लेट्स टॉक अबाउट द अफ्रीकन चीता जो है। देखिए अफ्रीकन चीतास की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट यू शुड नो। क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी, इफ यू सी द अफ्रीकन चीता, उनका जो पिगमेंटेशन होता है या उनका जो कलर होता है, ये ब्राउनिश कलर है और गोल्डन स्किन है। यू सी दिस स्किन जो है ये थोड़ी सी गोल्डन है उनकी और ब्राउनिश कलर है, और वो थिकर होते हैं, उनकी जो स्किन होती है ना डेट इज थिकर देन द एशियाटिक चीता। थोड़ा मैं डिफरेंस भी आपको बता रहा हूँ कि उनका कलर जो है अफ्रीकन चीतास का दैट्स स्लाइली ब्राउनिश और गोल्डन टाइप ऑफ कलर होता है, और दे आर थिकर, उनकी स्किन है इज थिकर देन द एशियाटिक चीतास। सेकंड थिंग, उनकी जो स्पॉट्स है यहाँ पे, यू सी द स्पॉट लाइन्स, ओके, दे आर मोर प्रोमिनेंट, दे हैव मोर प्रोमिनेंट स्पॉट्स एंड लाइन्स ऑन देयर फेस एज कम्पेयर टू द एशियन कजिन्स। ओके, सो द ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस यहाँ पे ध्यान रखना, वी विल सी अदर डिफरेंसेस ऑल्सो। दे आर थिकर देन द एशियाटिक चीतास। सेकंड थिंग, दे आर एक्चुअली हैविंग प्रोमिनेंट स्पॉट्स, थिकर मतलब थिकर स्किन स्पॉट्स ऑन देयर फेस देन द एशियन कजिन्स ओवर हियर। तो ये चीता जो होते हैं जनरली सोशल ग्रुप्स में लेते हैं, तीन उनके मेल सोशल ग्रुप्स होते हैं, एक उसमें होती है फीमेल एंड द कब्स, मेल जो है उनका एक सेपरेट कोएलिशन होता है और सॉलिटरी मेल्स होते हैं। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड बी नोइंग हियर। फीमेल्स जनरली यहाँ नोमैडिक लाइफ जीती है, फीमेल ज्यादा जाती है शिकार करने के लिए, मेल थोड़े सेडेंटरी लाइफ जीता है। ओके, तो फीमेल विल गो मोर फॉर द शिकार ओवर हियर, दैट वी शुड बी नोइंग ओवर हियर। ठीक है, अब अफ्रीकन चीतास का आयुषण स्टेटस है वल्नरेबल, साइट्स के अपेंडिक्स वन में इंक्लूडेड है, दीज आर डायरनल, मतलब ये डे में एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल नहीं है, डे में एक्टिव होते हैं, दे आर डायरनल, सो डे में दे आर एक्टिव इन ड्यूरिंग द डे टाइम ओवर हियर, फाइन। और बाकी जैसी कैट स्पेसिस है, फॉर एग्जाम्पल जागवार देखिएगा आप, लेपर्ड देखना, टाइगर देखना, लायन देखना, तो दे ऑल रोअर बट चीतास डू नॉट रोअर। ओके, और इनका गेस्टेशनल पीरियड जो है 93 डेज का, रिमेंबर दिस, चीतास डू नॉट रोअर, डायरनल नेचर में है, जेस्टेशन पीरियड इनका 93 डेज का है, और अफ्रीकन चीतास वल्नरेबल स्टेटस आता है इनका IUCN के अंडर। व्हाट अबाउट एशियाटिक चीतास, हमने को दो डिफरेंस तो ऑलरेडी उनके देखे थे, बाकी भी देखा एशियाटिक का डिफरेंस, अब देखा एशियाटिक का स्किन कलर, एशियाटिक चीतास का इट्स पेल येलोइश, ये क्या है पेल है थोड़ा कलर, मतलब इतना डार्क कलर नहीं है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो ओवर हियर। सेकंड थिंग, स्किन जो है इनकी थिनर है अफ्रीकन चीतास से, लेकिन दे हैव मोर फर अंडर देयर बेली, उनकी जो बेली होती है बॉडी के अंडर, बेली के वहां पे एक्चुअली दे हैव मोर फर देन द अफ्रीकन चीतास। ओके, एंड यहाँ पे एशियाटिक चीतास देखा जाए तो दे आर स्मॉलर देन द अफ्रीकन चीतास, देन फाउंड ओनली इन ईरान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेस देन 100 इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड दे आर, साइट अपेंडिक्स 1 में दे आर लिस्टेड। ओके, सो एशियाटिक चीतास क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ओनली फाउंड इन ईरान, इंडिया में तो ऑफकोर्स एक्सटिंक्ट 1952 में ही हो चुका था। ओके, और डिफरेंस आई होप आपको क्लियर है दोनों भी चीता स्पीसीज में। ओके, तो चीतास को हमने काफी यहाँ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है बिकॉज इट वॉज फ्रीक्वेंटली इन न्यूज। ओके, अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पीसीज ओवर हियर दैट इज एशिया। तो सारे कैट स्पीसीज ही अभी कवर कर लेते, वी हैव कवर्ड द चीतास, तो अब एशियाटिक लायंस, टाइगर्स, ये भी है, इसी के साथ साथ स्नो लेपर्ड, ये एक साथ ही सारा कवर कर लेते ताकि आपके एक लिंकेज बना रहे इन सारी चीजों का। अब एशियाटिक लायंस के रिगार्डिंग एक न्यूज बस याद रखिएगा, ओके, कि एक सिम्बा नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये रिसेंटली गुजरात में यूज हुआ था फॉर एशियाटिक लायंस सेंसस। ओके, तो ये सिम्बा क्या है, ऐसा भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो सिम्बा इज बेसिकली कोई कार्टून का नेम नहीं कह रहा हूं मैं, सिम्बा इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, ये AI सॉफ्टवेयर है। ओके, और ये AI सॉफ्टवेयर क्या, AI क्या करता है एक्चुअली, ये फोटो आइडेंटिफिकेशन करता है एशियाटिक लायंस का। ओके, और उनको डिस्टिंग्विश कर सकता है, एशियाटिक लायंस का फोटो आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो इससे क्या हो सकता है, उनके सेंसस में मदद हो सकती है, उनको आइडेंटिफाई करने में मदद हो सकती है। एंड दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप टेल्योलैब नाम का स्टार्टअप है, उन्होंने ये डेवलप किया। सो सिम्बा अगर पूछा गया तो सिम्बा इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ फोटो आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर, AI बेस्ड फोटो आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज बाई द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पॉसिबली कुड बी यूज फॉर द सेंसस ऑल्सो, और टेलीलैब्स ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टअप है, इसने एक्चुअली इसको डिस्कवर किया और इसको डेवलप किया। ठीक है, तो ये एशियाटिक लायन की न्यूज हमने देख ली कि वाई इट इज इन न्यूज। नाउ लेट्स सी सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एशियाटिक लायन। देखिए सबसे पहले तो एशियाटिक लायंस आर फाउंड ओनली इन इंडिया, इंडिया में 5 प्रोटेक्टेड एरियाज है, सारे प्रोटेक्टेड एरियाज गुजरात में है, and here they are found currently, so they are found only in India, okay, that too in Gujarat, और Gujarat में these are 5 protected areas, Gir National Park और उसके around का सारा area है where they are actually found, okay, and
एक टाइम था कि यू विल सी दिस एशियाटिक लायंस इन वेस्ट एशिया ऑल्सो। ओके, मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया में एशियाटिक लायंस थे, इंडिया में भी एशियाटिक लायंस एक टाइम पे वेस्ट बंगाल में होते थे, रेवा इन मध्य प्रदेश में दे यूज्ड टू बी देयर, सेंट्रल इंडिया में। ओके, बट अब नहीं है। तो अब तो ये नहीं है यहाँ कहीं पे भी, दे आर ओनली फाउंड इन इंडिया, यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ नेक्स्ट, एशियाटिक लायन जो होते हैं ये ग्रुप्स में रहते हैं, उनका ग्रुप का नाम, इसको ग्रुप को कहा जाता है प्राइड। ओके, ग्रुप को कहा जाता है एक्चुअली प्राइड। ओके, सो प्राइमरी हंटर जो होती है इनकी, प्राइड की मतलब उनके ग्रुप की, ये फीमेल होती है। ओके, इनका जो जेस्टेशन पीरियड जो होता है ये 100 to 119 days तक उनका जेस्टेशन पीरियड अराउंड होता है। ओके, और शेड्यूल 1 में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिस्टेड है, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, और इंडेंजर्ड इनका IUCN में स्टेटस है। तो एक इंपॉर्टेंट थिंग अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स में क्या एशियाटिक लायन का पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। ओके, तो एशियाटिक लायंस का पॉपुलेशन जो है दैट हैज इंक्रीज्ड। द लास्ट सेंसस जो देखा गया तो उसमें पाया गया है कि ऑलमोस्ट 674 इंडिविजुअल्स आर देयर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीसीज। तो इनका ओवरऑल पॉपुलेशन जो है कंपेयर टू द 2015 सेंसस ये बड़ा है, ऑलमोस्ट 28% से बड़ा है। तो बस इंक्रीज हुआ, इतना याद रखना, दैट्स इंपॉर्टेंट। और टाइगर से काफी कम पॉपुलेशन है एनीवेज। ओके, और एक ही जगह पे ये पाया जाता है, एक ही स्टेट में है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन, इसमें थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं, एक दो डिफरेंसेस उसके बारे में आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि एशियाटिक लायन जो है ये एशियाटिक लायन एक्चुअली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ओके, और अफ्रीकन लायन जो होते हैं ये वल्नरेबल स्पीसीज है। IUCN रेड लिस्ट में इनका जो ना ये है, ये वल्नरेबल स्टेटस है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये एक डिफरेंस हो गया, वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड। सेकंड देखना, अब उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में डिफरेंसेस देते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग, अनलाइक अफ्रीकन लायंस, मेल एशियाटिक लायंस डू नॉट लिव विद फीमेल्स। ओके, मेल एशियाटिक लायन जो होते हैं ये अपने फीमेल्स के साथ नहीं रहते हैं, अफ्रीकन लायंस मेल एंड फीमेल साथ में रहता है, एशियाटिक नहीं रहता। ठीक है, सेकंड चीज, अगर एशियाटिक लायन का बारे में देखा जाए, ओके, तो ये एशियाटिक लायन का, यू सी दिस मेन, इसको मेन कहते हैं, ये जो बाल होते हैं इनके अराउंड, यो इनफैक्ट दैट लुक्स, मेक्स लायन लुक सो जाइगेंटिक। ओके, सो अमेजिंग एक्चुअली, दैट इज ये इनके जो मेन होते हैं, ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है लायन से अगर देखा जाए। तो जो मेन होता है ये साइड में जो इनके हेयर होते हैं ये एशियाटिक लायन में स्मॉलर होते हैं। ओके, और अफ्रीकन लायन में जो है ये लार्जर। ओके, सो मेन ऑफ अफ्रीकन लायन, अगर मेल देखा जाए, इस मेल में जो मेन होता है, ओके, तो ये अफ्रीकन लायन जो होते हैं, अफ्रीकन लायन का दिस इज बिगर। ओके, और एशियाटिक लायन का जो जो है इसमें, एशियाटिक लायन का जो है ये स्मॉलर होता है मेल का जो होता है। ओके, मेन जो होता है इसको मेन कहा जाता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हो गया। ओके, उसके साथ साथ एशियाटिक लायन की साइज भी ओवरऑल थोड़ी सी स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू अफ्रीकन लायंस। ओके, अफ्रीकन लायंस। ओके, और फोर डिफरेंस है कि दिस इज एशियाटिक लायन और इसके बेली के अंडर यू विल सी ए फोल्ड, स्किन फोल्ड आप दिख रहे हो, ऐसा अफ्रीकन लायन में नहीं होता जो एशियाटिक लायन में। सो फोर डिफरेंसेस आई हैव टोल्ड यू। एक तो उनके स्टेटस के बारे में वी हैव ऑलरेडी सीन कि वल्नरेबल है अफ्रीकन लायन, और एशियाटिक लायन जो है इंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में। सेकंड थिंग जो है, अफ्रीकन लायन जो होते हैं ये थोड़े साइज में बिगर होते हैं देन दी एशियाटिक लायंस। सेकेंड थिंग, अफ्रीकन लायन लिव विद द फीमेल, एशियाटिक लायन डू नॉट लिव विद फीमेल। अफ्रीकन लायन जो होते हैं इसमें अगर देखा जाए तो मेन जो होता है इनका, इनका बिगर होता है, डेंसर होता है, जो एक्चुअली अफ्रीकन, जो एशियाटिक लायन का थोड़ा सा स्पासर और लेस डेंस होता है। ओके, और ये याद रखना कि एशियाटिक लायन में ये लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन इज देयर, वो जो अफ्रीकन लायन में नहीं होता, विच इज नॉट देयर इन अफ्रीकन लायन। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिस आर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड बी नोइंग। हर कोई फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस कुड बी अ पॉसिबल क्वेश्चन इन द एग्जाम। यूपीएससी अब इस तरीके से पैटर्न के एग्जाम पूछने लगा है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट पूछने लगा है, अब शायद डिफरेंसेस भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे। ओके, सो हमने इस वजह से हमने, चाहे वो चीतास का डिफरेंस हो, एलिफेंट का हो या लायन का, ये सारे डिफरेंसेस हमने यहाँ कवर कर। चलिए अब लेट्स गो टू दी नेक्स्ट कैट स्पीसीज अगेन, दैट इज स्नो लेपर्ड। दैट्स बेसिकली स्नो लेपर्ड। तो आपको स्नो लेपर्ड नाम से ही पता चलता है कि जहां स्नो होता है उस पर्टिकुलर माउंटेनियस एरिया में स्नो लेपर्ड रहते हैं। बट स्नो लेपर्ड के इंफॉर्मेशन देखने से पहले उसके रिगार्डिंग मुझे काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बताना है, विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उस पर भी क्वेश्चन हो सकता है।
और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग द स्नो लेपर्ड। ओके, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द स्नो लेपर्ड? कि ये कहता है कि स्नो लेपर्ड जो होते हैं ना, दे रेगुलेट द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवर्स एंड दैट्स व्हाई इन टर्न दे एक्चुअली प्रोटेक्ट द ग्रासलैंड। देखिए कनेक्शन कैसे, एक्चुअली ये कह रहा है कि स्नो लेपर्ड को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, ओके, और स्पेसिस कंजर्वेशन क्यों होना चाहिए। तो वन ऑफ द एडवांटेज दे आर टेलिंग हियर कि स्नो लेपर्ड जो होता है, ओके, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट हर्बीवोर्स। ओके, हर्बीवोर्स मतलब शिकार करता है वो, फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन आइबेक्स है, ओके, ये इसकी जो भी शीप्स है, इनकी शीप है, इनकी ये शिकार करता है, उनको खाता है, तो उनका पॉपुलेशन रेगुलेट होता है, लिमिट में पॉपुलेशन रहता है, और इस वजह से क्या होता है कि ग्रासलैंड जो होती है, इस ग्रासलैंड का ग्रास जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं इसकी भी हेल्थ प्रोटेक्टेड रहती है। वाई? क्योंकि जो ग्रास को खाते हैं हर्बीवोर्स, उनका पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता है, उनका पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता है, इसलिए ग्रासलैंड भी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होगी। अगर इनका पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं होगा तो ग्रासलैंड का हेल्थ खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम रेगुलेशन का काम जो है ये स्नो लेपर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स एन ऑब्जर्वेशन दैट इज डन बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ओके, नाउ वी विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्नो लेपर्ड हियर। आपको स्नो लेपर्ड रहते क्या है, वो बस इंडिया में है क्या? नहीं, ऑलमोस्ट सेंट्रल और सदर्न एशिया जो है, सारा सेंट्रल एशिया सदर्न एशिया है, इनके सारे माउंटेनियस रीजन में यू विल फाइंड द स्नो लेपर्ड। इंडिया में अगर देखा जाए तो इट्स वेरी इजी, देर आर 5 स्टेट्स, 5 हिमालयन स्टेट्स है, हमारे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट्स है, इंडिया के जो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट्स है वहाँ स्नो लेपर्ड रहता है। राइट फ्रॉम, आप शुरू कर सकते हो वेस्ट से लेके ईस्ट तक, हमारे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट्स है, उसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो हमारे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट्स या हिमालयन स्टेट्स है, यहाँ आपको स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। दैट इज यू शुड अंडरस्टैंड, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड सबसे ज्यादा कहा पाए जाते हैं, दैट इज एक्चुअली हेमिस नेशनल पार्क ऑफ लद्दाख, इट इज कंसिडर स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वल्नरेबल स्टेटस है इनका रेड लिस्ट में, अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के, एंड शेड्यूल 1 इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, सो दैट्स, कम से कम ये आईयूसीएन स्टेटस तो याद रखना, आईयूसीएन स्टेटस पे पहले भी यूपीएससी ने पूछा, आई विल शो यू दोस क्वेश्चंस आल्सो, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो ऑन स्पीशीज। ओके, चलो नेक्स्ट कैट कैट स्पीसीज, दैट इज इंडियन टाइगर। ठीक है, तो टाइगर जो है या रॉयल रॉयल बंगाल टाइगर है, उसके बारे में देखते हैं। दैट इज आवर नेक्स्ट कैट स्पीसीज ओवर हियर दैट वी आर गोइंग टू सी। सो इंडियन टाइगर, इसको हम रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, और साइंटिफिक नेम इसका है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। ओके, तो इंडियन टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? इंडिया में। ओके, एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। सो दे आर नॉट एंडेमिक टू इंडिया, दे आर ऑल्सो फाउंड इन दी बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, और ऐसा कहा जाता है कि दे माइट बी प्रेजेंट इन चाइना एंड बुर्मा ऑल्सो, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनका कहाँ है? इंडिया। ओके, टाइगर स्पीसीज इज नेटिव टू इंडिया, इंडिया की नेटिव स्पीसीज है। मतलब देखिए, ये दो वर्ड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस वर्ड नेटिव एंड एंडेमिक। ओके, सो व्हेन आई से अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज नेटिव टू सम रीजन, इट मींस व्हाट? इट इज नेचुरली फाउंड इन दैट रीजन, नेचुरली इट इज फाउंड इन, नेचुरल उनका हैबिटेट ही है, एंड नेचुरली एक्चुअली दिस इज फाउंड इन दैट रीजन, उनका नेचुरल हैबिटेट है, ओरिजिनल हैबिटेट है, वहां ही रहता है। ओके, तो इसका मतलब नहीं है कि ये स्पीसीज दूसरी कई जगह पे नहीं होगी, इट कुड बी फाउंड इन अदर प्लेसेस ऑल्सो, अदर प्लेसेस भी एक्चुअली इसको ये मिलेगी आपको, लेकिन इनका नेचुरल हैबिटेट उस पर्टिकुलर एरिया में। सो इफ आई से कि टाइगर स्पीसीज आर नेटिव टू इंडिया, मतलब इनका नेचुरल हैबिटेट ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट दे कुड बी फाउंड इन अदर प्लेसेस ऑल्सो, अदर कंट्रीज ऑल्सो। ओके, व्हेन आई से अ स्पीसीज इज एंडेमिक टू दिस एनी पर्टिकुलर रीजन, कि स्पीसीज जो है इस पर्टिकुलर रीजन को एंडेमिक स्पीसीज, इसका मतलब क्या? दे आर फाउंड ओनली इन दैट रीजन, उसी रीजन में ये मिलेगी आपको, दूसरी कई जगह पे एक्चुअली नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दोनों वर्ड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज अब ये वर्ड हमेशा मेंशन है। नॉक्टर्नल का हमने ऑलरेडी क्या उसका मीनिंग होता है, डायर्नल का मीनिंग क्या होता है, वी ऑलरेडी सीन दैट। ओके, लाइक दिस विल सी, अगर कोई ऐसे वर्ड आते तो आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स आल्सो। ओके, सो इट इज अ टाइगर स्पीसीज नेटिव टू इंडिया। ओके, आपको इट्स अ फ्लैगशिप स्पीसीज, ये इंडिया का नेशनल एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल पे एक बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, तो ये नेशनल एनिमल कौन सा है, तो दैट इज इंडियन टाइगर, आपको से बच्चों को भी पहले से पता होता है। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस इज एंडेंजर्ड, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। ओके, और 29 जुलाई इज ऑब्जर्व एज ए इंटरनेशनल टाइगर डे।
29 जुलाई जो है ये इंटरनेशनल टाइगर जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। थोड़ी और इंफॉर्मेशन देखते हैं हम टाइगर। ओके, सो यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट स्टैट है कि इंडिया इज होम टू अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जो वाइल्ड टाइगर, वाइल्ड में जो टाइगर्स रहते हैं जंगल वगैरह में, उसमें से 75% पॉपुलेशन इंडिया में। ओके, कंपेयर टू 2014 पॉपुलेशन जो टाइगर का इंडिया में है ये बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 3000 स्पीसीज है 2018 में थी। ओके, तो जैसे एशियाटिक लायन का पॉपुलेशन बढ़ चुका है, वैसे टाइगर का भी पॉपुलेशन जो है कंपेयर टू लास्ट सेंसस, द लेटेस्ट सेंसस 2018 की थी उनकी, तो उसका रिपोर्ट के हिसाब से ये बढ़ चुका है 2014 के। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि पॉपुलेशन में देयर इज इंक्रीज। ये छोटे छोटे पॉइंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंडिया अचीव द गोल ऑफ डबलिंग द टाइगर नंबर्स इन 2018 इटसेल्फ। ओके, तो हमारा टारगेट था कि टाइगर का नंबर हमें बाय 2022 डबल करने है, जितने टाइगर्स थे पहले उससे डबल हमें उसका नंबर करना है, बट वी हैव अचीव्ड दैट गोल 4 years अहेड इन 2018 इटसेल्फ। ओके, सबसे ज्यादा टाइगर स्पीसीज इंडिया में कहाँ पे है, दैट इज मध्य प्रदेश। डू नॉट गेट कन्फ्यूज हियर। ओके, बिकॉज एलिफेंट सबसे ज्यादा स्पीसीज कर्नाटका में, लेकिन टाइगर की सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। लायन की कहाँ है सबसे ज्यादा स्पीसीज, क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज देयर आर फाउंड इन ओनली वन स्टेट, गुजरात। ओके, सो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इनकी स्पीसीज है, सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटका और थर्ड नंबर पे है उत्तराखंड। टाइगर स्पीसीज है अम्ब्रेला स्पीसीज आल्सो एंड इट्स अ कीस्टोन स्पीसीज आल्सो। ओके, व्हाई डू वी कॉल अ स्पीसीज एज अम्ब्रेला स्पीसीज, व्हेन द प्रोटेक्शन ऑफ दैट स्पीसीज लीड टू द कंजर्वेशन ऑफ अदर स्पीसीज आल्सो इन द फॉरेस्ट, देन वी कॉल इट एज अम्ब्रेला स्पीसीज। ओके, कंजर्वेशन ऑफ अ स्पीसीज व्हेन इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ अदर स्पीसीज आल्सो, तो उसको हम अम्ब्रेला स्पीसीज कहते हैं। ओके, और कीस्टोन स्पीसीज मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है, तो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के बाद बस टाइगर का ही प्रोटेक्शन होगा क्या वहां पे? नहीं, दी अदर एनिमल्स बाकी उनके भी हैबिटेट प्रोटेक्शन होगा। सो काइंड ऑफ दिट्स अम्ब्रेला स्पीसीज एंड कीस्टोन स्पीसीज भी है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज कीस्टोन स्पीसीज, बिकॉज एज कंपेयर टू इट्स नंबर इट्स इफेक्ट ऑन नेचुरल एनवायरमेंट इज वेरी लार्ज। ओके, सो व्हेन अ स्पीसीज हैज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स नेचुरल एनवायरमेंट रिलेटिव टू इट्स नंबर और रिलेटिव टू इट्स अबंडेंस, नंबर कम है लेकिन फिर भी उनका इफेक्ट काफी होता है नेचुरल एनवायरमेंट पे, उसको कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। टाइगर ये दोनों भी है। ओके, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर चेक करके देखा जाए तो देखिए ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स जैसे यूनिक होती है। आप मूवीज में देखते हो ना, वो फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक्स वाले आते हैं, फिंगरप्रिंट एक्चुअली देखते हैं, फिर फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई किया जाता है पर्सन को, कोई फिंगरप्रिंट मिटाने का ट्राई करता है। व्हाई? बिकॉज फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक, दैट्स व्हाई आधार के लिए भी फिंगरप्रिंट लिया जाता है। उसी तरीके के टाइगर की बॉडी पे जो स्ट्राइप्स होती है, जो लाइंस होती है, दे आर ऑल्सो यूनिक। सो टाइगर स्ट्राइप्स आर इंडिविजुअली यूनिक, तो इसलिए उसके स्ट्राइप्स यूज करके यू कैन एक्चुअली काउंट देयर पॉपुलेशन। दे आर सॉलिटरी एंड टेरिटोरियल। सो दैट्स फाइन। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर जो है ये है टाइगर के बारे में। These are important features of the Royal Bengal Tiger or Indian Tiger. Royal Bengal Tiger or Indian Tiger. Now, एक important aspect है कि overall अगर आप world में देखा जाए तो tiger की 8 subspecies है। एक तो Royal Bengal Tiger है, हमने एक subspecies देखी जो India में, but overall अगर देखा जाए तो there are 8 subspecies of the tiger. उसमें से 3 तो extinct हो चुकी है, means they are no more found in the wild. Okay. ये एक्सटिंक्ट स्पेसीज हमें अब नहीं मिलती है। 3 आर एक्सटिंक्ट स्पेसीज। एक्सटिंक्ट कौन सी है इसको याद रखना, कैस्पियन टाइगर जो कैस्पियन सी के आसपास होगा आपको, टर्की में, सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में, वो एक्सटिंक्ट हो चुका। जावन टाइगर एशिया का, और बाली टाइगर जो बाली और जावा में एक बार मिलता था। ये जावन, बाली और कैस्पियन टाइगर, दे आर एक्सटिंक्ट स्पेसीज, रिमेंबर दिस 3 नेम्स अगर हो सके तो। बाकी बंगाल टाइगर तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, नॉट इन इंडिया बट इंडिया के आसपास के कंट्रीज में। अमूर टाइगर जो है अमूर रिवर रीजन में मिलता है। अमूर रिवर रीजन कहाँ? रशिया और चाइना में और नॉर्थ कोरिया। ओके, वहाँ पे है। साउथ चाइना टाइगर आपको साउथ सेंट्रल चाइना में, सुमात्रन टाइगर सुमात्रा इंडोनेशिया, और इंडो चाइनीज टाइगर कॉन्टिनेंटल साउथ एशिया जो इंडो चाइनीज रीजन है। ओके, इंडो चाइनीज रीजन मतलब क्या है? लाओस, ओके, कैम्बोडिया, वियतनाम, ये कुछ कुछ कंट्रीज है वहां पे एक्चुअली इंडो चाइनीज टाइगर है। ओके, तो 3 कैस्पियन, जावन और बाली टाइगर, दे आर एक्सटिंक्ट। ओके, दे आर बेसिकली एक्सटिंक्ट टाइगर्स, राइट। और इन सारे टाइगर स्पीसीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन टाइगर का जो है वो इंडिया में है। ओके, सो दैट इज वी शुड बी नोइंग। अब एक क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लेना। आई विल टेक अ पॉज ऑफ 30 सेकंड्स सो दैट यू कैन रीड इट एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ओके, सो इसका आंसर आप पहले दीजिएगा। जस्ट पॉज फॉर 30 सेकंड्स हियर।
चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. डबल हम्प्ड कैमल इन नेचुरली फाउंड इज इंडिया ओनली. एंड वन हॉर्न राइनोस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. तीन स्पेसिस दिया है और तीन स्पेसिस के बारे में पूछा है कि दे आर एंडेमिक टू इंडिया, मीन दे आर नेचुरली फाउंड ओनली इन इंडिया. ओके, अब तीनों में ओनली है तो सर एक्सट्रीम है तो तीनों कैंसिल कर दे क्या? तो हर बार ये एक्सट्रीम का जो आपका फंडा होता है कि एक्सट्रीम वर्ड है, दैट डजंट वर्क. ओके, नाउ एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. ऑफकोर्स इट इज, वी हैव ऑलरेडी सीन इट. ओके, सो फर्स्ट तो आपको करेक्ट करना है. फर्स्ट तो आपका क्या है, या करेक्ट हो जाएगा, सेकंड एक ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा. ओके, नाउ ये दोनों है, दे आर नॉट फाउंड ओनली इन इंडिया, दे आर फाउंड इन अदर प्लेसेस ऑल्सो. कैमल इज फाउंड इन अदर प्लेसेस. वन ऑन राइनो जो है इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इनका, बट यू कैन फाउंड दिस इन नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो. जैसे नेपाल में भी वन ऑन राइनो मिलता है आपको. तो विल सी कहाँ का एक्चुअली वन ऑन राइनोसोर्स, विल फाइंड. ओके, फॉर यहाँ आंसर जो होगा दैट इज ए. आंसर इज ए, राइट. तो क्लास जो है आप अच्छे से जैसे देखना, क्लास की काफी मदद होगी ऐसे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में. ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्पेसिस देखते हैं. द नेक्स्ट स्पेसिस इज रेड सैंडल्स, सैंडलवुड स्पेसिस देखते हैं. थोड़े से चंदन की स्पेसिस, सैंडलवुड की स्पेसिस, विल सी. ओके, सो रेड सैंडल्स की रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पहले देखो रेड सैंडल जो था ये IUCN के नियर थ्रेटेंड लिस्ट में था, बट नाउ रेड सैंडलवुड या रेड सैंडल जिसको हम कहते हैं, इट इज पुट इन टू द एंडेंजर्ड कैटेगरी. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर अपडेट, प्लीज रिमेंबर दिस अपडेट कि इट इज नो मोर इन द नियर थ्रेटेंड, इट इज इन एंडेंजर्ड कैटेगरी नाउ रेड सैंडल. ओके, सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेड सैंडल की? इट्स एंडेमिक टू द इंडिया विथ रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रेंज इन ईस्टर्न घाट. ओके, खास करके आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट में. तो जनरली एंडेमिक टू इंडिया है, मतलब बाकी कंट्रीज में नहीं मिलता आपको, और उसका भी पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्टेड एक प्लेस पे, ईस्टर्न घाट्स में, और वो भी एक स्टेट है जहां आंध्र प्रदेश. यहाँ आपको रेड सैंडलवुड या रेड सैंडल्स मिलता है. इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफी डिमांड है रेड सैंडलवुड की या सैंडल्स की, दैट्स व्हाई इट्स एंडेंजर्ड. ओके, नाउ कहाँ है, मतलब कौन सा हैबिटेट है उसका? अगर देखा जाए तो रॉकी एरिया में फैलो लैंड होती है, रेड सॉइल होती है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. तो ऐसा नहीं कि इसको क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी फेवरेबल चाहिए. ओके, तो यूजुअली ग्रो इन रॉकी डिग्रेडेड लैंड होती है, फैलो लैंड्स होती है, जहां रेड सॉइल वगैरह, इस एरिया में रेड सैंडल्स यू विल फाइंड. ओके, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, एंडेंजर्ड है ये फर्स्ट ऑफ ऑल. अब नियर थ्रेटन नहीं रहा, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड है, और शेड्यूल 2 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, इट इज एक्चुअली लिस्टेड ओवर देयर. ओके, दैट इज रेड सैंडल्स ओवर हियर. रेड सैंडल्स के बारे में दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ नेक्स्ट, बिकॉज वी हैव सीन रेड सैंडल्स, सो रेड सैंडल्स का ये बस IUCN स्टेटस याद रखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंडेंजर्ड, और ये कहाँ पाया जाता है, एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट, नहीं ईस्टर्न घाट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब बिकॉज वी आर डिस्कसिंग रेड स्टैंडर्ड्स, बिकॉज ऑफ इट इट वॉज इन न्यूज, वी विल सी वन मोर स्पेसिस, दैट इज इंडियन सैंडलवुड. ये सैंडल सैंडल की ही स्पेसिस है, सैंडलवुड की स्पेसिस है, बट डिफरेंट देन द रेड स्टैंडर्ड्स विच इज फाउंड इन इंडिया. ओके, सो इंडियन सैंडलवुड जो होता है, इट इज अ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट स्पेसिस विच इज फाउंड इन चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस. तो लार्ज रेंज है. ओके, इट इज नेटिव टू चाइना ऑल्सो, इंडिया ऑल्सो, इंडोनेशिया ऑल्सो, ये तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हुई, बट इट इज फाउंड ऑल द वे टू अप टू फिलीपींस एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, इंडिया में इट इज फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स, सारे सदर्न इंडियन स्टेट्स ऑलमोस्ट आप देखना तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका. ओके, वेस्टर्न इंडियन महाराष्ट्र और गुजरात और बिहार और मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में या ईस्टर्न इंडिया में भी ये पाया जाता है. तो ऑलमोस्ट काफी इंपॉर्टेंट, काफी सारे स्टेट्स में, लेकिन इसका IUCN स्टेटस जो है ये वल्नरेबल. वल्नरेबल. अब ओवरऑल थोड़ा सा और एक आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वन मोर डिसीज ऑल्सो रिगार्डिंग द रेड सैंडलवुड. ओके, लेकिन रेड सैंडलवुड अब एंडेंजर्ड है, इंडियन सैंडलवुड इज वल्नरेबल स्पीसीज है, इसको याद रखना. रेड सैंडलवुड बस ईस्टर्न घाट में हमें मिलता है, दैट टू इन आंध्रा. इंडियन सैंडलवुड जो है इट इज फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया. ओके, सैंडलवुड का यूज क्या है? ओके, तो सैंडलवुड का यूज डिफरेंट चीजों के लिए यूज किया जाता है. ये ऑफकोर्स जो सैंडलवुड हार्ट, इसका वुड जो होता है सैंडलवुड का, इट इज यूज फॉर फर्नीचर एंड कार्विंग. ओके, फिर इसका जो बार्क होता है, ट्री बार्क जो होता है, इट हैज टैनिंग, इट इज यूज फॉर डाइंग, पेंटिंग या डाइंग के पर्पज के लिए टैनिंग यूज किया जाता है. तो ये रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, सैंडल ऑयल, यू नो दैट इट्स वेरी फेमस. ओके, एंड इट यूज फॉर परफ्यूम्स,
आपकी इंसेंस होती है, कॉस्मेटिक, सोप्स, मेडिसिन, सैंडलवुड, सैंडल, चंदन का साबुन होता है, ये सब कुछ होता है ना आपका, ठीक है। तो सैंडल ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिवाली के वक्त लोग यूज करने लगते हैं उसको, तो सैंडल ऑयल तो ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको याद रखो, ये तो आपको वैसे भी ऑप्शन में पूछा जाएगा, तो यू विल बी आंसरिंग दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। देन ये एंटीसेप्टिक भी यूज किया जाता है इसका एज ऑयल, एंटी इंफ्लेमेटरी भी इसके ऑयल को यूज किया जाता है, तो कुछ मेडिसिन यूज भी इसका एक्चुअली सॉरी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, एंटीसेप्टिक, इन्फ्लेक्टरी, इंप्लेमेटरी, एंटी इंफ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टीज है, इसको हमें याद रखना है। और सैंडलवुड आजकल तो एरोमा थेरेपी में भी यूज होता है टू रिड्यूस स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता, अलग अलग थेरेपीज है, उसमें एक एरोमा थेरेपी है, ठीक है। तो सैंडल का जो एरोमा है ये शायद लेके लोगों का स्ट्रेस कम होता होगा इसमें, सो एरोमा थेरेपी में टू रिड्यूस स्ट्रेस, हाइपर टेंशन ऑल्सो इट इज यूज, दैट इज इंडियन सैंडलवुड, ओके। चलिए अब इंडियन सैंडलवुड हमने देख लिया, नाउ वील सी वन इंपॉर्टेंट डिसीज, दैट इज कॉल्ड द सैंडलवुड स्पाइक डिसीज, ओके। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द सैंडलवुड, तो उसके रिलेटेड थोड़ी से और भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम देखते हैं, दैट इज सैंडलवुड स्पाइक डिसीज, ओके। सो सैंडलवुड स्पाइक डिसीज जो है, इट्स एन इन्फेक्शियस डिसीज विच इज कॉज बाय द फाइटोप्लाज्मा, ओके। तो फाइटोप्लाज्मा की वजह से ये डिसीज ह्यूमन बींग्स को नहीं होता, दिस डिसीज इज द सैंडलवुड डिसीज, सैंडलवुड को होता है, सैंडलवुड का डिसीज है, इट इज कॉज बाय द फाइटोप्लाज्मा, ओके। तो फाइटोप्लाज्मा क्या है, ये बैक्टीरिया है, इनफैक्ट दे आर पैरासाइट्स, ओके। तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स विल एक्चुअली एक्ट एज अ वेक्टर, और इस फाइटोप्लाज्मा पैरासाइट्स को ये एक सैंडलवुड स्पेसिस से दूसरे सैंडलवुड ट्रीज पे कैरी करते हैं, ओके। सो इंसेक्ट जो है दे विल एक्चुअली एक्ट एज अ वेक्टर, तो एक ट्री से दूसरे ट्री पे फिर क्या है, पैरासाइट जाता है, ओके। और इस वजह से क्या होता है, वो जो एरिया होता है सैंडलवुड जहां पे इसका इन्फेक्शन होता है, वो लकड़ा लकड़ी जो ट्री की होती है वो खराब हो जाती है वहां, और देर इज नो क्योर फॉर दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन। तो एक ही ऑप्शन होता है, इफ सैंडलवुड स्पाइक डिसीज इज देयर, कट डाउन द ट्री और रिमूव द पार्ट विच इज इन्फेक्टेड, ओके। सो अगेन इट इज इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ फाइटोप्लाज्मा। इंसेक्ट जो है दे एक्ट एज अ वेक्टर फॉर प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन, देर इज नो क्योर फॉर दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन, ओनली वे इज टू कट डाउन द ट्री, ओके। और फर्स्ट दिस डिसीज फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट हुआ था कोडागो कर्नाटका में इन 1899 में, कोडागो कर्नाटका 1899 में ये रिपोर्ट हुआ था, और कर्नाटका में बिकॉज ऑफ दिस 1903 1916 में इस वजह से काफी सारी ट्रीज, सैंडलवुड ट्रीज जो है, इनको बिलियंस ऑफ सैंडलवुड ट्रीज जो है दे वर एक्चुअली कट बिकॉज ऑफ दिस, ओके। 19 सेंचुरी मतलब 1903 एंड 16 में मिलियंस ऑफ सैंडलवुड ट्रीज वेयर कट बिकॉज ऑफ सैंडलवुड स्पाइक डिसीज, दैट वी शुड बी नोइंग हियर। एंड नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पीसीज, एंड दैट स्पीसीज इज डुगोंग स्पीसीज। नेक्स्ट स्पीसीज हमारी है दैट इज डुगोंग, जिसको सी काउ भी कहा जाता है, ओके। तो इसके रिगार्डिंग न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट तमिलनाडु जो हैज डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट डुगोंग कॉन्जर्वेशन रिजर्व इन गल्फ ऑफ मन्नार एंड एडजेसेंट पालनपे, ओके। तो रिमेंबर कौन से स्टेट ने कॉन्जर्वेशन रिजर्व एक्चुअली डिक्लेयर किया है, तमिलनाडु में, कहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार और एडजेसेंट पाल पे, ओके। सो इंडिया के फर्स्ट कॉन्जर्वेशन रिजर्व है डुगोंग का, सो रिमेंबर दिस फैक्ट। ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द डुगोंग कॉन्जर्वेशन रिजर्व, इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कॉन्जर्वेशन रिजर्व, और कौन से एरिया में, यू शुड बी नो। तो डुगोंग एज सच एनिमल है, इसको कहा जाता है सी काउ, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सी काउ। एंड इम्पॉर्टेंट इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट्स ओनली एग्जिस्टिंग स्पेसीज ऑफ हर्बिवोरस मैमल दैट लिव्स एक्सक्लूसिवली इन द सी, मतलब बस सी में ही रहने वाला ये एक ही अब हर्बिवोरस एनिमल की, हर्बिवोरस मैमल की एक्चुअली स्पेसीज है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि डुगोंग हर्बिवोरस है कार्निवोरस है, तो आपको ऑब्वियस इसका आंसर है दे आर हर्बिवोरस, ओके, दे आर नॉट कार्निवोरस, नॉन वेज नहीं खाते, बस वेज एक्चुअली जो वेजिटेबल्स है दे विल एक्चुअली ईट, सो दे आर हर्बिवोरस मैमल, ओके। एंड इनफैक्ट ओनली स्पीसीज ऑफ हर्बिवोरस मैमल दैट विल लिव एक्सक्लूसिवली इन सी, मतलब लैंड पे नहीं रहते, बस सी में एक्चुअली रहते, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डुगोंग क्या इंडिया में पाया जाता है कि नहीं, इट इज फाउंड इन 30 डिफरेंट कंट्रीज, और इंडिया में अगर देखा जाए तो गल्फ ऑफ मन्नार का जो ये सी शोर है, गल्फ ऑफ कच्छ, पाल्क बे, अंदमान निकोबार आइलैंड की, इसका जो सी है यहाँ यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर डुगोंग एनिमल। आयुसीएन स्टेटस का वल्नरेबल, शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स अपेंडिक्स वन, ओके। तो और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि इंडिया ने एक नॉन लीगली बाइंडिंग एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद सीएमएस, ओके, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज जो है, इसके साथ इंडिया ने एक नॉन लीगली बाइंडिंग एमओयू साइन किया, और उसमें किस किस का कंजर्वेशन करने का कमिटमेंट है, उसमें है साइबेरियन क्रेन्स,
मराइन टर्टल्स और उसमें डुगोंग भी ऐड किया गया एंड रैप्टर्स। ओके, तो सीएमएस के साथ हमारा जो एमओयू है फॉर कॉन्जर्वेशन, इसमें डुगोंग इज इंक्लूडेड एज अ एनिमल, इट इज इंक्लूडेड। मरीन टर्टल्स, आपके साइबेरियन क्रेन्स और रैप्टर्स आर ऑल्सो देयर। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट स्पेसिस, एन इंटरेस्टिंग स्पेसिस दिखने में भी होती है, दैट इज पैंगोलिन। ओके, विल सी द नेक्स्ट स्पेसिस, दैट्स पैंगोलिन एक्चुअली। ओके, तो पैंगोलिन भी अलग अलग चीज़ों के वजह से न्यूज में होता है, खास करके काफ़ी थ्रेटन्ड एनिमल है और इसके साथ साथ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हेविली ट्रैफिक्ड एनिमल इसको कहा जाता है। ओके, वर्ल्ड्स मोस्ट हेविली ट्रैफिक्ड एनिमल, सबसे ज़्यादा अगर ट्रैफिकिंग जिस एनिमल की होती है दैट इज पैंगोलिन, एंड दैट्स वाई इट्स ऑलवेज इन न्यूज। ओके, तो पेंगोलिन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, पेंगोलिन सबसे पहले ये नक्टुरनल होता है, एक्टिव इन नाइट, टूथलेस मैमल है। ओके, और एंट ईटर, इट्स एंट ईटर, मतलब ये दे फीड ऑन एंट एंड टर्माइट्स, तो एंट्स एंड टर्माइट्स एक्चुअली ये खाते हैं। सो होता क्या है कि जो मिट्टी होती है ना, इन मिट्टी में दे विल डिग बरोस, वहां खुदाई करते हैं एक्चुअली। और वहां जो एंट्स टर्माइट्स है दे ईट दैट, और ये नॉक्टुर्नल और टूथलेस एनिमल है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर ये पेंगोलिन पे यू कैन सी ऐसे स्केल्स होती है, सो दीज आर लार्ज प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल्स, स्केल्स उनको होती है। ठीक है, इट इज ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लेनेट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, कि पेंगोलिन ओनली, जिसके ऐसे बॉडी पे स्केल जो होते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ओके, इट इज ओनली स्केली मैमल, स्केरी नहीं, स्केली मैमल दैट इज एक्चुअली फाउंड ऑन द प्लेनेट। ओके, और अगर देखा जाए तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केल। देखिए, जब भी उसको लगता है कि कुछ खतरा है किसी एनिमल के वजह से, या सम प्रेडेटर इज ट्राइंग टू प्रे ऑन इट, जब भी उसको लगता है तो इट विल रोल अप, ये खुद को क्या करता है, ये इट विल रोल अप इटसेल्फ इनटू अ बॉल। ओके, तो इस तरीके से स्केल काम करते हैं। सो द पेंगोलिन व्हेनेवर उसको कुछ प्रॉब्लम लगता है, खतरा होगा, इट विल रोल अप इनटू इटसेल्फ इनटू अ बॉल। ओके, व्हेनेवर इट इज थ्रेटन्ड। तो कैसे, देखिए, नेचुरली अगर ये ऐसा दिखता है आपको, बट ये जब रोल अप करता है तो इट विल बी रोल अप लाइक दिस। ओके, सो ये एक पेंगोलिन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट वी शुड बी नोइंग हियर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेंगोलिन हैज 8 स्पीसीज। ओके, लेकिन इंडिया में उसमें से 2 स्पीसीज हमें मिलती है, दैट इज इंडियन पेंगोलिन एंड चाइनीज पेंगोलिन। सो रिमेंबर दिस, 2 स्पीसीज इंडियन पेंगोलिन एंड चाइनीज पेंगोलिन आर फाउंड इन इंडिया। ओके, और उनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन देखो तो इंडियन पेंगोलिन इज फाउंड इन इंडिया, ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो इंडिया के जितने नेबर्स है वहाँ इंडियन पेंगोलिन इज देयर, स्टेटस इंडेंजर्ड है। ओके, चाइनीज पेंगोलिन अगर देखा जाए तो इसकी रेंज काफी बड़ी है, चाइनीज पेंगोलिन इज फाउंड इन इंडिया ऑल्सो। एंड देन इट इज फाउंड इन बांग्लादेश, भूटान, चाइना, हांगकॉन्ग, बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, इट इज फाउंड देयर ऑल्सो, बट इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये यहाँ कन्फ्यूजन होता है काफी बार अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो, इंडियन पेंगोलिन इज एंडेंजर्ड, चाइनीज पेंगोलिन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस तो ये फर्स्ट हुआ, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाला। दूसरा, हैबिटेट भी अगर देखा जाए तो चाइनीज पेंगोलिन की रेंज ज्यादा है रादर देन इंडियन पेंगोलिन, जिस एरिया में पाया जाता है। थर्ड डिफरेंस है कि इंडियन पेंगोलिन इज लार्ज देन द चाइनीज पेंगोलिन, लार्जर होता है। ओके, और एक डिफरेंस है कि ये जो इंडियन पेंगोलिन होता है, ओके, इसका ये जो टेल होता है, इस टेल के एंड में भी स्केल्स होते हैं, टर्मिनल स्केल्स जिसको आगे। ओके, टेल के एंड में भी टर्मिनल स्केल्स आर देयर व्हिच आर नॉट फाउंड इन द चाइनीज पेंगोलिन। सो टर्मिनल स्केल इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द टेल ऑफ द इंडियन पेंगोलिन। जो टेल अगर होगी तो इस टेल के लोअर साइड पे यू विल सी द टर्मिनल स्केल्स, ये स्केल्स होते हैं, लेकिन जो चाइनीज पेंगोलिन में नहीं होता, इंडियन पेंगोलिन में होता है, और इंडियन पेंगोलिन इज लार्जर देन द चाइनीज पेंगोलिन। जनरली अभी तक हमने देखा कि इंडियन स्पीसीज आर स्मॉलर विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीकन स्पीसीज, कुछ कुछ हमने देखा, एलिफेंट देखा है, ठीक है, तो लायन देखा है, वैसे पेंगोलिन के केस में नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें याद रखनी चाहिए आपको पेंगुलिन के बारे में, कि हाउ दे आर हेल्पफुल फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, इनका यूजफुलनेस क्या है इकोसिस्टम के लिए। ओके, तो देखिए, एज आई टोल्ड यू, ये जो पेंगुलिन होते हैं दे विल डिग बरोस, थोड़ी खुदाई करते एक्चुअली ये जमीन में, तो इस वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है इट विल गेट एरेटेड, उसको एयर मिलता है। ओके, और इस वजह से सॉइल, जो सॉइल का जो मॉइस्चर है ये भी एक्चुअली ऐड होता है इसमें। ओके, सो सॉइल गेट्स एरेटेड एंड सॉइल में मॉइस्चर ऐड होता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, डिगिंग बोरो एक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पैंगोलिन। ओके, देन दे कीप इन चेक पॉपुलेशन ऑफ सर्टन इंसेक्ट्स बिकॉज दे प्रे ऑन इंसेक्ट्स, तो उनका पॉपुलेशन भी क्या है वो कंट्रोल में रखते हैं। ओके, एंड द बोरोज दैट दे डिग, ये जो खुदाई वो करते हैं, वहाँ जो खड्डे
यहाँ जो एक्चुअली बोरोज होती है ये बाकी एनिमल्स के लिए काम आता है फॉर शेल्टर. सो देयर बोरोज कैन बी यूज्ड एज अ शेल्टर बाय अदर एनिमल्स. ओके, जो प्रे इंसेक्ट्स होती है उनका पॉपुलेशन ये कंट्रोल में रखता है पैंगोलिन, बिकॉज इट्स एंड ईटर, इट्स टर्माइट ईटर एंड इंसेक्ट ईटर, एंड इट विल हेल्प इन एरेटिंग एंड एडिंग मॉइस्चर टू द सॉइल. ये इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विस पैंगोलिन की है, वी शुड बी नोइंग हियर. ओके, चलिए अब बिफोर वी सी द नेक्स्ट स्पीसीज लेट्स सी दिस क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड. उसका एक ऑप्शन में पेंगोलिन भी था यहाँ पे स्टेटमेंट में, आइटम की जो लिस्ट है इसमें. कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स टू रिड्यूस द चांस बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स, विच ऑफ द ऑर्गेनिजम्स रोल अप और प्रोटेक्ट देयर वल्नरेबल पार्ट्स. कौन सा एनिमल इसमें से रोल अप कर रहा है, जैसे चाइनीज हमने पेंगोलिन का देखा, पेंगोलिन का रोल अप होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और तीन में से एक्चुअली कौन है. तो इसका आपको आंसर है हेजहॉग एंड पेंगोलिन. पेंगोलिन तो होगा, अभी हमने देखा है, तो ये दो तो हम वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं. तो आंसर इसका जो होगा दैट इज डी. ओके, मैमट नहीं करता है बट हेजॉक एंड पेंगोलिन विल डू दैट. तो आंसर विल बी डी ओवर हियर. ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पेसीज नाउ. अब थोड़ी एक दो स्पेसीज बंदर की देख लेते हैं, मकाक. ओके, सो एक गोल्डन लंगूर इसके बाद, और उससे पहले व्हाइट चिक्ड मकाक, ये दो स्पेसीज देखते हैं. ओके, सो व्हाइट चिक्ड मकाक देखिए कैसे देख रहा है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दी व्हाइट चिक मकाक ओवर हियर. तो व्हाइट चिक मकाक के बारे में देखिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है. रिमेंबर द न्यूज कि साइंटिस्ट है, अरुणाचल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट है, दे हैव रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट चिक मकाक फ्रॉम द सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश. ओके, तो फर्स्ट टाइम एक्चुअली उनको क्या है, सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश स्टेट का नाम याद रखना, यहाँ उनको व्हाइट चिक मकाक जो है स्पेसीज उनको मिला. They have spotted this particular species there. Okay, so last time this species was discovered in China in 2015. Okay, और इंडिया में भी ये species ये पता ही नहीं था. China में it was discovered in 2015. इंडिया में हमें पता ही नहीं था कि this species was there. वो first time अभी अरुणाचल प्रदेश में spot की गई है white chick macaw की particular species. तो इसकी कुछ important characteristics देखते हैं, देखिएगा white chick macaw. First of all, इसके cheeks जो होते हैं white होता है. Okay, and that's why they are called as a white chick macaw. So distinct white cheeks. लॉन्ग एंड थिक हेयर ऑन नेक, नेक पेन के लॉन्ग एंड थिक हेयर होते हैं. ओके, एंड लॉन्गर टेल दैन दी अदर मकाक स्पेसिस. तो इनकी टेल रिलेटिवली लॉन्गर होती है, थिक हेयर होते हैं, एंड जो हम कह सकते हैं डिस्टिंक्ट वाइट चिक्स इनके होते हैं. उसके इट्स लास्ट मैमल टू हैव बीन डिस्कवर्ड इन द साउथ ईस्ट एशिया. लास्ट मैमल, मोस्ट रिसेंट मैमल अगर कोई साउथ ईस्ट एशिया में डिस्कवर हुआ है तो दैट इज एक्चुअली 2015 में वाइट चिक मकाक. ओके, और बोथ अरुणाचल मकाक एंड व्हाइट चिक मकाक एग्जिस्ट इन द सेम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ओके, ईस्टर्न हिमालय 19 अभी तक ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूड नहीं हुआ पाया, बट वी डिड नॉट नो कि ये इंडिया में होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो इसलिए अभी तक इट वॉज नॉट इंक्लूडेड, अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया इसका. तो इसका कॉन्जर्वेशन स्टेटस भी अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ है. सो नाइदर कॉन्जर्वेशन स्टेटस इज डिटरमाइंड अंडर आईयूसीएन रेड लिस्ट, नॉर डू वी नो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का इसमें इसका कौन से शेड्यूल में इंक्लूड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एज सच की ये व्हाइट चिक मकाक फर्स्ट टाइम अब अरुणाचल प्रदेश में हमें मिला है. रिमेंबर दिस इज रिमेंबर द अरुणाचल प्रदेश नेम. ओके, अब व्हाइट चिक मकाक देखने के बाद लेट्स सी द नेक्स्ट मकाक स्पेसीज, नेक्स्ट बंदर की स्पेसीज देखते हैं, दैट इज गोल्डन लंगूर. गोल्डन लंगूर, ओके, और गोल्डन लंगूर को हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देयर कलर. ओके, सो मोस्ट इजिली रिकोगनाइज बाय द कलर ऑफ देयर फर. उनका फर का जो कलर है गोल्डन कलर है काइंड ऑफ, एंड दैट्स व्हाई द नेम इज गोल्डन लंगूर. लेकिन कुछ उनके कलर के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स आप पता होनी चाहिए. व्हाट इज दैट, कि ऐसा कहा जाता है, इट इज नोटेड दैट देयर फर कलर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सीजन एज वेल एज ज्योग्राफी. जिस रीजन में वो रहते हैं, जिस जगह पे वो रहते हैं, और जैसा सीजन है उस तरीके से उनका फर कलर में थोड़ा सा चेंज आता है. ओके, उसके साथ साथ अगर देखा जाए जो यंग उनकी स्पेसीज होती है गोल्डन लंगूर की, यंगर स्पेसीज, तो दे ऑलमोस्ट दे आर वाइट इन कलर. ओके, तो यंगर स्पीसीज और जो ओल्डर स्पीसीज, एल्डर स्पीसीज है, इसमें डिफरेंस है कलर में. यंगर स्पीसीज ऑलमोस्ट वाइट इन कलर. ओके, एंड दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ट्रीज, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लीफ मंकीज ऑल्सो. ट्रीज पे काफी डिपेंडेंट है, टी लीव्स पे काफी इंपॉर्टेंट डिपेंडेंट है, अपर कैनोपी जो होता है ट्री का वहां रहते हैं. दे आर कॉल्ड एज लीफ मंकीज ऑल्सो, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और कलर के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इनकी बताई ये भी हमें याद रखें. ओके, वेयर दे आर फाउंड, कहाँ मिलता है ये, वेस्टर्न आसाम, इंडिया एंड सदर्न भूटान.
तो वेस्टर्न आसाम में खास करके ये, और सदर्न भूटान में ये हमें कहीं ना कहीं मिलता है, और इंडिया में भी ये आसाम में एक्चुअली ज्यादा पाया जाता है, संकोच रिवर, मानस रिवर। ये कोई ना कोई एरिया जो है ना, यहाँ इनका ज्यादा एरिया है गोल्डन लंगूर। आयुसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपेंडिक्स वन में ये है, और भूटान फॉरेस्ट एंड नेचर कॉन्जर्वेशन एक्ट के अंडर ऑल्सो दे आर प्रोटेक्टेड। इंडिया में तो ऑफ कोर्स दे आर गेटिंग हाईएस्ट प्रोटेक्शन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आई होप यू नो द ऑल शेड्यूल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, के सारे शेड्यूल्स आपको पता है। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इंडिया में दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल वन, तो भूटान के फॉरेस्ट एंड नेचर एंड कंजर्वेशन एक्ट के अंडर ऑल्सो दे आर प्रोटेक्टेड ओवर हियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्रोकोडाइल स्पेसीज इन इंडिया, लेट्स सी सम ऑफ द क्रोकोडिलियन स्पीसीज इन इंडिया। तो इंडिया में देखा जाए तो देर आर थ्री क्रोकोडाइल स्पीसीज, इंडिया में हमें तीन क्रोकोडाइल स्पीसीज मिलती है। तो ये तीनों क्रोकोडाइल स्पीसीज के बारे में वी आर गोइंग टू सी नाउ, तीनों क्रोकोडाइल स्पीसीज। एक है जिसको हम कहते हैं मगर, दूसरी है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और तीसरी है घड़ियाल। मगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, ऐसे तीन क्रोकोडाइल स्पीसीज है इंडिया में, एंड वी आर गोइंग टू सी ऑल द थ्री स्पीसीज, नॉट ऑल ऑफ देम आर न्यूज, बट वी आर गोइंग टू सी ऑल ऑफ द थ्री स्पीसीज। बट बिफोर वी सी दैट, लेट्स सी सर्टन फैक्ट्स एंड एज वेल एज सर्टन इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग दी क्रोकोडाइल। तो न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि उड़ीसा का जो भितरकनिका का नेशनल पार्क है, और उसके पास जो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ एक्चुअली सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का थोड़ा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, तो दैट न्यूज इज दैट नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि यहाँ थोड़ा सॉल्ट वाटर पॉपुलेशन क्रोकोडाइल का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। बट कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ये जो भितरकनिका है उड़ीसा में, यहाँ लॉट्स ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आर फाउंड, मतलब इंडिया में लॉट्स ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आर फाउंड, और उसमें से 20 व्हाइटिश स्पीसीज आर ऑल्सो देयर। ये श्रिंक क्रोकोडाइल इज इटसेल्फ इज अ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो बस उसमें एक्चुअली व्हाइटिश व्हाइट कलर की स्पीसीज भी आपको पाया जाता है, दिखता है। सो बस 20 व्हाइटिश एश्योरिंग क्रोकोडाइल्स ही नहीं है, वो तो है, लेकिन अलावा बाकी भी स्पीसीज है, बट ये भी इंपॉर्टेंट इसके बारे में आता है, व्हाइट स्पीसीज भी यहाँ मिलती है। उसके साथ साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रोकोडाइल जो है, इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, ये है इंडिया का ही, वो पाई गई थी भितरकनिका में इन 2006। सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 23 फीट लॉन्ग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये एक्चुअली भितरकनिका में पाया गया था 2006। और ओडिशा का केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट है, ये एक ही डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का कि जहां तीनों स्पेसिस ऑफ क्रोकोडाइल आपको मिलता है। तो केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज ऑल द थ्री स्पेसिस ऑफ द क्रोकोडाइल। भितरकनिका जो है, यहाँ क्रोकोडाइल की काफी सारी स्पेसिस है, एश्योरिन क्रोकोडाइल की, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, लेकिन इसमें व्हाइटिश सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी एक्चुअली आपको मिलता है। एश्योरिन क्रोकोडाइल इटसेल्फ इज अ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड बी नोइंग। अब क्रोकोडाइल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखते हैं, तीनों क्रोकोडाइल का थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं। तो एक टाइप है इनका मगर या मार्श क्रोकोडाइल, सेकंड है सॉल्ट वाटर या एश्यूरिन क्रोकोडाइल, एंड थर्ड इज एक्चुअली घड़ियाल। थर्ड जो है यहाँ पे, दैट इज घड़ियाल। तो लेट्स सी नाउ इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन, विल सी द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस क्रोकोडाइल ओवर हियर, इसका इंफॉर्मेशन देखते थोड़ा सा। देखिए तो मगर क्रोकोडाइल जो है, ये इसको भी डेंजरस ही माना जाता है, एंड देर एग लेइंग एंड होल नेस्टिंग स्पेसिस, होल में रहने और एग लेइंग स्पेसिस है। देन नेक्स्ट थिंग अबाउट देम इज कि दे आर मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये दोनों जगह पे आपको मिलता है, ये दे यू विल फाइंड देम इन सॉल्ट वाटर ऑल्सो, और यू विल फाइंड देम इन फ्रेश वाटर ऑल्सो। तो कोस्टल फ्रेश वाटर भी हमें, कोस्टल सॉल्ट वाटर में भी हमें मिलती है, और फ्रेश वाटर भी मिलती है। सो मेनली दे आर मगर आर मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दे आर फाउंड इन बोथ सॉल्ट वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। देन भूटान में और म्यांमार में ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, दो कंट्रीज में, एंड आईसीएन स्टेटस इसका क्या है, वल्नरेबल। ऑल थ्री स्पेसिस इंडिया में है, तो ऑल थ्री स्पेसिस आर इन दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल वन। तीनों स्पेसिस उसमें, तो इसको याद रखना है, आईसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल। देन वी कम टू द नेक्स्ट, सॉल्ट वाटर क्रोकोडिल और एश्योरिन क्रोकोडिल। सो इट इज कंसिडर्ड एज दी अर्थ लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल स्पीसीज। सबसे जितनी भी क्रोकोडाइल स्पीसीज, इसमें सबसे बड़ी क्रोकोडाइल स्पीसीज जो है, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। इट इज इन फेमस और फेमस फॉर वॉट, बींग मैन ईटर, कि आदमी को खा जाता है, इन फेमस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज द लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल स्पीसीज, और इट इज फेमस और फेमस फॉर दैट, मैन ईटिंग
एक्टिविटी ऑफ इट. ओके, नाउ इट इज फाउंड इन ओडिशा, भितरकनिका नेशनल पार्क, सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार. तो देखो ओडिशा में तो ये काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, अभी हमने देखा सुंदरबंस में भी, वेस्ट बंगाल में, तो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में दे आर देयर, बट ये अंडमान निकोबार आइलैंड के वाटर्स में भी है. एंड नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर फाउंड इन दी ऑस्ट्रेलिया के वाटर्स, साउथ ईस्ट एशिया के वाटर्स ऑल्सो दे आर फाउंड, लिस्ट कंसर्न, क्योंकि इनका पॉपुलेशन इज इनफ पॉपुलेशन, काफी ज्यादा पॉपुलेशन इनका. ओके, एंड देन लास्ट कम्स घड़ियाल. सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना बात घड़ियाल के बारे में कि दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ओके, क्रिटिकली एंडेंजर्ड. और इनका जो स्नाउट होता है वो घड़ियाल का, यहाँ मैंने फोटो नहीं मैंने यहाँ पोस्ट किया है, घड़ियाल का मुंह जो मुंह होता है एक्चुअली इसका घड़ा जैसा मुंह होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ घड़ियाल. पॉड जो होता है ना, वो घड़ा जो होता है घड़े जैसा, इसका स्नाउट होता है, थिन स्नाउट, सो दैट्स व्हाई दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ घड़ियाल. ओके, एंड ये क्लीन वाटर में रहता है, तो इट्स अ गुड इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ क्लीन वाटर. अगर घड़ियाल का पॉपुलेशन अच्छा है किसी वाटर में, सो वी कैन से इट्स अ क्लीन वाटर, इट्स नॉन पॉल्यूटेड वाटर. पॉपुलेशन अगर कम हुआ तो वी कैन से कि इनका जो वाटर है दैट्स नॉट गुड. ओके, सो दे आर रिलेटिवली हार्मलेस. ओके, एंड फिश ईटिंग स्पीसीज, जनरली फाउंड इन फ्रेश वाटर्स. मैंने कहा इसका सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट जो पॉपुलेशन मिलता है वो चंबल रिवर. ओके, एंड अदर हिमालयन रिवर्स में भी यू विल फाइंड, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन चंबल रिवर में. फिर बाकी राम गंगा, घाघरा, गंगा रिवर, गिरवा रिवर, हियर ऑल्सो यू विल फाइंड देम, सोन रिवर. सो घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड, चंबल रिवर सबसे इंपॉर्टेंट हैबिटेट इनका, फ्रेश वाटर में जनरली ये पाया जाता है, रिलेटिवली हार्मलेस है, एंड दे आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ द क्लीन वाटर. ओके, और तो ये तीनों हमने जो स्पीसीज है हमने देखा, और तीन स्पीसीज में एक ही स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दैट इज घड़ियाल, प्लीज रिमेंबर दिस. साल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो लिस्ट कंसर्न. चलिए, सो वी हैव सीन दी ऑल क्रोकोडाइल स्पीसीज ऑल्सो इन इंडिया. अब हम डॉल्फिन स्पीसीज की तरफ बढ़ते हैं, वी विल सी दी डॉल्फिन स्पीसीज इन इंडिया. ओके, सो लेट्स सी डॉल्फिन स्पीसीज. So, Ministry of Environment, Forest and Climate Change announced that October 5 will be celebrated as National Dolphin Day beginning 2022. Okay. So, what is the news? Ki October 5 ko ab hum India jo hai National Dolphin Day celebrate karne wala hai 2022 se. So, this is an important fact. National Dolphin Day 2022 se actually celebrate. Okay. To ye ek news thi iske regarding dolphins ke regarding. Dolphin ke regarding there is one more news. What is that? Ek study tha. That says कि जो noise generate होता है, ठीक है, water में because of human activity जो भी noise generate होता है, इस वजह से क्या होता है, dolphins को communication में problem आता है और वो उनके survival पे effect करता है. Because अब let's say ships are going, ships अगर जा रहे हैं, उनका काफी ज्यादा water में noise हो रहा है, और dolphin एक दूसरे के साथ आवाज के through connect करते हैं, so they will have to shout that time, तो उनका communication ठीक से नहीं होता. So noise generated in the human activity makes it harder for dolphins to communicate. Okay, so that is one important thing. And third important news jo thi, what is that? Ki Lakshadweep mein first ever rough-toothed dolphin jo hai ye paya gaya in any Indian water. Agar dekha jaye to first ever jo hai rough-toothed dolphin jo hai Lakshadweep mein actually recently paya gaya. Usko sighted kiya gaya. So koi rough-toothed dolphin as in first time sighted in the Lakshadweep water, in Indian water recently. सो ये तीन डिफरेंट न्यूज एक्चुअली डॉल्फिन के बारे में थी, उसमें से रफ टू डॉल्फिन एज सच स्पेसिफिकली न्यूज में थे. ओके, एंड अक्टूबर 5 विल बी सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल डॉल्फिन डे, ये न्यूज में है आपको स्पेसिस, सो वी विल सी द डिफरेंट डॉल्फिन स्पेसिस दैट आर देन इंडिया. ओके, तो सबसे पहले तो ये रफ टू डॉल्फिन देख लेते हैं, एंड देन अदर डॉल्फिन स्पेसिस लाइक गैंगेटिक डॉल्फिन, इरावती डॉल्फिन. ओके, तो ये इंडस रिवर का डॉल्फिन है, विल सी दोज डॉल्फिन ऑल्सो जो जनरली स्टैटिक कंटेंट में आप पढ़ते. ओके, सो रफ टू डॉल्फिन जो है, so where they are found, they are almost found in all the oceans. Okay, almost found in all the oceans like Atlantic, Pacific, Mediterranean Sea, Indian Ocean, sab jagah pe actually aapko ye milta hai. To tropical temperate waters mein you will find them. Okay, rough tooth dolphin, but inke bare mein itni information nahi. Why they are called rough tooth? Because unke teeth jo hote hai ye thode se rough hote hai, roughened surface hota hai unke teeth pe, roughened surface will be there, that's why they are called the rough tooth. दे हैव वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स कि उनका जो हेड जो होता है ये कोनिकल होता है. कोनिकल एक्चुअली जो है इनका हेड होता है, स्लेंडर नोज एंड कोनिकल हेड, रफ टूथ सरफेस होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द रफ टूथ डॉल्फिन. ओके, फाइन, सो थोड़ा सा ग्रे उनका यहाँ पे कलर होता है. आईयूसीएन स्टेटस इनका लिस्ट कंसर्न है ओवरऑल. ओके, सो रफ टूथ डॉल्फिन, रिमेंबर दिस थिंग, दे आर ऑलमोस्ट फाउंड इन ऑल द वाटर्स.
तो ऐसा क्वेश्चन कभी यूपीएससी पूछ देता है कि रप टू 12 फिश आर फाउंड ओनली हियर और ओनली देयर, तो दे आर एक्चुअली फाउंड इन ऑल द वाटर्स ओवर हियर, ठीक है, और आयुषन स्टेटस भी उनका लिस्ट कंसर्न है। नाउ वंस वी हैव डिस्कस्ड द रप डॉल्फिन, लेट्स सी अदर इंपॉर्टेंट डॉल्फिन स्पीसीज दैट आर फाउंड इन इंडिया। तीन इंपॉर्टेंट अदर डॉल्फिन स्पीसीज व्हिच आर फाउंड इन इंडिया, गैंगेटिक डॉल्फिन जिस पे यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा, विल डिस्कस दैट क्वेश्चन एनीवेज, सेकंड इरावदी डॉल्फिन, ओके इंडस डॉल्फिन, और थर्ड जो इरावदी डॉल्फिन, ये तीनों भी डॉल्फिन हम जो है देख लेते यही पे विल डिस्कस दे, उस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। सो ऑफिशियली गैंगेटिक डॉल्फिन वाज फाउंड इन 1801। कहाँ ये मिलते पाए जाते हैं, अगर कंट्रीज के बारे में देखा जाए तो नेपाल में भी है, इंडिया में भी है और बांग्लादेश में। तो गंगा पम्बा पुत्रा मेघना ये रिवर का जो कॉम्बिनेशन है, एज वेल एज कर्णाफुली संगो रिवर इन बांग्लादेश, ओके। सो गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना इनका बेसिन और कर्णाफुली संगो रिवर जो है, ओके, ऑफ नेपाल इंडिया एंड बांग्लादेश, यू विल फाइंड देम देयर, ओके। इस स्पेसिस की कुछ इंपॉर्टेंट, अब इनका आपको स्पेसिस का जनरली हैबिटेट आपको पता चल गया कि नॉर्थ इंडिया साइड में और ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में यू विल फाइंड गैंगेटिक डॉल्फिन्स, ओके। फर्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे आर इसेंशियली फ्रेश वाटर डॉल्फिन, फ्रेश वाटर में ही रहते हैं, ओके, एंड दे आर ब्लाइंड एक्चुअली, ओके। सो एक दूसरे के साथ फिर ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं, थ्रू द नॉइज दैट इज जनरेटेड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सुसुअल्स, सुसु बिकॉज ऑफ साउंड वो जनरेट करते हैं, सुसु ऐसा साउंड होता है, सुसु मतलब नॉट बिकॉज ऑफ द सुसु दैट यू आर थिंकिंग, ठीक है, तो सुसु जो साउंड सुसु ऐसा होता है उस वजह से दिस पर्टिकुलर दे आर कॉल्ड सुसु, एंड दे ओनली लिव इन फ्रेश वाटर इसेंशियली ब्लाइंड, ओके। तो अल्ट्रा, अब नाउ हाउ दे विल प्रे देम, कैसे उनको पता चलेगा कि उनका जो शिकार है वो कहाँ पे, दे विल इमिट द साउंड, ओके, दैट साउंड विल एक्चुअली हिट द प्रे एंड दैट विल बाउंस बैक, और फिर उनको पता चलेगा कि उसकी उनकी इमेज फिर ये क्रिएट करते हैं, ओके। सो काइंड ऑफ अल्ट्रासोनिक काउंट रडार जैसे एक्चुअली ये काम करता है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड जैसे एक्चुअली जो है इज इमिटिंग द अल्ट्रासोनिक साउंड, दे विल फाइंड देयर पर्टिकुलर प्रे, ओके, दे आर ब्लाइंड, दे लिव इन फ्रेश वाटर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसु बिकॉज ऑफ द नॉइज दैट दे जनरेट लाइक, ओके। सो ग्लोबल पॉपुलेशन जो है गैंगेटिक डॉल्फिन का अराउंड 4,000 है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको 80,000 ऑफ देम विल फाइंड, ओके। They are indicator of the health of the entire river ecosystem. Why? Because they are even fresh water. So if they are found in river in more numbers, you can say ki, okay, river ka health is better. They are not polluted. Okay, they are not polluted. Schedule 1 mein ye hai. Okay, endangered hai. Endangered hai. And Schedule 1 mein India ke, they are listed. Wildlife Protection Act ke. Now, they are also declared as the National Aquatic Animal of India. National Animal of India, jo hai tiger humne dekha. नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ये तो वेल नोन फैक्ट है, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट डॉल्फिन स्पीसीज एंड दैट इज इंडस डॉल्फिन स्पीसीज, ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, ओके, एंड साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन के दो स्पीसीज है, इंडस रिवर डॉल्फिन एंड गंगस रिवर डॉल्फिन या गैंगेटिक रिवर, ओके। तो ओवरऑल जो स्पेसीज है दैट इज साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, उसमें दो स्पेसीज आती है, हमने गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन ऑलरेडी देखा है, नाउ विल सी द इंडस रिवर डॉल्फिन। इंडस रिवर डॉल्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ भूलान, लोकली इट्स कॉल्ड एज अ भूलान इसका नाम है, ओके। एंड कहाँ आपको ज्यादा ये मिलते हैं, इंडस रिवर में पाकिस्तान में, और थोड़ा सा उनका पॉपुलेशन जो है इंडिया में बी एस रिवर में, ओके। सो थोड़ा सा उनका पॉपुलेशन इंडिया के बी एस रिवर में, और ज्यादा पॉपुलेशन जो है दैट इज इंडस रिवर इन पाकिस्तान। दे आर स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, पंजाब का स्टेट एनिमल है याद रखना, और पाकिस्तान का ये नेशनल मैमल है, इट इज अ नेशनल मैमल ऑफ पाकिस्तान, स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब, स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ द पंजाब, प्रोटेक्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड दे आर एंडेंजर्ड स्पीसीज, दे आर एंडेंजर्ड स्पीसीज ओवर हियर, ओके। एंड थर्ड इज इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, तो इरावदी डॉल्फिन जो है दे आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ओके, और तीन मेनली रिवर में होते हैं, इरावदी रिवर, ठीक है, महाकाम रिवर और मेकोंग रिवर, इरावदी महकाम और मेकोंग रिवर जो है यहाँ जनरली यू विल फाइंड देम, सो मतलब चाइना में भी है, इंडोनेशियन रिवर में भी है, एंड म्यांमार में भी यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर इरावदी डॉल्फिन्स, एंडेंजर्ड आईयूसीएन लिस्ट में, टोटल पॉपुलेशन इनका जो है अगर देखा जाए तो अराउंड 7,500 है, ओके 7,500 है, और डॉल्फिन डिस्ट्रीब्यूशन इन चिल्का इज कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट सिंगल लगून पॉपुलेशन, मतलब चिल्का लेक में भी इनका पॉपुलेशन एक्चुअली है, हाईएस्ट सिंगल पॉपुलेशन इनका पाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो इरावदी डॉल्फिन इज फाउंड मोस्टली इन साउथ ईस्ट
एशिया बट ऑल्सो इन बांग्लादेश एंड इंडिया ऑल्सो, चिल्का लेक में भी द पॉपुलेशन इज देयर. सो यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करना, इट्स गैंगेटिक डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन और इरावती डॉल्फिन, ऑल ऑफ देम आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट. उसमें से कोई भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड या उससे अच्छा और स्टेटस नहीं होगा. क्रिटिकली एंडेंजर्ड इज सबको से बैड स्टेटस, एंडेंजर्ड या उससे नियर थ्रेटन या ऐसा कोई उसका ये स्टेटस नहीं, ऑल देम आर एंडेंजर्ड. सो सारे डॉल्फिन स्पेसिस जो है हमने यहाँ देख लिया, और जो न्यूज में था ओके रफ टू डॉल्फिन दैट ऑल्सो वी हैव सीन. नाउ वील सॉल्व फ्यू क्वेश्चन. आई विल पॉज अ वीडियो फॉर 30 सेकंड्स, रीड दिस क्वेश्चन एंड देन यू आंसर दिस क्वेश्चन, देन वील डिस्कस दिस. द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द गैंगेस रिवर डॉल्फिन. अदर देन पोचिंग, वट आर द पॉसिबल रीजन फॉर डिक्लाइन इन दी पॉपुलेशन ऑफ द गैंगेस रिवर डॉल्फिन. गंगा रिवर डॉल्फिन के पॉपुलेशन में डिक्लाइन होने के रीजन क्या है, इस पे एक क्वेश्चन है 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो इसका आंसर जो होगा, विल सी दिस, इसका आंसर जो है यहाँ पे ये देखिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बराजेस ऑन रिवर. यस, इससे भी उनका जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकता है बिकॉज नेचुरल कोर्स जो होता है रिवर का ये चेंज हो जाता है. ओके, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन द रिवर. सी क्रोकोडाइल के वजह से, क्रोकोडाइल तो पहले भी थी रिवर में, उसके वजह से गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन का पॉपुलेशन कम नहीं होता है, दैट्स रॉन्ग. तो अगर थर्ड भी अगर आप देखो तो एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर आपका जो होगा आगे देखते हैं. ठीक, सॉरी एक मिनट, ठीक है, सेकंड अगर आप एलिमिनेट कर दो, सेकंड एलिमिनेट कर दिया तो आंसर जो होगा ये सी आ जाएगा. ओके, गेटिंग ट्रैप्ड इन द फिशिंग नेट्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर के वजह से, पोल्यूशन के वजह से उनको प्रॉब्लम होता है, तो आंसर जो होगा दैट इज सी. ओवर लेट सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओवर हियर, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज गैंगेटिक डॉल्फिन. ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. चलिए नेक्स्ट स्पेसीज है, दैट इज इंडियन वुल्फ. नेक्स्ट स्पेसीज वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर इज इंडियन वुल्फ. ओके, इंडियन वुल्फ वाज इन न्यूज, व्हाई, बिकॉज इसका फर्स्ट साइंटिफिक पॉपुलेशन एस्टिमेट हुआ था रिसेंटली. ओके, इंडियन पेनिनसुला वुल्फ का या इंडियन वुल्फ का, और उसमें कहा गया कि देर आर ऑलमोस्ट ओनली 3100 स्पेसीज आर रिमेनिंग. इसके बस 3100 स्पेसीज इंडिया में रिमेनिंग है, दैट्स वाई दिस वॉज इन न्यूज. ठीक है, तो इंडियन वुल्फ की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. इट्स अ सब स्पीसीज ऑफ ग्रे वुल्फ, दे आर कार्निवोर्स, एनिमल ईटर है, मतलब नॉनवेज खाते हैं. दे आर फाउंड इन द श्रब ग्रासलैंड एरिया जो होता है, श्रब्स होता है यहाँ, सेमी एरिड एरिया में यूल एक्चुअली फाइंड देम. हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है इनका मध्य प्रदेश में कॉन्सेंट्रेशन है, आफ्टर दैट यू विल फाइंड देम इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ऑल्सो एंड ऑल्सो इन साउथ इंडिया. तो साउथ इंडियन स्टेट्स में ऑल्सो दे आर फाउंड, महाराष्ट्र, वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स में भी है, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में इनका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. ओके, दे आर एक्चुअली आईयूसीएन के लिस्ट कंसर्न लिस्ट कंसर्न में आते हैं, आईयूसीएन के लिस्ट में ये. ओके फाइन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द इंडियन वुल्फ. उसका पॉपुलेशन का सेंसस हुआ, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट बाकी चीजें आप इसके बारे में याद रखना. इसका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मध्य प्रदेश में, बट इट इज फाउंड ओवरऑल दी मतलब पूरा पेनिनसुला इंडिया, सेंट्रल इंडिया, यू विल एक्चुअली फाइंड देम. ओके, एंड आईयूसीएन लिस्ट जो है लिस्ट कंसर्न, दैट इज इंडियन वुल्फ. नाउ लेट सी द नेक्स्ट स्पेसीज. वुल्फ की स्पेसीज देख लेते हैं, टिबेटन वुल्फ. ओके, तो देखिए वुल्फ की ओवरऑल वुल्फ के 32 स्पेसीज है, और उसमें से इंडिया में बस दो ही स्पेसीज पाई जाती है, एक इंडियन वुल्फ जो अभी हमने देखा और दूसरा है टिबेटन वुल्फ. ओके, तो आउट ऑफ 32 स्पेसीज इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशियंट स्पेसीज. ओके, और आपको टिबेटन वुल्फ आपको कहाँ मिलेगा, हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालय. ओके, तो ट्रांस हिमालयन में आपको तिब्बत में, चाइना में, इट कैन ऑल्सो फाउंड इन दी लद्दाख, तिब्बतन प्लाटो. तो जनरली जहाँ थोड़े माउंटेनियस रीजन है यू विल फाइंड देम. तो ट्रांस हिमालयन रीजन इन चाइना, तिब्बत, इंडिया में लद्दाख में यू विल फाइंड देम. ओके, एंड इनका लेकिन जो पॉपुलेशन है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दैट्स इंपॉर्टेंट. इंडियन वुल्फ का नहीं है, इंडियन वुल्फ इज हार्डली लिस्ट कंसर्न. ओके, या इंडियन वुल्फ हमने ऑलरेडी देखा था. ओके, और यहाँ तिब्बतन वुल्फ जो है इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट. सो और इंडिया में भी ये शेड्यूल वन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्टेड है, अपेंडिक्स वन ऑफ द साइट्स, दैट्स द बेटर. तो उल्प्स की स्पेसीज भी जो इंपॉर्टेंट थी हमारे सामने न्यूज में देख ली. ओके,
अब और एक इंटरेस्टिंग स्पेसिस देखते हैं, एंड दैट इज क्लास. और भी चलेगा हमारा, दिस वीडियो विल बी ऑलमोस्ट मोर 1 आवर विल बी देयर. ओके, व्हाई वी आर कवरिंग ऑल द स्पेसिस और ऑल द रिलेटेड स्पेसिस ऑल्सो, ताकि फिर बाकी किसी सोर्स को आपको ज्यादा रेफर करने का जरूरत नहीं. ओके, चलिए, एटलीस्ट फॉर करंट न्यूज और उसके रिगार्डिंग, करंट के रिगार्डिंग जो स्टैटिक स्पेसिस है उसको तो आपको कवर करने की जरूरत नहीं. ओके, सो लेट्स गो टू द और प्रीवियसली क्वेश्चंस ऑल्सो वी आर कवरिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रेड पांडास. नेक्स्ट स्पेसिस है रेड पांडास. सो वाई रेड पांडास इन न्यूज, बिकॉज ये जो पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, इसने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है. क्या प्रोग्राम? टू रिलीज दी 20 रेड पांडास इन 5 ईयर्स इन द फॉरेस्ट. तो इसका नाम याद रखना है, पद्मराजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क. इट हैज दिस प्लान कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में 20 रेड पांडास जो है ये फॉरेस्ट में रिलीज किया, जो से ये फॉरेस्ट में रिलीज किया. ओके, और वेयर इन फॉरेस्ट, कहाँ पे? दैट इज सिंगलीला नेशनल पार्क, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल. तो सिंगलीला नेशनल पार्क का भी नाम याद रखना कि यहाँ दे विल बी रिलीज्ड. और ये सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ पे है? दार्जिलिंग में. और इसी नेशनल पार्क में दिस पर्टिकुलर जू इज देयर. ओके, उसी एरिया में ये जू है. तो देखिएगा, पांडास की वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, लाइक वी हैड सीन कि वुल्फ हैड 32 स्पीशीज. ओके, पांडास हैव ओनली 2 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड स्पीशीज की कौन सी है? दो ही है, एक है जायंट पांडा, दूसरी है रेड पांडा. ओके, यहाँ पे पांडास की वो मूवी भी देखा ही होगा, ठीक है, अमेजिंग मूवी. तो दैट्स वाई पांडास विल बी वेरी नियर एंड डियर स्पीशीज फॉर मेनी किड्स ऑल्सो एक्चुअली. तो जायंट पांडा और रेड पांडा जो है ये दो ही उसकी स्पीशीज. ओके, और उसमें से रेड पांडा की 2 सब स्पीशीज होती है, मतलब ये 2 स्पीसीज है इसकी और रेड पांडा की भी 2 सब स्पीसीज. कौन सी? हिमालयन रेड पांडा एंड चाइनीज रेड पांडा. ओके, एंड इंडिया इज होम टू बोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ रेड पांडा. सो पांडा की 2 स्पीसीज है, उसमें से रेड पांडा की 2 सब स्पीसीज है, चाइनीज एंड हिमालयन, एंड बोथ ऑफ देम एक्चुअली फाउंड इन इंडिया. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए. रेड पांडास आपको शाय सॉलिटरी एनिमल्स है, देयर अर्बोरियल. अब अर्बोरियल का मीनिंग तो आपको पता ही है. ओके, देयर इंडिकेटर स्पीसीज फॉर इकोलॉजिकल चेंज. ओके, मेनली इनका जो खाना होता है बैम्बू होता है, उनको एक एक्स्ट्रा थंब भी होता है फॉर फीडिंग एंड क्लाइंबिंग. ओके, सो क्लाइंबिंग के लिए, बिकॉज देयर अर्बोरियल एनिमल्स, दे लिव ऑन ट्रीज, तो उसको फीडिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए दे हैव एक्स्ट्रा थंब, दे मेनली फीड ऑन बैम्बू. ओके, 50% इनका पॉपुलेशन जो है रेड पांडा की विल फाइंड इन ईस्टर्न हिमालयस. ईस्टर्न हिमालयस में इसका 50% पॉपुलेशन है और पांडास का हैबिटेट है, हम कह सकते हैं पॉपुलेशन से ज्यादा उनका हैबिटेट जनरली 50% हिमालयस में. कहाँ मिलते हैं? इंडिया में, नेपाल में, भूटान, नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ द म्यांमार एंड सदर्न चाइना. तो चाइना, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, भूटान, यू विल फाइंड देम. ओके, इन माउंटेनियस रीजन. सिक्किम, अगर इंडिया में ही बात की जाए कि कौन से स्टेट में है, तो मल्टीपल स्टेट्स आर देयर, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय और सिक्किम. और सिक्किम का तो ये स्टेट एनिमल है. तो ऑलमोस्ट एक ईस्ट इंडियन स्टेट है हमारा बंगाल, और तीनों सारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम. और सिक्किम का ये स्टेट एनिमल. इट्स एंडेंजर्ड, रेड पांडा इज एंडेंजर्ड, जायंट पांडा इज वल्नरेबल. ओके, सो रेड पांडा एनीवे जो इंडिया में पाया जाता है, इट्स एंडेंजर्ड स्पीसीज. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग द रेड पांडा वी हैव सीन. नेक्स्ट स्पीसीज इज स्लॉथ ब्लैक बियर, सॉरी नॉट स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर वी आर गोइंग टू सी आफ्टर दिस. एशियाटिक ब्लैक बियर, एशियाटिक ब्लैक बियर वॉज ऑल्सो इन न्यूज, बट न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं उसके रिगार्डिंग. बट एशियाटिक ब्लैक बियर के बारे में देखते हैं, एशियाटिक ब्लैक बियर को वैसे हिमालयन बियर भी कहते हैं, तिब्बतन बियर भी कहते हैं, मून बेयर भी कहते हैं इसको. एशियाटिक ब्लैक बेयर का आप ये यू सी दिस पर्टिकुलर हेयर हेयर, ये काफी शाइनी हेयर है इनके. ओके, इफ यू सी दी हेयर ओवर हेयर, दे आर शाइनी हेयर. ओके, सो ग्लॉसी आप उनके एक्चुअली हेयर आपको मिलता है यहाँ पे, और यहाँ एक व्हाइटिश मार्क भी होता है, क्रिसेंट शेप्ड, ऐसा मून शेप्ड आपको व्हाइटिश मार्क दिखता है इनका, ग्लॉसी कोट है ऐसा है. ओके, दे आर ओमनिवर्स, ओमनिवर्स से इंसेक्ट्स खाते हैं. अभी ओमनिवर से मतलब दे ईट वेज ऑल्सो, नॉन वेज ऑल्सो, से इंसेक्ट्स, फ्रूट, नट्स, बीज दे विल ईट. ओके, ओकेजनली दे आर ऑल्सो नोन फॉर अटैकिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स. दे आर नक्टर्नल, अर्बोरिया, दे आर नक्टर्नल ऑल्सो, मतलब रात को एक्टिव होते हैं ज़्यादा, डेज में एक्टिव नहीं होते, ठीक है. और ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके हेयर जो अगर देखा, क्लासिक ग्लासी फिनिश है उसका, दे हैव दिस क्रिसेंट शेप, यहाँ पे आपको पूरे ब्लैक हेयर पे क्रिसेंट शेप ऐसा ये दिख सकता है मार्क. ओके, ओमनिवर है, ऑकेजनली दे अटैक एनिमल्स, दे आर नॉक्टर्नल. और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, समर के डेज में दे लिव ऑन हायर हाइट्स, ऑलमोस्ट 3600 मीटर हाइट पे वो, या ये साइट पे वो समर के डेज में होते हैं.
विंटर डेज में वो थोड़े लोअर हाइट्स पे आते हैं, ऑलमोस्ट 1500 मीटर्स पे दे विल कम ड्यूरिंग द विंटर्स ओवर हियर। अगर उनका एज देखा जाए तो जनरली उनका एवरेज एज होता है 25 ईयर्स के अराउंड। इफ दे लिव इन जंगल एंड दे लिव इन जू और कैप्टिविटी देयर एज कैन बी एक्सटेंडेड ऑलमोस्ट 39 ईयर्स। ओके, एशियाटिक ब्लैक बेयर जो है सी दे आर फाउंड ओवर अ वेरी लॉन्ग रेंज राउंड फ्रॉम, अगर आप देखो अफगानिस्तान तो पाकिस्तान से लेके नेपाल सिक्किम भूटान और साउथ ईस्ट एशिया में यू विल एक्चुअली फाइंड, और इवन इन चाइना और इवन इन रशिया एंड जापान ऑल्सो। ओके, सो एशियाटिक ब्लैक बेयर के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि एशियाटिक ब्लैक बेयर है बट यू विल फाइंड देम इन जापान रशिया नेपाल सिक्किम भूटान अफगानिस्तान, तो ऑलमोस्ट काफी सारे एशिया के एरिया है वेयर दे एक्चुअली लिव। एंड आइवेसन स्टेटस इनका जो है वल्नरेबल, आइवेसन स्टेटस इज वल्नरेबल और हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में दे आर लिस्टेड। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्पीशीज, एंड नेक्स्ट स्पीशीज इज ऑफ दैट स्लोथ बियर। स्लोथ बियर जो है ये हमारी नेक्स्ट स्पीशीज है। तो व्हाई वी आर डिस्कसिंग स्लोथ बियर, कि फर्स्ट वर्ल्ड स्लोथ बियर डे जो था ये अक्टूबर 12 को जो है ये मनाया, सो रिमेंबर दिस थिंग कि इस बार फर्स्ट वर्ल्ड का स्लोथ बियर डे जो है अक्टूबर 12 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और सेंट्रल बियो अथॉरिटी दे हैड एक्चुअली सेलिब्रेटेड दिस पर्टिकुलर डे, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। अब इसकी स्लोथ बियर की थोड़ी सी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वी विल सी ओवर हियर। ठीक है, तो स्लोथ बियर का अगर देखा जाए तो इनके हेयर देखना, हेयर्स आर लिटिल शैगी, जैसे हम नींद में उठते हैं तो हमारे हेयर कैसे होते हैं, दे आर नॉट नीटली अरेंज, वैसे इनके कॉम नहीं किया है तो कैसे होता है, उस तरीके से देयर हेयर आर शैगी। ठीक है, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे एशियाटिक ब्लैक बियर की, तो हेयर वेयर प्रॉपरली अरेंज्ड, हेयर हेयर्स आर शैगी होते हैं, थोड़े से ब्लैक फर आप देख सकते हैं, और इनको भी यू विल सी दिस वाइट मार्क्स ओवर हियर। ओके, सॉलिटरी क्रिएचर्स जनरली नॉक्टर्नल नेचर में होते हैं, ओमनिवर है, दे आर ऑल्सो टर्माइस एंड एंट्स खाते हैं, हनी इनको बहुत पसंद है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ हनी बियर। वेरी फॉन्ड ऑफ हनी, ईट एंट्स एंड टर्माइट्स। देयर इज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स की बाकी बेयर स्पेसिस के अलावा उनको डिस्टिंग्विश करती है, व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि दे रूटीनली कैरी देयर कब्स ऑन देयर बैक्स, उनके जो बच्चे होते हैं कब्स होते हैं दे कैरी ऑन देयर बैक, जो बाकी बेयर की स्पेसिस में ज्यादा नहीं पाया जाता, तो कैरी देयर कब्स ऑन देयर बैक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आल्सो नॉक्टर्नल लाइक अदर बेयर स्पेसिस। ओके, नाउ लाइफ स्पैन इज अराउंड अप टू 40 ईयर्स। वेयर दे आर फ्रॉम, दे आर एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो कंट्री से यही ये पाया जाता है एंडेमिक। ओके, तो इंडिया में पॉपुलेशन है, इसके साथ साथ इनका नेपाल श्रीलंका और भूटान में भी स्मॉल पॉपुलेशन है, वल्नरेबल ही IUCN के रेड लिस्ट में, शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ओके, सो इस तरीके से हमने ये जो इंपॉर्टेंट बर्ड स्पेसीज है, सॉरी बेयर स्पेसीज है, ये बेयर स्पेसीज भी यहाँ पे देख लिया। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट बेयर स्पेसीज ऑल्सो वी हैव सीन ओवर हियर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्पीसीज, और नेक्स्ट स्पीसीज इज ग्रेटेड वन हॉर्न राइनो। ओके, तो राइनोसोरस की स्पीसीज अब देखते हैं, विल सी द राइनोसोरस स्पीसीज नाउ। ओके, सो राइनोसोरस की स्पीसीज विल सी, देखिएगा राइनोसोरस की ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5 स्पीसीज है, देर आर 5 स्पीसीज ऑफ द राइनोसोर। ओके, व्हाइट एंड ब्लैक राइनो यू विल फाइंड इन अफ्रीका। ओके, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावन एंड सुमात्रन हायरो यू विल फाइंड इन एशिया। 3 एशियन है, 2 अफ्रीकन स्पीसीज है, ब्लैक एंड व्हाइट राइनो अफ्रीकन स्पीसीज है, ग्रेटर वन ऑन राइनो, जावन एंड सुमात्रा राइनो जो है एशियन स्पीसीज है। इंडिया में बस एक ही राइनो को स्पीसीज हमें मिलता है, दैट इज ग्रेटर वन ऑन राइनो। सो वन ऑन राइनो जो है दैट इज द ओनली स्पीसीज दैट वी गेट इन इंडिया आउट ऑफ दिस 5 स्पीसीज। एंड इस ग्रेटर वन ऑन राइनो के बारे में अब हम इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि ये एशिया का लार्जेस्ट राइनो स्पीसीज है आउट ऑफ दिस ऑल, जावन सुमात्रा स्पीसीज उससे लार्जेस्ट राइनो स्पीसीज है, 4th largest लैंड मैमल, it is 4th largest land mammal Asia। now they are excellent swimmers, short duration ke liye they can run very fast actually, 55 kilometers per hour ka short period hota hai, lekin short period ke liye they can run very fast, they are excellent swimmer। okay, eyesight unki poor hoti hai, they have relatively poor eyesight but they have this incredible sense of hearing and smell, hearing ko aur smell ka sense un kafi acha, eyesight poor hai, swimmer kafi acche। okay, aur inka gestation period jo hai ye around 16 month ka, 16 months is the gestation period. Where do we find them? तो generally इनका habitat अगर देखा जाए तो ये savanna grassland का habitat होता है।
रिवर एंड फॉरेस्ट है जहाँ रिवर जाती है, ग्रासलैंड्स होते हैं, यू विल फाइंडिंग अलुवियल तराई दुआर सवाना ग्रासलैंड पे यू विल फाइंडिंग। ओके, कंट्रीज के बारे में बात किया जाए तो यू फाइंड देम इन इंडिया, आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, बट यू फाइंड देम इन पाकिस्तान ऑल्सो, भूटान ऑल्सो, नेपाल ऑल्सो। रिमेंबर दिस थिंग कि ऑल द फाइव स्पेसीज में एक ही स्पेसीज इंडिया में है, ग्रेटर वन और डाइनो। ओके, बट दैट इज नॉट ओनली फाउंड इन इंडिया, दैट्स फाउंड इन पाकिस्तान, हमारे नेबर भूटान और नेपाल में भी ये मिलता। ओके, बट आउट ऑफ दैट जितना भी ग्रेटर वन और डाइनो का पॉपुलेशन है, उसमें से 85% पॉपुलेशन तो इंडिया में है, और उसमें भी 71% पॉपुलेशन जो है ये तो एक ही जगह पे, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, सो 85% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में, उसमें भी 71% यू विल फाइंड इन वन नेशनल पार्क, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। वर्ल्ड वाइड अगर पॉपुलेशन का तो 71% काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। सेकंड कहाँ पे है, वी हैड सीन दिस इन आर प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज क्लास, कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का कहा, सेकंड लार्जेस्ट जो है ये पोबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके, तो काजीरंगा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, पोबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सेकंड लार्जेस्ट इनका पॉपुलेशन, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। और डेंसिटी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेंसिटी इनकी कहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इनकी कहा है, सो दैट इज पोबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट्स नॉट काजीरंगा। ओके, नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वी हैव सीन। अब एक दो और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, तो इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा यू विल फाइंड देम इन आसाम, उसमें भी तीन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, काजीरंगा, पोबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरंग नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। बट दे आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो इन स्मॉल पॉपुलेशन, दैट इज जल्दापारा एंड गोरुमारा नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश। तो ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में पूछा जा सकता है। सी वेन एवर आई एम सेइंग दिस कुड बी इम्पॉर्टेंट, यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, प्लीज हैव एम्फसिस ऑन दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग। ओके, और अभी भी ध्यान रखना कि दुधवा नेशनल, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रॉबेबली कि दे आर फाउंड ओनली इन आसाम, बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट द ग्रेटर वन ऑन राइनो, हमारे मन में पिक्चर एक ही होता है कि दे आर इन आसाम, दैट टू काजीरंगा नेशनल पार्क, और वो एड वगैरह में भी होता है उनके, बट दे आर आसाम में तो है, बट उनका कुछ पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी है, दुधवा नेशनल पार्क। ओके, उनकी हंटिंग काफी होती है बिकॉज ऑफ देयर हॉर्न, तो हॉर्न को कहा जाता है कि दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सो दे उस वजह से उनकी हंटिंग होती है। वल्नरेबल आइवेशन स्टेटस है, एंडेंजर्ड या क्रिटिकल एंडेंजर्ड नहीं है। बाकी स्टेटस का अगर आपको स्पेसिस का स्टेटस आपको चाहिए सो इट इज ऑल्सो गिवन इन। जावन और सुमात्रा राइनो जो है, बाकी दो स्पीसीज है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इंडिया मतलब एशियन स्पीसीज में जावन और सुमात्रा दोनों भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इनफैक्ट सुमात्रा राइनो जो है ये तो एक्सटिंक्ट है, मेघालय में तो एक तो एक्सटिंक्ट हो चुका है। बाकी ब्लैक राइनो और व्हाइट राइनो ये जो है अफ्रीका के, इसमें से ब्लैक राइनो इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अफ्रीकन राइनो इज नियर थ्रेटेड। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द राइनो पॉपुलेशन या राइनोसोरस पॉपुलेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड। Okay, now we'll see two important cats. We already bigger cats we have seen, cheetahs hai, ya Asiatic lion hai, tiger hai, snow leopard hai. We have seen those bigger cats. अब कुछ जो smaller cats होती है, जिस cat से हमें generally डर नहीं लगता, okay, जो कभी-कभी घर में जो जैसे cat होती, तो वो smaller cat के species के बारे में भी देखते हैं। उसमें एक है fishing cat, but of course they are not found in home. These are outside जो भी हम देखते, smaller in size relatively, fishing cat. और दूसरी और एक है पैलेसिस कैट, वी आर गोइंग टू सी दैट। ओके, सबसे पहले फिशिंग कैट। अब फिशिंग कैट क्यों डिस्कशन में था, बिकॉज रिसेंटली फिशिंग कैट जो है इसका हम कह सकते हैं कि सेंसस हुआ है, एंड इट इज सेड कि फिशिंग कैट अराउंड ऐसे 171 फिशिंग 176 फिशिंग कैट्स आर फाउंड इन चिल्का लेक। आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, बट दे आर फाउंड इन चिल्का लेक, तो चिल्का लेक में इसका सेंसस हुआ था। ओके, so this was world's first population estimation of fishing cat outside any protected area network. okay, to dekho kya kya facts hai, to iska census was there in Chilka Lake, it was the world's first population census of fishing cat outside any protected area network, aur waha jo method use kiya gaya tha data analysis ke liye, that method was specially explicit capture recapture method. just remember this, specially explicit capture recapture method jo hai, it's a method to analyze the data, bas itna yaad rakhna, data of the census. okay, अब फिशिंग कैट की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। देखिए फिशिंग कैट की साइज बिग होती है, इट्स बिगर देन द हाउस साइज, हाउस कैट साइज, हमारे जो घर में कैट होती है ना उसके ऑलमोस्ट डबल इसकी साइज होती है। दे आर नॉक्टर्नल, ओके, फिश इनका आपको मेन उनका फूड होता है, बट अपार्ट फ्रॉम फिश दे ईट अदर थिंग्स आल्सो, बाकी भी जो वाटर में होती है चीजें, स्नेक, बर्ड, फ्रॉग्स, ओके,
बर्ड स्कैवेंजर्स दे ऑल्सो ईट दैट ऑल्सो दे ब्रीड ऑल राउंड ईयर, ऑल द राउंड ईयर इनकी ब्रीडिंग होती है. ओके वेयर डू दे लिव, जनरली अगर देखा तो ये रहती है डेंस वेजिटेशन में जो क्लोजर वाटर बॉडीज के पास, जैसे चिल्का लेक भी है ना, फिशिंग कैट है तो फिश खाती है तो वाटर बॉडीज के पास जनरली रहती है डेंस वेजिटेशन में. दे आर एक्सलेंट स्विमर्स. ओके जैसे मैंने कहा वाटर बॉडीज मतलब वेटलैंड और मैंग्रोव हैबिटेट उनका मेन हैबिटेट है. ओके मेनली फिशिंग कैट इंडिया में कहाँ पाया जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, ओके गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर और वेस्टर्न घाट्स. तो वेस्टर्न घाट भी यहाँ याद रखना, यहाँ भी वे मिलता है. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन, हिमालय के फुटहिल्स अलोंग द ब्रह्मा और ब्रह्मपुत्र रिवर और वेस्टर्न घाट में ऑल्सो विल फाइंड. ओके वल्नरेबल इज द आइसेन स्टेट. ओके थ्रेड्स वगैरह यू कैन रीड दैट, जनरल थ्रेड्स रिस्ट्रक्शन ऑफ वेट लैंड, डिप्रेशन इन द मेन ट्रेबस, दीज आर थ्रेड्स दैट दे हैव बीन वल्नरेबल स्टेट. इसका इसको याद. फिशिंग कैट इज इंपॉर्टेंट स्पीसीज इन द न्यूज. एंड नेक्स्ट इज पैलेसिस कैट. नेक्स्ट इज एक्चुअली पैलेसिस कैट दैट इज ऑल्सो इन न्यूज. इट इज वेरी स्मॉल एंड वेरी क्यूट कैट एक्चुअली. आप देख लेना यूट्यूब पे इसका वीडियो. जनरली पैलेसिस कैट दे हैव वेरी डेंस फर, इनका ग्रे फर होता है. ओके और काफी डेंस फर होता है, जैसे शिप का ज्यादा काफी डेंस फर होता है वैसे दे विल हैव वेरी डेंस फर एक्चुअली. फाइन सो लेट्स सी दिस पैलेसिस. वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल ईयर स्मॉल साइज उनका होता है. सो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर कैट स्पीसीज को हम देखते हैं. तो फर्स्ट टाइम पैलेसिस कैट हैज बीन डिस्कवर्ड ऑन माउंट एवरेस्ट इन द सागरमाथा नेशनल पार्क इन नेपाल. न्यूज क्या थी कि सागरमाथा नेशनल पार्क नेपाल का है, वहां फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट के रीजन में पैलेसिस कैट हैज बीन डिस्कवर्ड. ओके तो पैलेसिस कैट देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज द मनुल, इसको मनुल भी कहा जाता है. इट्स वेरी स्मॉल इन साइज एज वी हैव सीन एंड दे हैव दिस डेंस ग्रे फर. व्हाई डेंस ग्रे फर? बिकॉज जनरली दे आर फाउंड इन माउंटेनियस रीजन वेयर यू विल फाइंड द स्नो. ओके तो रॉकी माउंटेन ग्रासलैंड एंड श्रबलैंड वेयर स्नो इज देयर यू फाइंड एंड वेयर दे आर फाउंड, काफी बड़ा रेंज है एक्चुअली. जहां भी ये स्नो कवर होता है माउंटेनियस ग्रैंड एक्चुअली ये होता है, तो काफी बड़ा एक्चुअली इनका रेंज. सो इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन, अगर आप देखा जाए ठीक है, तो कॉकेसस रीजन में, ईरानियन प्लाटू में, हिंदू कुश, इफ यू कम फ्रॉम द वेस्टर्न रीजन. कॉकेसस मतलब कौन सा रीजन है? कैस्पियन सी और ब्लैक सी का बीच का जो रीजन होता है. कंट्रीज लाइक जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, ब्लैक सी और इसके बीच का जो रीजन है. तो ये लोकेशन जो होते हैं places in news mapping जो है, इसका भी एक वीडियो आने वाला है, we'll cover that very comprehensively. okay so Hindu Kush, उसके बाद Tibetan plateau, Altai Sayan region, South Siberian mountains, यहाँ actually ये पाए जाते हैं. okay so almost काफी बड़ा इनका habitat range है, mountains region है. okay then core population लेकिन इनका जो है mainly Mongolia और China, Mongolia और China में. so of course they live in crevices, burrows, they dig. least concern है Ayushan status. A very small cat over here, small उनकी ear भी होते हैं, so that we should know regarding the palaces cat. और याद रखना कि this is not only found in India, but it is found in different places. और देखा जाए तो नेपाल में तो first time it has been spotted. चलो next देखते हैं turtle species. okay so multiple turtle species will be in news. तो हम जो है आज जितने भी important turtle species news में थी उसको सबको cover करने वाले एक ही साथ. जैसे हमने सारे कैट स्पीसीज एक बार देख ली. ओके इसी तरीके से सारे टर्टल स्पीसीज जो है दैट वी आर गोइंग टू कवर ओवर हियर, वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टर्टल स्पीसीज. ओके तो उसमें सबसे फेमस, ऑलवेज इन न्यूज एवरी ईयर, ऑलिव रिडले टर्टल. ओके तो ऑलिव रिडले टर्टल इस बार क्यों न्यूज में था? हमेशा उसी कारण के न्यूज में होता है, दैट इज अरीबाड़ा, उनका मास नेस्टिंग जो फेनोमेना है उसकी वजह से. ऑलिव रिडले टर्टल आर फेमस फॉर द अरीबाड़ा. अरीबाड़ा मतलब क्या? मास नेस्टिंग. इसमें क्या होता है कि जिस थाउजेंड्स ऑफ फीमेल जो है ये एक ही टाइम एक्चुअली एग्स ले करती है. थाउजेंड्स ऑफ फीमेल बीच पे क्या करते हैं, जो रिवर सी बीच होता है, यहाँ थाउजेंड्स ऑफ फीमेल विल एक्चुअली ले एग्स एट वन टाइम. एक फीमेल ऑलमोस्ट 140 लेग्स या 100 लेग जो है ले कर सकती है. ओके सो थाउजेंड्स ऑफ फीमेल विल ले एग एट वन टाइम. और उस फेनोमेना को, इस यूनिक मास नेस्टिंग फेनोमेना को इनके कहा जाता है अरीबाड़ा. और इस बार ये न्यूज में थी कि इस बार का जो अरीमाड़ा सीजन है इनका, ओके ये सीजन जनरली दिसंबर में होता है, नवंबर दिसंबर में होता है. तो ये जो सीजन है इनका, इट इज द मोस्ट डिलेड सीजन रिकॉर्डेड. ओके अब ये था बिकॉज उनका एक मोस्ट डिलेड सीजन, दैट्स व्हाई इट वाज अ न्यूज. एंड सेकंड यहाँ पे जो न्यूज है कि तमिलनाडु विल सेट अप इंटरनेशनल ऑलिव रिडले ट्रू प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इन चेन्नई.
तमिलनाडु ऐसा स्टेट है कि जो एक इंटरनेशनल ऑलिव रिडले टर्टल प्रोटेक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है चेन्नई में ओपन करने। ओके सो अब हम देखते हैं ऑलिव रिडले टर्टल की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर फॉरेस्ट स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट टर्टल्स। सबसे स्मॉलेस्ट है और मोस्ट अबेंडेंट टर्टल्स है। ओके फेमस फॉर अरीबाडा वी हैव सीन। ओके दे आर कार्निवोरस। देन मल्टीपल थ्रेट्स आर देयर लाइक दे गेट कैप्चर्ड इन द फिशिंग गियर ऑफ फिशरमैन। ओके डायरेक्ट हार्वेस्ट ऑफ टर्टल्स एंड एग्स, डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट, मरीन डेब्री पॉल्यूशन जो होता है, दे आर सम ऑफ द थ्रेट्स दैट दे हैव ओवर हियर। इनका थोड़ा सा रेंज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वेयर दे आर फाउंड, आर दे फाउंड ओनली इन इंडिया? नहीं, यू कैन फाइंड देम इन पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, जहाँ जहाँ वार्म वाटर होता है थोड़ा सा रिलेटिवली, हियर दे विल एक्चुअली फाइंड। इंडिया में इनका सबसे लार्जेस्ट रुकरी, रुकरी मतलब कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स, कहाँ इनकी ब्रीडिंग होती है, कहाँ इनका आरीबाड़ा होता है, लार्जेस्ट रुकरी जो है इंडिया में इसकी सबसे बड़ी ये है गहिर माथा। सो गहिर माथा ओडिशा में इनका लार्जेस्ट रुकरी है, ब्रीडिंग कॉलोनी है, दैट इज इन गहिर माथा। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ओडिशा गहिर माथा मरीन सेंचुरी लार्जेस्ट रुकरी है। सेकंड लार्जेस्ट जो है दैट इज ऋषिकुला रिवर। ये जो ऋषिकुला रिवर जो है इसका जो माउथ है ये सेकंड लार्जेस्ट रुकरी है इंडिया इनका। सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड बी नोइंग, आईयूसीएन स्टेटस इज वल्नरेबल। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में ना, दैट इज ऑपरेशन ओलिविया। व्हाट इज ऑपरेशन ओलिविया, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन ओलिविया ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन होता है, सिंस 1980s से वो ये करते हैं। क्या करते हैं बेसिकली कि व्हेनेवर दिस ऑलिव रिडले टर्टल का नेस्टिंग सीजन आता है, इनका जब भी ये ब्रीडिंग सीजन आता है नवंबर दिसंबर में, तो उस वक्त वो बीच है ना वो प्रोटेक्ट किया जाता है, सो दैट उनको डिस्टर्बेंस ना। So whenever they try to congregate on the beach for this particular Aribada concept, that time that beach will be protected from the outside interference. That is called as the Operation Olivia. November, December mein generally hota hai. Okay, that's very important thing. Fine. So these are important things regarding the olive rated turtle. But that is not the only turtle species all over the news. There are other turtle species also. Okay. Aur dusri turtle species hai, kafi important is bar, please usko dhyan dena. That is red crown. Rook turtle. And why it is in news? Because red crown rook turtle now has been put into the appendix 1 of the sites. Ye pehle sites ke appendix 2 mein tha, ab appendix 1 mein isko dala gaya, and that too because of India's proposal. India ne ye proposal diya tha sites mein, sites ka convention has happened recently. Okay, agar aapko chahiye to jo bhi important convention hai recently hua tha uska bhi video hum bana sakte hain. If you want that, please tell me in comment section. So jo important conventions the usko bhi hum cover kar sakte. तो इसको बतागुर कछुआ भी कहे जाते हैं, बतोगर कछुआ, और बतोगर कछुआ हैज बीन नाउ या रेड क्राउन रूप टर्टल हैज बीन नाउ इंक्लूडेड इन द अपेंडिक्स। ओके सो ये फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज है, डीप फ्लोइंग रिवर्स में आपको मिलता है, नेस्टिंग तो साइड इसकी टेरेस्ट्रियल होती है। ओके बट यू विल फाइंड देम इन डीप फ्लोइंग रिवर्स, फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फीमेल से मेल जो है शॉर्टर होते हैं इनके। ओके और कहाँ पाया जाता है? इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल, यहाँ पे की ये नेटिव स्पीसीज है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, यू विल फाइंड देम देयर। लेकिन इनका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ओके सब्सटेंशियल पॉपुलेशन आज जो है दैट इज नेशनल चंबल रिवर घरियाल सेंचुरी। एमपी में नेशनल चंबल रिवर घरियाल सेंचुरी है, ये ओनली एरिया है कि जहाँ इनका सब्सटेंशियल पॉपुलेशन हमें आज मिलता है। वैसे नहीं तो हिस्टोरिकली यू विल फाइंड देम इन गंगा रिवर, उसकी सब बाकी रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन वहां भी मिलते हैं, बट आप सब्सटेंशियल इनका पॉपुलेशन बस यही जगह पे बना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो देखो ये स्पीसीज काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इंक्लूड हुआ है बिकॉज ऑफ इंडियाज रिक्वेस्ट। सेकंड इज ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ऐसे पे क्वेश्चन आने का ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है। ओके सो रिमेंबर दिस थिंग, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इट इज इंक्लूडेड। So it was red crowned rock turtle. We'll discuss the other turtle species also. Next आता है lithe soft-shelled turtle. Again lithe soft-shelled turtle जो है it is also included into the appendix 1 from appendix 2. Sites के appendix 1 में इसको अभी इंक्लूड किया गया है। So this is also a freshwater turtle. इसका shell जो है softer होता है relatively, and that's why it calls a soft-shelled turtle. So it's a lithe soft-shelled turtle, freshwater turtle है, almost 1 meter तक इसका एक्चुअली लेंथ हो सकता है एवरेज अडल्ट का। ओके इट इज एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके और रिवर्स और रिजर्वायर्स में एक्चुअली ये रहता है। ओके
एंडेमिक टू द पेनिनसुलर इंडिया, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ एक्चुअली विल फाइंड देम। और सारे रिवर्स जो भी साउथ इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स है, कावेरी, तुंगभद्रा, भवानी, गोदावरी, मोयार, ये सारे रिवर्स में यू एक्चुअली फाइंड दिस पेनिनसुलर इंडिया में। लेट्स स्टॉप शेयर टर्टल, दिस इज ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, साइट्स का स्टेटस अब अपेंडिक्स हो चुका है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 4। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स स्टॉप शेयर टर्टल भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द अपेंडिक्स 1। तो ये दोनों टर्टल स्पीसीज अपेंडिक्स 1 में अभी इंक्लूड हुआ है, रेड क्राउन रूप टर्टल एंड लेट्स स्टॉप शेयर टर्टल, दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन देयर वाज वन मोर स्पीसीज व्हिच वाज इन न्यूज, जनरली आपने शायद पढ़ा ही नहीं होगा ये, बट इट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ सम रीजन, एंड दैट इज इंडियन टेन टर्टल, इंडियन टेन टर्टल। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते। देखिए इंडियन टेन टर्टल है, मेनली दे आर हर्बिवोर्स एंड दे आर फाउंड इन द इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश। ओके, तो क्या है कि इंडियन टेन टर्टल हैज थ्री सब स्पीसीज, तीनों सब स्पीसीज के नाम आपको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट जस्ट गो थ्रू दोज नेम्स, आई विल डिस्कस द नेम्स आल्सो। तो तीन सब स्पीसीज है और जनरली दे आर फाउंड इन इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, हर्बिवोर है। ओके, और जनरली दे वो प्रीफर करती कि स्टील वाटर में, स्लो रनिंग वाटर जो होता है, स्टील वाटर पूल्स होते हैं, स्लो रनिंग वाटर में रहे, जनरली दे प्रीफर। ओके, तीन सब स्पीसीज दे है, ये पीटी टेंटोरिया, प्लेटी सर्कम डाटा एंड फ्लाविमेंटर, ये तीन सब स्पीसीज है इनकी। तो सब स्पीसीज के नाम नहीं याद रखना, इट्स फाइन, बट अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि रिसेंटली सीन इन न्यूज ये टर्म क्या है, टेंटोरिया, सर्कम डाटा या फिर पीटी फ्लाविमेंटर, तो ये टर्म बेसिकली इंडियन टेन टर्टल की स्पीसीज है या टर्टल स्पीसीज है, इतना तो हमें पता होना चाहिए। और ये तीनों सब स्पीसीज का यहाँ हैबिटेट इंडिया में दिया है, सारे इंडिविजुअली आपको याद रखना जरूरत है, जस्ट रिमेंबर कि यू फाइंड देम इन ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम एंड मध्य प्रदेश। ओके, तो जनरली नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया, सब जगह पे मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, आईएसएन स्टेटस है, लिस्ट कर सकते। ओके, बट ये सब स्पीसीज का बस जस्ट गो थ्रू दिस नेम्स, जस्ट हैव दैट इन माइंड कि ये टर्टल की स्पीसीज, अगर ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन इस पे पूछा जाए। ओके, नाउ ये टर्टल स्पीसीज न्यूज में जो थी हमने वो देख ली, अब बाकी एक दो और भी स्पीसीज देख लेते हैं जो न्यूज में नहीं था बट थोड़ी इंपॉर्टेंट होते। ओके, तो अब देखते हैं सी टर्टल्स के, जो सी में रहने वाले, सी वाटर्स में रहते हैं ये टर्टल के बारे में। देखो देयर आर सेवन सी टर्टल स्पीसीज, नॉट सी, सॉरी, सी टर्टल स्पीसीज सेवन है, उसमें से सबसे लार्ज सी टर्टल स्पीसीज है, दैट इज लेदरबैक सी टर्टल। फाइन, लेदरबैक सी टर्टल, फाइन। तो इसकी जो बैक है ये लेदर टाइप होती है, टेक्सचर इसका लेदर टाइप होता है, बोनी नहीं होता, बोनी नहीं होता है, लेदर टाइप होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लेदरबैक सी टर्टल। इट इज द लार्जेस्ट टर्टल स्पीसीज आउट ऑफ ऑल द सी टर्टल्स एंड इट इज फाउंड इन ऑल द वाटर्स एक्सेप्ट आर्टिक एंड अंटार्कटिक। आर्टिक और अंटार्कटिक वाटर्स छोड़ देना, बाकी सारे ओशंस में यू फाइंड देम, दे आर लार्जेस्ट वन। ओके, और इंडियन ओशन में देखा जाए, इंडियन ओशन की केस, सो इंडोनेशिया के पास पास जो सी है, श्रीलंका और इंडिया में अंडमान निकोबार, इस सी के पास यू विल फाइंड। ओके, तो ये तो हमने देख लिया उनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन वल्नरेबल आईयूसीएन रेड लिस्ट में अपेंडिक्स के साइट्स वन में। ओके, तो टोटल सेवन सी टर्टल की स्पीसीज होती है। ओके, और टोटल सेवन सी टर्टल स्पीसीज आर लिस्टेड हियर, उसमें से अगर देखा जाए तो ऑलिव रिडले टर्टल, ओके, ग्रीन ऑलिव रिडले टर्टल तो हमने देखा भी है, ग्रीन टर्टल, लेदरबैक टर्टल ऑल्सो वी हैव सीन नाउ, लॉगरहेड टर्टल, ओके, और हॉक्सबिल टर्टल, ये सारे जो है इंडिया में पाए जाते हैं, विल फाइंड देम इन इंडियन वाटर्स, इंडिया में मतलब इंडियन वाटर्स में, ऑलिव रेडले, ग्रीन टर्टल, लॉगरहेड टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल और लेदरबैक टर्टल। ओके, बाकी केम्प रिडले टर्टल जो है विच इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये केम्प रिडले टर्टल जनरली यू फाइंड इन गल्फ ऑफ मेक्सिको, यू फाइंड इन वेयर, इन गल्फ ऑफ मेक्सिको। एंड फ्लैगबैक टर्टल जो है ये ऑस्ट्रेलिया और सदर्न पपुआ न्यू गिनी, सदर्न पपुआ न्यू गिनी है, यहाँ आपको मिलता है। सो दो सी टर्टल है विच आर नॉट फाउंड इन इंडिया, केम एंड फ्लैटबैक टर्टल, बाकी जो है विच आर एक्चुअली फाउंड इन इंडिया। ओके, और उसमें दो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ऑक्सबिल टर्टल एंड केम्प रिडले टर्टल। ओके, सो फ्लैटबैक इंडिया में नहीं मिलता, याद रखना, केम्स टर्टल इंडिया में नहीं मिलता। ओके, और ये दो उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सेवन सी टर्टल की स्पीसीज, सबसे बड़ा उसमें है लेदरबैक सी टर्टल विच यू ऑलरेडी सीन। चलिए, सो टर्टल टॉपिक एज सच इज इनफ here and we have completed it,
we'll go to the next species, and that species is Himalayan yak. हमारे next species जो है that is Himalayan yak. Okay. Himalayan yak के बारे में देखते हैं and why it was in news, क्योंकि recently Food Safety and Standard Authority of India जो है it has accepted Himalayan yak as food animal. I know काफी सारी species हमने देखे हैं और अभी भी हमने कुछ species देखनी है, but bear this thing, यहाँ काफी comprehensively हम सारी चीजें cover कर रहे हैं. काफी टाइम देखिए, ये जो क्लास है ये क्लास को अगर आप खुद आप प्रिपेयर करने लगते हो तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 days. ओके, ऑलमोस्ट 12 hours 14 hours इट विल टेक, लेकिन वो हम काफी टाइम में आपका सारा कवर करवा ले. वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज मटेरियल इज देयर, सो वील कंटिन्यू लाइक दिस. काइंडली आप भी देखते रहिए ये पर्टिकुलर वीडियो. सो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इट हैज एक्सेप्टेड हिमालयन याक एज द फूड एनिमल. इसने हिमालयन याक को क्या है एज अ फूड एनिमल जो है ये एक्सेप्ट किया है. So what does it mean? इसका significance क्या है कि उसको it has been accepted as a food animal. It means what? It means कि it can be raised and used as a for food production. Okay. जैसे for example cow है, so it's used for the food production. उसका milk जो है use किया जाता है. Okay. कुछ animals होते हैं उनका तो मांस खाया जाता है. ठीक है. तो food animals are those animals which are raised and used for the food production or consumption. तो हिमालयन याक को क्यों डिक्लेयर किया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया है उसको फूड एनिमल. इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अब ये प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, कंजम्पशन के लिए यूज किया जा सकता है, और इस वजह से इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकता है, डिक्लाइन जो है ये कम हो सकता है. पॉपुलेशन डिक्लाइन जो है ये चेक किया जा सकता है, कम हो सकता है. क्यों? क्योंकि इसका कमर्शियल यूज अब होगा ज्यादा. ओके, और आपको पता है जो भी चीज कमर्शियल होती है उससे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. तो जो यंगस्टर्स है खास करके इस एरिया में शायद वो अपने बिजनेस के लिए इनको ग्रो कर सकते हैं हिमालयन याक को. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज एक्चुअली डिक्लेयर्ड एज अ फूड एनिमल. सो हिमालयन याक के बारे में देखो तो इट्स आल्सो नोन एज अ माउंटेन काउ. काफी हाई अल्टीट्यूड बोवाइन एनिमल है, माउंटेन काउ है. जनरली आपको थ्रू आउट हिमालयन रीजन में मिलता है. मेन जो स्टेट्स है वो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर से अगर देखो आप, ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. तो जो स्नो लेपर्ड का हैबिटेट है, इफ यू सी दिस स्टेट्स, वो सेम स्टेट्स में यू विल एक्चुअली गेट द हिमालयन याक. और वल्नरेबल है आईयूसीएन स्टेटस में अपेंडिक्स वन साइट्स और शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पीसीज, दैट इज नीलगिरी ताहर. नीलगिरी ताहर जो है ये स्पीसीज हम देखते हैं. नीलगिरी ताहर ये स्पेसिस भी मल्टीपल रीजंस के लिए न्यूज में होता है. सो वील नॉट डिस्कस मच अबाउट इट्स न्यूज, बट वील डिस्कस अबाउट दिस स्पेसिस ओवर हियर. नीलगिरी ताहर को लोकली कहा जाता है वराइडू लोकली. ओके, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप नीलगिरी ताहर के बारे में आप. नीलगिरी ताहर के बारे में कहा जाता है कि देर आर मल्टीपल रेफरेंसेस इन द तमिल संगम लिटरेचर. तमिल संगम लिटरेचर में इसके मल्टीपल रेफरेंसेस. There are certain Mesolithic paintings. They highlight the importance of the Nilgiri Tahar. Mesolithic painting में भी ये mentioned है, तो ये highlight the importance of the Nilgiri Tahar कि Mesolithic period में भी कैसे ये लोगों के folklore में, culture में, life में important animal था. ठीक है, संगम literature में भी इसका mention है और ये तमिलनाडु का state animal है. Because of its cultural ecological significance, of course अगर संगम literature में mentioned है तो तमिलनाडु का ये state animal है. These are important facts that you should know here. Where do we find this Nilgiri Tahar? तो generally ये जो meadows होते हैं, elevation, higher elevation, 300 to 2600 meter का steep cliff meadows जो होते हैं, you will find them. So historically तो काफी large portion में western ghats में रहता, लेकिन generally इसका आप population जो है ये तमिलनाडु और केरला. तो ऐसा नहीं कि बस तमिलनाडु और केरला में, बाकी जगह भी होगा western ghats में, काफी कम मात्रा में. अब ज्यादा आपको बस तमिलनाडु और केरला में, तो हिस्टोरिकली वेस्टर्न घाट्स में ऑलमोस्ट एवरी प्लेस में आपको ये मिलेगा. एंडेंजर्ड आईयूसीएन स्टेटस है, शेड्यूल वन में होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट देम कि एस्टिमेटेड इनका पॉपुलेशन इज ओके अराउंड 3000 है. अक्टूबर 7 इंपॉर्टेंट न्यूज है, विल बी सेलिब्रेटेड एज ए नीलगिरी ताहर डे इन द ऑनर ऑफ ईआरसी डेविया. Remember this thing, important. October 7 will be celebrated as the Nilgiri Tahar Day in the honor of ERC Deviyar. ERC Deviyar कौन थे?
एक पायनियर पर्सनैलिटी थी इन दी स्टडी ऑफ नीलगिरी तहार, नीलगिरी के तहार के स्टडीज में ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। सो यहाँ पे नीलगिरी तहार डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाएगा इन हिज ऑनर। चलो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पेसिस, दैट इज ब्लैंक पेज, बिकॉज हमने एक एंटेलोप स्पेसिस देखी, अब बाकी जो एंटेलोप स्पेसिस है वो भी कवर कर लेते हैं यहाँ। सो ब्लैक बेक इज द नेक्स्ट एंटेलोप स्पेसिस दैट वी कवरिंग ओवर हियर। सो न्यूज ये था कि ओडिशा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ ब्लैक बक का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3-4 इंक्रीज हो चुका है, 3 टाइम इसका पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका है। तो ब्लैक बक, और इसको इंडियन एंटेलोप भी हम कहते हैं, इसका पॉपुलेशन वहाँ इंक्रीज। तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते, देखो ब्लैक बक जो है डायगनल एंटेलोप है, दिन में एक्टिव होते हैं। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। पंजाब का स्टेट ठीक है, इट इज बीन डिक्लेयर एज ए स्टेट एनिमल ऑफ द पंजाब। स्टेट एक्वेटिक एनिमल कौन सा है पंजाब का, प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि व्हाट इज व्हिच इज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ द पंजाब। ओके, तो स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, 3 अलग अलग स्टेट्स है जिसका एक्चुअली ब्लैक बग जो है हम कह सकते हैं स्टेट एनिमल है। ओके, ब्लैक बग इंडिया और नेपाल का नेटिव है, एंडेमिक नहीं, नेटिव है, ग्रासी प्लेन्स में आपको से रहता है, ग्रासी एरिया जहाँ रहता है यू विल फाइंड देम। सो काफी सारे स्टेट्स, सदर इंडियन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, यू विल एक्चुअली फाइंड ओवर देयर। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, थ्रू आउट द पेनिनसुलर इंडिया, एवरीवेयर एक्चुअली फाइंड देयर। इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है क्या, कि इसकी सी उसकी जो स्किन होती है और हॉर्न होते हैं, इसके हॉर्न और स्किन, ओके, दे आर कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ प्यूरिटी इन हिंदुइज्म, उसको सेक्रेड माना जाता है, सिंबल ऑफ प्यूरिटी जो है हिंदुइज्म माना जाता है। ओके, और बुद्धिज्म में भी ब्लैक बग जो है ये गुड लक का सिंबल माना जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर ब्लैक बग घर में लाते हैं गुड लक होगा तो आप प्रिलिम्स के लिए ब्लैक बग यूज किया जाएगा, जब तक प्रिलिम्स ना हो हमारी तब तक ब्लैक बग घर से नहीं जाए, ठीक है, या इसका कोई सिंग या कुछ मत लेके आना। ओके, सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द ब्लैक बग, कल्चरल सिग्निफिकेंस में बस आपको बता। दोनों एंटेलोप स्पीसीज जो हमने देखी दोनों का कल्चरल कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस है, पहला भी देखा था नीलगिरी तहार उसका भी और ब्लैक बग। ओके, ये लिस्ट कंसर्न है आईयूसीएन स्टेटस इसका, और जितने भी इंडिया में एंटेलोप स्पीसीज है ना इसका मैंने यहाँ लिस्ट आपको दिया है। तो जैसे सांगाई डियर है, सांगाई डियर ऑल्सो आई कुड हैव कवर्ड, लेकिन अभी नहीं कवर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इट्स वेरी कॉमन टॉपिक एवरी टाइम। सांगाई डियर विच यू फाउंड इन दी केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ओके, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क में जो हमें मिलता है सांगाई डियर, जिसको डांसिंग डियर भी कहते हैं, फुमड़ीज पे वो चलता है। सो दैट विल नॉट कवर एनी वेज, बट ये बाकी सारी स्पेसिस मैंने बस यहाँ लिस्ट की है ताकि आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एंटेलोप स्पेसिस, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए सो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। ओके, इसमें खास करके जैसे हिमालयन से, ओके, फिर इंडियन मून्स जैक, नाइजीरियन नीलगिरी आईबेक्स, सॉरी, ओके, ब्लू बुल, फिर इंडियन गैजेल या चिंकारा, ये थोड़े से नाम याद रखना क्योंकि उसको देख के लगता है कि विल गेट कन्फ्यूज की ये ब्लैक एंटेलोप स्पेसिस है या नहीं। हिमालयन सेरो, ठीक है, इंडियन मुंजा के जिसको बार्किंग डियर कहते हैं, डियर होगा तो डायरेक्टली विल अंडरस्टैंड इट्स एंटेलोप स्पेसिस, ठीक है, लेकिन चीता है या फिर ऐसा बारासिंगा पे आपको समझ में आ जाएगा, नीलगिरी तहार तो हमने देखा है तो तहार जहाँ नाम होगा वहाँ भी होगा, ठीक है, फाइन। सो जहाँ थोड़ा सा डाउटफुल होगा कि ये ब्लैक बक स्पेसिस है नहीं, हमें डाउटफुल लगेगा, तो ऐसे नाम को आप मार्क कर सकते हो। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर लिस्ट ओवर। अब नेक्स्ट गो टू दी लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज। अब थोड़ा सा स्मॉलर स्पीसीज है उनके बारे में देखते हैं। ओके, कुछ बीटल स्पीसीज, बाम्बू ड्रिलिंग बैट स्पीसीज, बटरफ्लाई स्पीसीज, विल सी दैट विच वर इन न्यूज एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो रिसेंटली क्या है, एक न्यू स्पीसीज ऑफ बाम्बू ड्रिलिंग बैट वॉज डिस्कवर्ड इन मेघालय नियर दिस नॉन्गखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो दैट वॉज आई इट वॉज इन न्यूज। तो इस न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, मैं आपको सबसे पहले तो याद रखना, अगर बैट की डाइवर्सिटी देखी जाए तो इंडिया में देयर आर टोटल 131 बैट स्पीसीज, अभी तक अराउंड 131 बैट स्पीसीज इंडिया में मिली है। ओके, और इसमें से सबसे ज्यादा जो है ये मेघालय। ओके, ऑलमोस्ट उसमें 67 स्पीसीज जो है मेघालय में मिली है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। मेघालय काफी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है फॉर दी बाम्बू ड्रिलिंग एनी काइंड ऑफ बैट स्पीसीज, और वही ये नॉन्गखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मेघालय में, इसके पास एक्चुअली आपको ये बैम्बू ड्रिलिंग बैट जो है ये मिला। और इस स्पीसीज का नाम याद रखिएगा, याद रखना मतलब आपको मगअप नहीं करना है, बट
जस्ट ये अगर नाम यूपीएससी के प्रीलिम्स में आए तो आपको पता नहीं चाहिए कि दिस इज बैड स्पीसीज, ठीक है? सो दैट इज बेसिकली ग्लिशरोपस मेघालयानस। ओके, ये ग्लिशरोपस मेघालयानस जो है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लिशरोपस मेघालयानस इज द टर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज, क्या? सो दिस टर्म इज, व्हाट इज दिस? दिस इज अ टर्म, दिस इज अ नेम दैट इज गिवन टू द न्यू बाम्बू ड्यूलिंग बैट दैट इज फाउंड इन मेघालय। तो बाम्बू ड्यूलिंग बैट की ये टर्म है। बाम्बू ड्यूलिंग बैट क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे लिव इन बैम्बूज, ठीक है? बाम्बू के यहाँ उनका हैबिटेट होता है, स्मॉल होते हैं काफी साइज में, ओके? और इफ यू सी, इनके ऐसे पैडेड थोड़े थिक थम्स होते हैं, थिक पैडेड थम्स दे हैव, दे आर स्मॉल एंड डार्क ब्राउन कलर में होता है। तो मुझे लगता है बाम्बू ड्यूलिंग बैट के बारे में, बाकी इसके बारे में ज्यादा नहीं कुछ पूछा जाएगा। मेनली जो पूछा जाएगा दैट विल बी कि ये नेम आपको शायद एज ए वन लाइनर टर्म दिया रिसेंटली। और एक बाम्बू ड्यूलिंग स्पीसीज एक्चुअली मिली थी, दैट इज डिस्पुटेड बैट एडियोस्कोपस डेंटिकलस। एक और एक बैट एक्चुअली मेघालय में रिसेंटली मिला था। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, पर्पल फ्रॉग। एज आई टोल्ड यू विल सी सर्टेन स्मॉलर स्पीसीज, अब फ्रॉग स्पीसीज देखते हैं कि पर्पल फ्रॉग इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। इट इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फ्रॉग ऑफ केरला। केरला ने इसको रिसेंटली अपना स्टेट फ्रॉग जो है डिक्लेयर किया है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, वील सी दैट क्वेश्चन ऑल्सो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड दी स्टेट बटरफ्लाई, फर्स्ट टाइम ऐसा स्टेट बटरफ्लाई को डिक्लेयर किया। तो पर्पल फ्रॉग जो है ये केरला ने अभी डिक्लेयर किया है, पर्पल फ्रॉग इज अ स्टेट फ्रॉग। पर्पल फ्रॉग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मावेरी फ्रॉग या पिग्नोस फ्रॉग। फर्स्ट टाइम ये केरला में इडुकी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था 2003 में। रहता का है जनरली लूज डैम एरेटेड सॉइल जो होती है पॉन्ड्स के पास, इट विल एक्चुअली लिव देयर। पर्पल फ्रॉग और एक चीज के लिए काफी फेमस, सबसे पहले तो इसको याद रखना कि केरला का अभी स्टेट फ्रॉग हो चुका है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मावेली फ्रॉग और पिग्नोस फ्रॉग। इट इज ऑल्सो फेमस, ऐसा भी कहा जाता है कि पर्पल फ्रॉग जो होता है ना थ्रू आउट द ईयर, पर्पल फ्रॉग जो होता है ये थ्रू आउट द ईयर ये एक्चुअली अंडरग्राउंड रहता है, और ओनली वन डे इट विल एक्चुअली कम ओवरग्राउंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारी जगह आप न्यूज पेपर क्लिपिंग में देखना तो यू विल सी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐसी कि ओनली फॉर वन डे इट विल कम ओवरग्राउंड, बाकी फॉर इट्स ब्रीडिंग पर्पज, अदरवाइज ऑल अदर डेज इट विल बी अंडरग्राउंड। बाकी कुछ सोर्सेस में ऐसा भी लिखा है कि कुछ वीक्स के लिए ओवरग्राउंड होता है, साल के एक दो वीक के लिए, और बाकी भी जगह पे जो है ये बेसिकली अंडरग्राउंड होता है। तो माई पॉइंट हियर इज कि मोस्टली अंडरग्राउंड होता है, इतना याद रखना, तो दैट्स इनफ। इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, बस वेस्टर्न घाट में मिलता है, नियर थ्रेटन आईवीसी स्टेटस है। एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड इट इज फॉर वन डे ओनली इट विल कम ओवरग्राउंड, ये भी एक कई फैक्ट आप याद रख सकते हो इसके बारे में, स्टेट फ्रॉग ऑफ द केरला पर्पल फ्रॉग। ओके, अगेन अ स्मॉलर एनिमल दैट इज गेको, वी विल सी नाउ गेको, दैट इज जयपुर ग्राउंड गेको। व्हाई जयपुर ग्राउंड इज गेको इज इन न्यूज, इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इंडियाज प्रपोजल, नाउ इट इज इंक्लूडेड इन द अपेंडिक्स टू ऑफ द साइट्स। ओके, साइट्स के अपेंडिक्स टू में अब ये इंडिया प्रपोजल के वजह से ये इंक्लूड किया गया है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो जयपुर ग्राउंड गेको जो है ये नॉक्टर्नल है, एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में सदर इंडिया को एंडेमिक है। जनरली दे आर फाउंड इन, अब कहाँ मिलते हैं जनरली, ये ईस्टर्न घाट में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। इनडेंजर्ड है इनका आईवीसीएन स्टेटस। ओके, तो जयपुर ग्राउंड गेको इज इन न्यूज बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन द अपेंडिक्स टू ऑफ द साइट्स, तो इंपॉर्टेंट है ये स्पीसीज। नॉक्टर्नल एनिमल है, एंडेमिक टू द पेनिनसुलर इंडिया में ही आपको मिलता है, जनरली अब ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। ओके, और एंडेंजर्ड इसका आईवीसीएन स्टेटस है, साइट्स अपेंडिक्स वन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अपेंडिक्स वन, ये शेड्यूल वन में ये इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट स्पेसिस है, कुछ दो तीन स्पेसिस हम अब बटरफ्लाई के देखते हैं। ओके, बटरफ्लाई वेरी ब्यूटीफुल दिखते हैं, ठीक है? तो बटरफ्लाई का जो है नेक्स्ट स्पेसिस हम देखते हैं, और उसमें सबसे पहला है मोनार्क बटरफ्लाई। व्हाई मोनार्क बटरफ्लाई इज इन न्यूज, मोनार्क बटरफ्लाई क्यों न्यूज में है? बिकॉज फर्स्ट टाइम आईयूसीएन ने इसको एंडेंजर्ड स्टेटस में डाला, आईयूसीएन के रेड लिस्ट में, नाउ इट इज कैटेगराइज एज एंडेंजर्ड, फर्स्ट टाइम ऐसा। ओके, फर्स्ट टाइम, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल बटरफ्लाई, और इसके मोनार्क बटरफ्लाई तो एंडेंजर में डाला है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड एस्पेक्ट है इस बटरफ्लाई का कि ये काफी फेमस है फॉर इट्स माइग्रेशन। ओके, सो दिस बटरफ्लाई इज नोन फॉर द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ एनी इंसेक्ट स्पीसीज नोन टू द साइंस, फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया, हुवे, हवाई,
इंडिया काफी जगह पे इसका स्मॉल पॉपुलेशन है वैसे, लेकिन सबसे ज्यादा इसका पॉपुलेशन जो है नॉर्थ अमेरिका में। ओके, फिर ऑस्ट्रेलिया, हवाई और इंडिया में थोड़ा बहुत पॉपुलेशन निकला है, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस किस लिए है कि लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ एनी इंसेक्ट जो है ये मोनार्क बटरफ्लाई की वजह से होता है, अब इंडेंजर लिस्ट में है। सो, इतना भी बाकी है इनके हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से हैबिटेट लॉस एंड ऑल, दैट्स फाइन। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉग की स्पेसीज, दैट इज व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई। एज यू कैन सी इन न्यू इन पिक्चर हियर, वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई स्पेसीज, व्हाइट टफ्टेड, व्हाइट कलर है ऑब्वियसली हमें दिखता है। सो व्हाई इट्स इन न्यूज, बिकॉज रिसेंटली अ टीम ऑफ बटरफ्लाई ऑब्जर्वर्स हैव फाउंड व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई, अ रेयर बटरफ्लाई फेसिस इन कलियाड़ कन्नूर केरला। ओके, तो रिसेंटली इट्स अ वेरी रेयर बटरफ्लाई स्पेसिस और जो एक्चुअली कलियाड़ इन कन्नूर में केरला में मिली। इससे पहले इट वॉज स्पॉटेड इन 2017 इन अगस्त कुंडा, अगेन इन केरला ओनली। ओके, एंड 2018 इन चेंदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन इन केरला, और उसके बाद अब मिला है ये 2022 में। सो दैट्स व्हाई व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई है ये न्यूज में। सो आई गेस ब्राइट कलर्ड है, फ्लटरिंग फ्लाइट होती है इसकी, फ्लटर करता है व्हेन इट फ्लाइट फ्लाइज, एंड व्हाइट इसका एक्चुअली कलर है यहाँ पे, और शेड्यूल टू ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इट इज इंक्लूडेड। इसकी जो लार्वी होती है बटरफ्लाई की, दैट फीड्स ऑन दी स्क्रोला पैरासिटिका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं बटरफ्लाई, दैट इज ब्लू डुक। कैन सी पिक्चर अगेन अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, बटरफ्लाई फेसेस एज सच अ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो वेरी विजुअली अपीलिंग हम उनको कह सकते हैं। सो ब्लू डुक है जो है, तो कभी बोर अगर हो जाए थोड़ा वीडियो देखते वक्त कि सर काफी ज्यादा फैट्स वी आर एक्चुअली कंज्यूमिंग हियर, ओके, तो थोड़ा सा इन स्पेसिस के पिक्चर की तरफ देख लीजिए, राइट। सो ब्लू डुक वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अनाउंस्ड एज अ स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम, सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई अनाउंस हुआ। ओके, तो सिक्किम में इसके रिगार्डिंग पोल है, पोल था एक्चुअली, ओपिनियन पोल काइंड ऑफ थिंग, कि किसको सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई करना चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट स्पीसीज थी बटरफ्लाई की इन रेस, ओके, एक थे ब्लू डुक और दूसरा था कृष्णा पिकॉक। तो कृष्णा पिकॉक क्या है, ये भी बटरफ्लाई स्पीसीज, अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाए तो। ओके, ये भी बटरफ्लाई स्पीसीज है, बट कृष्णा पिकॉक नहीं डिक्लेयर हुआ, सबसे ज्यादा जो वोटिंग आया वो ब्लू डुक के लिए। सो ब्लू डुक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम, नॉट द कृष्णा पिकॉक। ओके, साइंटिफिक नेम इसका जो है ये है बैसरोना दुर्गा, बैसरोना दुर्गा इज द साइंटिफिक नेम, फाउंड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ ऑलमोस्ट 1500 मीटर्स। फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुआ था सिक्किम में इन 1858 में, मतलब 1857 के रिवॉल्व के बाद 1858 में एक्चुअली इसने रिवॉल्व किया, इट वॉज डिस्कवर्ड एंड इट इज नेटिव टू सिक्किम एंड ईस्टर्न हिमालयाज, शेड्यूल टू ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इट इज देयर, नेटिव टू द सिक्किम एंड ईस्टर्न हिमालयाज ओवर हियर, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। सो याद रखना ये ब्लू डुक, हमने एक बटरफ्लाई देखा स्पेसिस मोनार्क बटरफ्लाई, जनरली नॉर्थ अमेरिका में होता है, कुछ थोड़ा सा पॉपुलेशन उसका इंडिया में है। देन वी हैड सीन दिस व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई विच इज वेरी रेयर स्पीसीज, विच इज जनरली फाउंड, जो लास्ट उसके स्पॉटिंग हुई है दो तीन, दैट इज इन ओनली इन केरला। ब्लू डुक जो है इट्स नाउ अ स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम, और पर्पल फ्रॉग जो है इट्स अ स्टेट फ्रॉग ऑफ द केरला, नाउ दैट इज बीन डिक्लेयर। चलो अब थोड़े से दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड देन एक ही क्वेश्चन है शायद, और हाँ इसके बाद दो तीन क्वेश्चन कंटिन्यूस हो गए, एंड देन वील सीधी नेक्स्ट, अगर स्मॉलर स्पेसिस कोई बिटल स्पेसिस हम देख लेते, किसी कीड़ा वगैरह कोई स्पेसिस होगा वील सी। ओके, सो रिसेंटली फर्स्ट टाइम इन आर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिक्लेयर पर्टिकुलर बटरफ्लाई अ स्टेट बटरफ्लाई। ओके, तो ये क्वेश्चन 2016 का है, बिकॉज अगेन करंट अफेयर्स। सो अफकोर्स द आंसर वॉज, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में किसने किया था 2016 का जो ये है, दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने एक बटरफ्लाई है, दैट इज नेम इज ब्लू बर्मन, रेड कलर में लिख रहा हूँ मैं, लेकिन ब्लू बर्मन, ठीक है। तो इस ब्लू बर्मन स्पेसिस को महाराष्ट्र ने अपना स्टेट बटरफ्लाई उसको डिक्लेयर किया, तो फर्स्ट टाइम किसी स्टेट ने ऐसा किया था बटरफ्लाई के रिगार्डिंग, तो आंसर वुड बी डी ओवर हियर। तो इसी तरीके से जस्ट ये क्वेश्चन के थ्रू आपको आइडिया लगता है कि क्यों हम जो मटेरियल देखते हैं इंपॉर्टेंट, उसी लाइन में वी आर क्रिएटिंग मटेरियल एंड वी आर डिस्कसिंग दैट, हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पेसिस, एंड नेक्स्ट स्पेसिस ऑफ दैट ओमरगस खानदेश। नेक्स्ट स्पेसिस कौन सी है, ओमरगस खानदेश। तो ये बिटल स्पेसिस है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने एक नई उनको बिटल स्पेसिस मिला है, बिटल मतलब भ्रूंग, जिसको हिंदी में भ्रूंग कहते हैं, ये है न्यू बिटल स्पेसिस ओमरगस खानदेश। ओके, तो ओमरगस खानदेश अगर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या है, सो इट्स अ न्यू बिटल स्पीसीज,
ये सबसे पहले इस पे क्वेश्चन हो सकता है. ओके, इट्स अ नेक्रोफेगस स्पीसीज. नेक्रोफेगस मतलब क्या होता है? नेक्रोफेगस मतलब होता है दोज विच फीड ऑन द डेड एनिमल. जो डेड होता है, डेड बॉडी होती है, डेड फ्लैश जो होता है, इस डेड फ्लैश पे जिसको ये खाते हैं उनको एक्चुअली नेक्रोफेगस कहते हैं. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ केराटिन बीटल. ये केराटिन बीटल भी इसको कहा जाता है, इसको हाइड बीटल भी कहा जाता है. जनरली दे हाइड इन दी सॉइल, सॉइल सॉइल कवर होता है उनके बॉडी पे हमेशा. ओके फाइन, तो द बीटल इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉरेंसिक साइंस एंड इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन. फॉरेंसिक साइंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम ऑन एनिमल और ह्यूमन का भी ये हो सकता है. पता नहीं कभी कोई मिस्टीरियस थ्रिलर फिल्म वगैरह होगा सस्पेंस मूवी में, तो उसमें दिखाया जाएगा कि फॉरेंसिक ने एक्चुअली इस बीटल को देखा, उस वजह से सबूत उसको मिल गया. ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेंसिक साइंस एज इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द डेथ एन एनिमल. हमने एक फिल्म के आइडिया दे दिए अभी. ठीक है, चलिए, दैट इज ओमरगस कंदिश, रिमेंबर दैट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पेसीज. दैट स्पेसीज इज बर्ड स्पेसीज. अब सारे बर्ड स्पेसीज हम देखते हैं, बीटल स्पेसीज, फ्रॉग स्पेसीज, बटरफ्लाई स्पेसीज वी हैव सीन. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी बैट स्पेसीज भी हमने देखा है, जो बॉम्बू डवेलिंग बैट है. नाउ वी आर गोइंग टू सी दी यहाँ पे पक्षी जो है, ये जिनको हम इसके बारे में स्पेसीज हम देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्पेसीज है उसमें रवेन बैटर. व्हाई इट वाज इन न्यूज? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बैबलर जो है, बैबलर एज सच इट्स अ फैमिली ऑफ बर्ड्स, एक फैमिली ऑफ बर्ड है. ओके, फिर उसमें ऑलमोस्ट ऐसे 20 डिफरेंट टाइप ऑफ बैबलर बर्ड्स है, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ बैबलर बर्ड्स. जैसे इसको रेन बैबलर कहा गया, किसी को ग्रे बेरिल बैबलर कहा जाएगा, लॉन्ग टेड वेन बैबलर कहा जाएगा, इस तरीके से. सो इट्स अ फैमिली ऑफ बर्ड्स, देयर आर ऑलमोस्ट 20 स्पीसीज ऑफ दैट. ठीक है, स्मॉल बर्ड्स होते हैं, स्मॉल एशियन बर्ड्स होते हैं एक्चुअली ये. ठीक है, तो रिसेंटली ये रवेन बैबलर क्यों न्यूज में है? बिकॉज बर्ड वॉचर्स हैव डिस्कवर्ड द न्यू सॉन्ग बर्ड इन अरुणाचल प्रदेश. अब ऐसा न्यू बैबलर स्पीसीज जो है उनको अरुणाचल प्रदेश में मिला. ओके, एंड उसका नाम अब उन्होंने रखा है लिसू रवेन बैबलर. वाय? बिकॉज लिसू कम्युनिटी इज देयर इन स्टेट. तो याद रखना, लिसू रवेन बैबलर और लिसू कम्युनिटी. तो लिसू कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश में है, उस वजह से इस नए रवेन बैबलर का लिसू रवेन बैबलर एक्चुअली कहा. व्हाइटिश बेली होती है इस बर्ड की, और जैसे नागा रवेन बैबलर होता है उसी तरीके से इसका सिंगिंग वॉइस जो होता है उसी तरीके की इसका सिंगिंग होती है. ओके, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो. देयर हैज बीन ओनली वन रिपोर्ट ऑफ साइटिंग द रवेन बैबलर इन इंडिया वे बैक इन 1988. ऐसा एक्चुअली सेम माउंटेन में, उसी माउंटेन में 1988 में उसी माउंटेन में एक्चुअली लास्ट टाइम ये मिला था रवेन बैबलर. तो बाकी आपको ज्यादा इनके बारे में जानने का जरूरत नहीं है, लिस्ट कंसर्न है. बट रिमेंबर दिस लिसू रवेन बैबलर. लिसू रवेन बैबलर क्या है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इट्स अ बर्ड, इट्स अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ बैबलर, एंड लिसू कम्युनिटी की वजह से उनका ये नाम दिया गया है, वेर इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट. चलिए नेक्स्ट बर्ड स्पीसीज देखते हैं, दैट इज स्पॉट बेलीड ईगल आउल. आउल स्पीसीज है. आउल वैसे देखने में भी डेंजरस लगता है एंड पिक्चर में भी आप देख लीजिएगा. सो व्हाई इट्स इन न्यूज अगेन? सम ऑफ द ऑब्जर्वर्स और जो भी साइंटिस्ट है, दे हैव स्पॉटेड द स्पॉटेड बेलीड ईगल आउल. ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंसाचलम फॉरेस्ट एंड फॉर द टर्न टाइम इन आंध्र प्रदेश. तो सेंसाचलम फॉरेस्ट में इनको फर्स्ट टाइम ही मिला, और ओवरऑल आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो थर्ड टाइम ही मिला. सो रेयरली फाउंड स्पॉट बेलीड ईगल आउल इज अ रेयरली फाउंड स्पीसीज. ओके, यू कैन सी दिस स्टार्क कलरेशन है इसका, काफी स्टार्क डॉट्स आर देयर. सो स्टार्क ब्राउन बर्ड है, डार्क कोर्स ब्राउन इनका कलरेशन है. ओके, यू कैन सी ओवर हियर लार्ज बर्ड ऑफ प्रे, लार्ज है. ओके, फॉरेस्ट ईगल आउल है ये, सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. सो लार्ज प्रे बर्ड है ऑफकोर्स. सेकेंड थिंग की काफी डार्क स्किन है, डार्क स्पॉट्स विल सी ओवर हियर, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, वेरी पावरफुल इट इज, काफी पावरफुल ये बर्ड है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डेविल बर्ड. इसको क्या है? डेविल बर्ड, या इसको घोस्ट ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है. बिकॉज इट स्क्रीम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग जैसा इसके लिए स्क्रीम करता है. ओके, तो इसलिए इसको घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट या डेविल बर्ड भी एक्चुअली कहा जाता है. सो पेनिनसुलर इंडिया में जनरली यू विल फाइंड इट इन डिफरेंट फॉरेस्ट. सो लिस्ट कंसर्न इसका आईयूसीएन स्टेटस है. ओके, स्पॉट बेलीड ईगल बाउल क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसका नहीं है, जो आंध्र प्रदेश में काफी रेयरली इट इज फाउंड, इट इज अ लिस्ट कंसर्न इसका स्टेटस है. ओके, घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट डेविल बर्ड भी इसको कहा जाता है. स्टार्क कलरेशन इज देयर. ओके, नेक्स्ट बर्ड दैट वी आर डिस्कसिंग इज ग्रेटर स्काउट डक. ग्रेटर स्काउट डक. ओके, सो व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज रिसेंटली मणिपुर का जो लोकतक लेक है,
यहाँ रिसेंटली मणिपुर के लोकतक लेक में 90 इयर्स के बाद ये ग्रेटर स्टॉप डग दिखा है। ओके, सो दे स्पॉटेड दिस ग्रेटर स्टॉप डग आफ्टर 90 इयर्स गैप इन द मणिपुर लोकतक लेक। ओके, तो मणिपुर के लोकतक लेक में तो इसको तो याद रख सकते हो आप, क्योंकि मणिपुर लोकतक लेक इज वेरी फेमस फॉर इज वॉट, फुमडिस। जो वेजिटेशन है लेक पे, जो वेजिटेशन है उस फुमडिस के लिए, फुमडिस मीन्स वॉट, इट्स अ वेजिटेशन ऑन द लेक। ओके, तो उसके लिए लोकतक लेक इज वेरी फेमस। ओके, और इसी फुमडिस पे कौन चलते हैं, सांगाई डियर। ओके, सांगाई डियर एक्चुअली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द डांसिंग डियर, वेजिटेशन पे दे विल गो लाइक दैट, सो सांगाई डियर। सो मणिपुर के लोकतक लेक में ये फर्स्ट टाइम जो है 90 इयर्स के बाद ग्रेटर स्कॉप डक हमें मिला है। लोकली इसको कहा जाता है संदनगम, संदनमान, सॉरी, लोकली इट इज कॉल्ड एज संदनमान। ओके, इट्स अ हाईली माइग्रेटरी बर्ड, वैसे इंडिया में ये ज्यादा नहीं है, मतलब इसका मेन ब्रीडिंग कहाँ होता है, योर इसका मेन ब्रीडिंग जो होता है आर्टिक रीजन, वहां से ये माइग्रेट करता है, और इंडिया में काफी रेयरली मिलता है, सो रेयरली ऑलमोस्ट 90 इयर्स के बाद ये मणिपुर में मिला। ओके, सो एशिया, यूरोप, यूनाइटेड नेशंस, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, यहाँ ये स्पेसिस ज्यादा है, इंडिया में रेयरली विल एक्चुअली फाइंड दिस, रेयर विजिटर इंडिया का, माइग्रेटरी बर्ड है, लिस्ट कंसर्न इज द आईयूसीएन स्टेटस। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, नेक्स्ट हमारे जो स्पेसिस है दैट इज ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। सो जो हॉर्नबिल फैमिली है उसमें सबसे बड़ा एक्चुअली लार्जेस्ट अगर मेंबर जो होगा दैट इज ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ओके, इसमें फीमेल जो होती है इनकी थोड़ी स्मॉलर होती है मेल से। ओके, और यहाँ मेल और फीमेल में फर्क क्या है कि फीमेल आर स्मॉलर देन द मेल, एंड फीमेल की जो आईज होते हैं ये ब्लूइश होते हैं, ब्लूइश वाइट आईज इंस्टेड ऑफ द रेड आईज। ओके, तो ये मेल और फीमेल में इसके डिफरेंस के, फीमेल की ब्लूइश आईज है इंस्टेड ऑफ रेड आईज, और यहाँ पे मेल का साइज इनका लार्जर होता है। ओके, मेल इनका जो डाइट होता है ये होता है फिक्स, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स दे विल ईट एग्स ऑल्सो, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये भी एक्चुअली ये खाते हैं। वेयर डू वी फाइंड देम, वेट एवरग्रीन एंड मिक्स डिस्ट्रीब्यूट्स फॉर, तो हिमालय का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, यहाँ पे एक्चुअली हमें ये यहाँ मिलता है। ओके, ऑलमोस्ट और नॉट ओनली इंडिया, इंडो चाइना रीजन, मलाय रीजन, सुमात्रा रीजन, यहाँ आपको ये मिलेगा ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, स्टेट बर्ड ऑफ केरला। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि देर इज समथिंग कॉल्ड द हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम, ये कम्युनिटी बेस्ड कॉन्जर्वेशन प्रोग्राम है हॉर्नबिल। ओके, तो हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम जो है इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड कॉन्जर्वेशन प्रोग्राम ऑफ हॉर्नबिल व्हिच वाज टेकन इन 2011। ओके, इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व के बाहर जो हॉर्नबिल्स है, पक्के टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश वहां के बाहर के जो हॉर्नबिल्स है उसके लिए हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम, कम्युनिटी बेस्ड एडॉप्शन प्रोग्राम जो है कैरी आउट किया गया है। आईयूसीएन स्टेटस इनका वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ओके, दैट इज ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल स्पीसीज, ओवर लार्जेस्ट मेंबर है हॉर्नबिल फैमिली का, दैट वी शुड बी नोइंग। ओके, चलिए नेक्स्ट है बर्ड स्पेसिस, दैट इज इंडियन स्कीमर। नेक्स्ट कौन सी है, इंडियन स्कीमर ओवर हियर, ये बर्ड स्पेसिस एक्चुअली देखते हैं। ओके, सो इंडियन स्कीमर इज सीन इन ह्यूज फ्लॉक्स ड्यूरिंग द विंटर नियर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काकीनाडा ऑफ आंध्र प्रदेश। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है ये सबसे पहले याद रखो, दैट इज आंध्र प्रदेश। ओके, और वहां एक्चुअली इंडियन स्कीमर जो है इनका ह्यूज फ्लॉक हमें मिला, मतलब अभी दिखाया गया, हर साल दिखता है, ऐसे नहीं कभी है, बट इट इज देयर, बट इट वाज इन न्यूज, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। ओके, तो इंडियन स्कीमर जो है ये देखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इनका जो है दैट इज शेड्यूल 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और इंडेंजर्ड है ये है। ओके, और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है दैट इज चंबल रिवर अगेन। ओके, तो ओवरऑल यू फाइंड देम इन वेस्टर्न घाट में आपको मिलता है ईस्टर्न इंडिया में। ओके, लेकिन चंबल रिवर इनकी इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है, जनरली ये लार्ज फ्लॉक्स में रहते हैं, लार्ज फ्लॉक्स में कहीं ना कहीं इनका ब्रीडिंग होता है। ओके, इंडियन स्कीमर का एंडेंजर्ड स्पेसीज है यहाँ पे। नेक्स्ट स्पेसीज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्चुअली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज। ओके, मतलब इंडिया में अगर देखा जाए कौन सी बस्टर्ड स्पेसीज हमें मिलती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओके, लेसर फ्लोरिकॉन एंड बंगाल फ्लोरिकॉन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकॉन एंड बंगाल फ्लोरिकॉन, उसमें से वी आर डिस्कसिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एंड इम्पॉर्टेंट है ये स्पेसीज। ओके, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट इज सेड कि इनका पॉपुलेशन अब इंडिया में बस 100 के पीछे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पॉपुलेशन हैज फेल बिलो 100। ओके, और इनका मेन जो डेथ का रीजन है
ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन, ये रीजन भी याद रखना, दैट इज ओवरग्राउंड पावर केबल्स। जो ओवरग्राउंड पावर केबल्स होती है आपके घर के आसपास भी होगा, पावर केबल्स होता है, ये पावर केबल्स को ये टच होने के बाद इनके एक्चुअली डेथ होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ऑर्डर भी दिया था गुजरात और राजस्थान गवर्नमेंट, इनका मेन हैबिटेट है गुजरात राजस्थान, कि वॉट एवर दिस हाई पावर हाई टेंशन पावर केबल्स है ओवरग्राउंड, उसको आप अंडरग्राउंड कर दीजिए, सो दैट दे डू नॉट गेट कॉट इन द वेव ऑफ दैट वायर्स, उस पर यह क्या है कॉट ना। सो एनीवेज, तो ये याद रखना कि इनका एक थ्रेट इंपॉर्टेंट क्या है, ओवरग्राउंड जो है पावर केबल्स इज द थ्रेट। 100 से नीचे इनका पॉपुलेशन है, अब कहा वो पॉपुलेशन है विल डिस्कस दैट। सोन चिड़िया भी इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश में, गोदावन कहा जाता है राजस्थान में, मालदोक कहा जाता है महाराष्ट्र में, वेरी लार्ज बर्ड स्पीसीज एज सच, बट स्टिल दे कैन इजिली फाइंड। तो इसके लोकल नेम्स सोन चिड़िया, गोदावन, मालदोक, महाराष्ट्र में, इसको थोड़ा याद रखना, दे आर इजी टू easily they can fly being despite being so such a large species over here. So where do we find them? Arid and semi-arid grassland. Arid and semi-arid grassland जो है यहाँ आपको मिलता है, generally ये irrigated areas को avoid करते हैं। सबसे ज्यादा population है राजस्थान में, राजस्थान का state bird भी है, it is endemic to the Indian subcontinent. तो Indian subcontinent को तो वैसे तो endemic है, but राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा population. Important sites: डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान, नलिया गुजरात, वरोरा एंड बेलारी। ओके, सो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन राजस्थान में, याद रखना डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, उसके बाद नलिया गुजरात, वरोरा महाराष्ट्र और बेलारी इन कर्नाटका, क्रिटिकली एंडेंजर्ड अपको स्टेटस है इसका। ओके, एंड इट इज वन ऑफ द स्पेसिस फॉर स्पेसिजरी रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। ओके, ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में भी इसको इंक्लूड किया गया है, स्पेसिस रिकवरी प्रोग्राम में भी एक्चुअली है ये। ओके, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को थोड़े से अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 100 से कम इनका पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन भी एक्चुअली सीमित है इनका कुछ स्टेट के रिगार्डिंग, सबसे ज्यादा राजस्थान, थोड़ा बहुत पॉपुलेशन इनका गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक। ओके, देन वील गो एंड वील डिस्कस अबाउट दी वल्चर स्पीसीज, बस्टर्ड स्पीसीज हमने देख ली, वल्चर स्पीसीज देखते हैं। ओके, तो हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर के बारे में हम देखते हैं, वील टॉक अबाउट दी हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर। It is rare and largest bird native to the Himalayas. काफी rare है and largest bird है, but which is native to whom? Where Himalayas. तो इसका if you see ये ऐसे कुछ brown pale brown color, इनका faint brown color is there, and as such feather यहाँ अगर देखा जाए तो featherless head होता है इसका, featherless head और pale brown कहीं ना कहीं color है। Okay, now important thing देखे habitat, जैसे मैंने कहा कि Himalayan habitat में होता है ये हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर, इसीलिए इसका नेम है रेयरेस्ट एंड लार्जेस्ट बर्ड स्पीसीज। ओके, सो इट लिव्स मेनली इन द हायर रीजन्स ऑफ हिमालयस एंड एलिवेशन अबव 1500 मीटर्स, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखो कहाँ है, चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, चाइना सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया, नेपाल, भूटान। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसके हैबिटेट का इज वेरी लार्ज, सेंट्रल एशिया से लेकर ऑलमोस्ट चाइना, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, विल फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हियर, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, IUCN status जो है that is near threatened, और सबसे important threat इनका कौन सा है, सबसे बड़ा threat इनको, that threat is diclofenac. Okay, so what is diclofenac? इस पे question भी पहले पूछा गया है UPSC में, we'll see that question also. Diclofenac is a anti-inflammatory drug, एक anti-inflammatory drug है. Okay, so ये diclofenac anti-inflammatory drug जो है, it is given to many animals. जब वो बीमार होते हैं तो उनको एक्चुअली डिफ्लोमेनिक ड्रग दिया जाता है। ओके, अब जब एनिमल की डेथ होती है तो इनकी जो कैरकास जो होती है, कैरकास होती है मतलब जो डेड बॉडी होती है, दैट इज ईटन बाय द वल्चर। ओके, और वल्चर जब उसको खाते हैं तो उस डेड बॉडी में ये डिक्लोफेनिक ड्रग होता है, और ये डिक्लोफेनिक ड्रग की वजह से इनकी डेथ होती है, बिकॉज जो ड्रग दूसरे स्पीसीज के लिए एक तरीके से मेडिसिन है, इट्स काइंड ऑफ डेडली ड्रग फॉर द गवर्नमेंट ट्राई भी कर रहा है कि डिक्लोफेनेक ड्रग को गवर्नमेंट इनफेक्ट का यूज ना हो, और बाकी भी इस टाइप के जो भी ड्रग होते हैं, वल्चर टॉक्सिक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होते हैं जो भी, ओके, इसको कंट्रोल करने का गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है, डिक्लोफेनेक उसी टाइप के सारे ड्रग की वजह से इनकी डेथ काफी होती है। तो ओवरऑल अगर हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर तो हमने देखा, लेकिन ओवरऑल वल्चर स्पीसीज इंडिया में देखो तो 9 स्पीसीज है इंडिया में वल्चर की। ओके, उसमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ओरिएंटल वाइट बैक, स्लेंडर, ठीक है, लॉन्ग बिल्ड,
एंड रेड हेडेड, ओके, ओरिएंटल व्हाइट बैक, स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड एंड रेड हेडेड, और ये सारे वल्चर स्पीशीज को एक काफी बड़ा खतरा है उन्हें कोरने का, डिक्लोफेनाक, ओके। और चलिए और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देते हैं। अब इतना तो हम याद, आप शायद याद नहीं कर पाएंगे कि शेड्यूल वन में कौन सी है, इसमें शेड्यूल नाइन में कौन सी है, बट एटलीस्ट ये जो है यहाँ पे, जस्ट गो थ्रू दिस नेम्स, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सी वो तो कम से कम देख लेना कि स्लेंडर बेलिड, लॉन्ग बेलिड, रेड बेलिड एंड ओरिएंटल व्हाइट बेकेट जो है, दिस आर दी वल्चर स्पीसीज इन इंडिया जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ओके। अब कॉन्जर्वेशन के लिए इंडिया ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक वल्चर एक्शन प्लान लॉन्च हुआ है 2020-2025, ये 5 ईयर के लिए वल्चर एक्शन प्लान है फॉर इट्स कॉन्जर्वेशन। तो इसमें इट इज एंश्योर्ड कि उस पर्टिकुलर एरिया में डिक्लोफेनाक का यूज जो है ये कम से कम हो ताकि इनका पॉइजनिंग ना हो, तो डिक्लोफेनाक का यूज मिनिमम करने का इसमें एक मैंडेट है अंडर दिस वल्चर एक्शन प्लान, ओके। फिर 2001 में इंडिया ने एक वल्चर केयर सेंटर भी ओपन किया था, वेयर इन पिंजौर हरियाणा, ये याद रखना, इन पिंजौर हरियाणा वल्चर केयर सेंटर जो है इंडिया का ओपन हुआ था, एंड लेटर दिस सेंटर वॉज अपग्रेडेड, अपग्रेडेड टू वॉट, अपग्रेड टू द इंडिया फर्स्ट वल्चर कॉन्जर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो वही जो वल्चर केयर सेंटर था हमारा पिंजौर हरियाणा में, उसको ही अपग्रेड फिर कर लिया गया और उसको इंडिया का फर्स्ट वल्चर कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया। तो अब तो काफी सारे वल्चर कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स भी है, ऑलमोस्ट 9 ऑफ देम आर देयर, ओके, एंड सम ऑफ देम आर डायरेक्टली, 3 ऑफ देम आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ओके, ये 3 ऑफ देम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी उनको डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करती है। फर्स्ट जो है ये पिंजौर हरियाणा है वल्चर केयर सेंटर को ही फर्स्ट कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ओके। चलो अब कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन के आंसर देखते हैं एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट स्पीसीज। बर्ड स्पीसीज हमने सारी न्यूज में जो है कवर कर ली है, प्लीज हैव पेशेंस, और भी कुछ देर हमारा क्लास चलेगा, ओके। चलिए सो ये क्वेश्चन है आपके सामने, लेट्स पॉज फॉर 20 सेकंड्स एंड काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो वल्चर विच इज वेरी कॉमन इन इंडियन कंट्री साइड, नाउ दे आर रेयरली सीन, तो कौन सा थ्रेट है उनका? तो हमने ऑलरेडी देखा है, अ ड्रग यूज्ड बाय द कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिसीज कैटल, दैट इज डिक्लोफेनाक, इस वजह से उनको मेन थ्रेट है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रीड दिस क्वेश्चन, लेट्स टेक 10-15 सेकंड्स एंड देन यू आंसर दिस। Which of the following is not a bird? इसमें से कौन सा बर्ड नहीं, ओके, तो ये सारे बर्ड्स है, फर्स्ट वन इज नॉट बर्ड, दैट इज गोल्डन महाशीर, ओके। गोल्डन महाशीर जो है ये फिश स्पेसिस है, इट्स अ फिश स्पेसिस। चलो तो आंसर जो है नॉट पूछा है, तो आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कुछ स्पेसिस के यहाँ नाम दिए और ये स्पेसिस क्या है ये पूछा है। Take 20 seconds and answer this in comment section. With reference to India's biodiversity, Ceylon frogmouth, coppersmith barbet, grey chin minivet and white-throated red snark. ये क्या है? All of these are birds. तो जैसे मैंने कहा कि बस कुछ species क्या है नाम से, ये भी पता हो तो शायद हम answer कर सकते हैं। यह बस कुछ नेम दे दिए और ये बर्ड्स है या प्राइमेट्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस से पूछा है, तो देयर ऑल बर्ड्स, आंसर इसलिए हमारा ये होगा, ओके, आंसर विल बी ए हो रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, ब्लैक नेकेड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लेपर्ड, विच आर अबो आर नेचुरली फाउंड इंडिया, इसमें से नेचुरली इंडिया में कौन सी हमें मिलता है। Please answer this. ठीक है, ये आंसर करना इजी है क्योंकि हमें पता है कि 1952 में ही, आज ही हमने क्लास में देखा था, चीता हैज गॉन एक्सटिंक्ट, ओके, ये इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है चीता, तो ये तो चला गया, तो सेकंड इज गॉन, ये तीनों एलिमिनेट कर दिया, आंसर जो है हमारा भी आया। अदर सर फाउंड नेचुरली, स्नो लेपर्ड हमने देखा है, स्प्लाइंग फ्यूस्कुलर इज देयर, ब्लैक नेकेड क्रेन आर देयर,
ये तो हमें मिलता है, तो चीता के वैसे इलिमिनेट करके हम इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, रिलेटिवली काफी इजी आंसर है। चलिए नाउ लेट्स सी अदर स्पेसिस, बाकी कुछ कुछ स्पेसिस देखते हैं। सबसे पहले विल सी दी सीवीड। ओके, सीवीड जो समुंदर में जो वीड होता है वो वीड नहीं है जो आप कंसिडर करो, इट्स नॉट अ वीड फॉर दैट पर्पज, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट वीड। तो जो सीवीड जो है, यहाँ दिस सीवीड वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग ओवर हियर, जो सो देखिएगा एज पर द मतलब रिसेंटली एक्चुअली एक स्टेटमेंट था कि फर्स्ट टाइम इन कंट्री अ सीवीड पार्क विल बी सेटअप इन तमिलनाडु टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में क्या है, तमिलनाडु में सीवीड के लिए एक्चुअली एक पार्क सेटअप किया जाने वाला, सीवीड पार्क विल बी सेटअप। ओके, एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स मत्स्य संपदा योजना, इसके अंडर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो थोड़ा सीवीड के बारे में देखते हैं। देखिए सीवीड जो है दिस आर नॉन फ्लावरिंग मरीन अल्गी, जनरली इसको प्लांट भी नहीं कहा जा सकता, अल्गी कह सकते हैं इसको, इससे नॉन फ्लावरिंग मरीन अल्गी विदाउट एनी रूट, ना रूट है ना स्टेम है ना लीव्स है, इसके रूट नहीं होता स्टेम नहीं होता लीव्स नहीं होता और नॉन फ्लावरिंग है। ओके, मरीन इकोसिस्टम इट प्लेज अ वेरी ग्रेटर रोल। रे कलर इसका ऐसा नहीं कि वीड है तो बस ग्रीन कलर ही होगा, इट हैज रेड कलर ग्रीन कलर ब्राउन ब्लैक कलर उसका होता है, साइज में भी वेरी होता ही है। ओके, इसके जो डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट जो होता है आप देखना तो सी में इसका काफी तरीके से फॉरेस्ट क्लियर करता है डेंस अंडर वाटर, उसको कहा जाता है किल फॉरेस्ट। ओके, तो जनरली वेयर डू यू फाइंड देम, इंटर टाइडल रीजन, गल्फ ऑफ मन्नार, शैलो और डीप वाटर्स ऑफ द सी, एश्योरियन बैक वाटर्स, यहाँ आपको ये मिलता है। कुछ स्पेसिस के मैंने यहाँ नाम दिए, यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्पेसिस, आपके आपको आइडिया आ जाए कि ये स्पेसिस के नेम है किसके। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गिलीडियला एसेरोसा है, ओके, ग्रैसिलरिया यूडिलिस है, ये सारे स्पेसिस जो है, या ग्रैसिलरिया क्रासा है, दिस आर ऑल स्पेसिस ऑफ द सी वीड हो गए, कुछ कुछ स्पेसिस जो इंडिया में है। ओके, और इसके जो अंडर वाटर फॉरेस्ट उसको केल फॉरेस्ट कहा जाता है। सीवीड का बस ग्रीन ही कलर नहीं होता, मल्टीपल कलर्स में देवल भी दे आर फ्लावरलेस, दे आर रूटलेस, दे आर स्टेमलेस एंड दे आर दे डू नॉट हैव लीव्स एक्चुअली। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है सीवीड का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन, दे आर स्टोर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, थायमाइन, वाइटामिन ए बी सी के, इसके ये स्टोर हाउस है। ओके, बायो इंडिकेटर है बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम के। ओके, दे क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करने में ये काम करता है, कार्बन ऑब्जॉर्प्शन कर सकता है आपको। ओके, तो कार्बन को कहीं ना कहीं एज अ स्टोरेज दे कैन एक्ट, सो मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज में इसका इंपॉर्टेंट है। दे आर यूज एज अ फर्टिलाइजर्स ऑल्सो एंड टू इंक्रीज द फ्रीज प्रोडक्शन। ये बीच इरोजन भी कम बैक कर सकते हैं, कैसे बीच इरोजन कम कर सकते हैं, अगर बीच के सैंडून्स में, ओके, इफ दे आर बरीड, इफ यू टेक अ सीवीड एंड दे बरी द बीच सैंडून, दे कैन एक्चुअली रिड्यूस द बीच इरोजन ऑल्सो। तो बीच की जो सैंड सैंड होगी वो ज्यादा वहां पे हम कह सकते हैं कि ज्यादा उसका इरोजन नहीं होगा, ठीक है। सो बीच इरोजन में भी इंपॉर्टेंस है इसका, इंपॉर्टेंस ये देखो इस पे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है यूज में, तो बीच इरोजन में इंपॉर्टेंट है, बीच इरोजन में फर्टिलाइजर यूज होता है, फिश प्रोड्यूसिंग उससे वैसे यूज हो सकते हैं, मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज में इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऑल्सो, टूथपेस्ट में भी इंपॉर्टेंट है, कैसे दे आर यूज एज इमल्सीफायर या बाइंडिंग एजेंट इन टूथपेस्ट और फूड जेली। ओके, दे आर यूज एज सॉफ्टनर्स ऑल्सो या इमोलियंट्स उनको कहते हैं इन ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ओके, दे आर ट्रैप्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पॉल्यूटेंट्स को भी ये ट्रैप करते हैं, हेवी मेटल्स को दे विल एक्चुअली ट्रैप एंड रिमूव। सो सीवीड का अगर देखा जाए तो काफी लार्ज इसकी यूज है, गवर्नमेंट का एक सीवीड मिशन भी है विच इज लॉन्च बाय द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, देयर इज अ सीवीड मिशन ऑफ द गवर्नमेंट दैट वी शुड नो ऑन हु हैज लॉन्च दिस, दैट्स इंपॉर्टेंट हियर। ओके, अब पहले तो वैसे प्लांट नहीं कहा जाता उसको, अलग ही कहा जाएगा सीवीड को, अब देखते हैं प्लांट स्पेसिस, दैट इज नीलकुरंजी। ओके, नीलकुरंजी तो व्हाई इट इज इन न्यूज, बिकॉज रिसेंटली नीलकुरंजी हैज बीन पुट इन द शेड्यूल 3 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसको प्रोटेक्शन दिया है, इट इज पुट इन द शेड्यूल 3 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो क्या इम्प्लीकेशन है इसका, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि अफकोर्स अब प्लांट को प्रोटेक्शन दिया गया है, तो कोई भी अगर इस प्लांट को डिस्ट्रॉय करेगा या अपरूट करेगा बट उसको एक्चुअली निकालता है तोड़ देता है तो उसको 15,000 रुपीज का फाइन हो सकता है, 3 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट हो सकती है। तो गलती से ये कर मत करना, ठीक है, काफी कॉस्टली हो जाएगा एक ऐसा कुछ करना। एंड द कल्टीवेशन ऑफ नील कुरिंजी एंड इट्स पोजिशन इज नॉट अलाउड नाउ, इसका कल्टीवेशन अलाउड नहीं है, पोजिशन अलाउड नहीं है, ठीक है, और उसका अपरूटिंग भी इज ऑल्सो नॉट अलाउड।
नील कुरंजी का काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले तो याद रखो शेड्यूल 3 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो इसके इंप्लीकेशन विल बी दिस। सेकंड थिंग, नील कुरंजी जो है इट ब्लूम्स एवरी 12 ईयर्स, इसके जो फ्लावर का ब्लूमिंग होता है 12 ईयर साइकिल में एक बार एक्चुअली होता है। ओके, कहाँ पाया जाता है ये? एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स, जनरली ब्लूम इन द रीजन ऑफ तमिलनाडु केरला एंड वेस्टर्न घाट को एंडेमिक है केरला कर्नाटक तमिलनाडु में, तो एंडेमिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट है इसका। एंड नेक्स्ट थिंग इज, एक ट्राइब है एक्चुअली तमिलनाडु में, दैट इज पलियन ट्राइब। ये पलियन ट्राइब इसका जो फ्लावरिंग होता है, इस फ्लावरिंग के फेनोमेन का यूज करके एज कैलकुलेट करता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड देयर आर ऑलमोस्ट 250 नील कुरंजी स्पीसीज इन द वर्ल्ड, बट तो ये पलियन ट्राइब, बिकॉज आफ्टर 12 ईयर्स अगर इसकी फ्लावरिंग होती है तो 12 ईयर्स दे कैन ट्रैक एंड दे कैन अंडरस्टैंड द एज ऑल्सो। ओके, सो पलियन ट्राइब इज यूज इट फॉर द एज ट्रैकिंग, इट इज एंडेमिक टू दी वेस्टर्न घाट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु केरला कर्नाटक इस रीजन में, इट ब्लूम्स आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, और अब ये शेड्यूल 3 ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में इसको इंक्लूड किया गया है एज सच एन इम्पोर्टेंट स्पीसीज। ओके, अब हम कुछ यहाँ पे देखते हैं पॉर्पस स्पीसीज, दो पॉर्पस स्पीसीज देखते हैं विच आर इन यूज, एक है वेकिटा पॉर्पस, एंड सेकंड जो पॉर्पस स्पीसीज हम देखने वाले यांगसी फिनलेस पॉर्पस। ओके, सो फर्स्ट पॉर्पस है वेकिटा पॉर्पस, एंड वाई वी आर डिस्कसिंग वेकिटा पॉर्पस, बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। तो ऐसा न्यूज में था कि ग्लोबली वेकिटा पॉर्पस का पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 98% से डिक्लाइन हो चुका है, तो दैट्स वाई इट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। ओके, सो वेकिटा पॉर्पस इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सिटेशियन स्पीसीज। सिटेशियन इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैमल, मरीन मैमल जो होती है उनकी ऑर्डर है, ठीक है, सॉरी सिटेशियन मतलब बेसिकली अ मरीन मैमल ऑफ ऑर्डर सिटेशिया, सो सिटेशिया एक ऑर्डर है, तो सिटेशिया ऑर्डर में सबसे स्मॉल स्पीसीज जो है ये सिटेशियन स्पीसीज है वेकिटा पॉर्पस। ओके, इनके ऑर्डर में और कौन सी स्पीसीज होती है, लाइक डॉल्फिन, डॉल्फिन इज ऑल्सो सिटेशियन स्पीसीज। ओके, सो सिटेशियन स्पीसीज में सोमल सिटेशिया इज दिस पर्टिकुलर स्पीसीज वेकिटा पॉर्पस, मोस्ट एंडेंजर्ड मरीन एनिमल है, ऑफकोर्स 98% डिक्लाइन हुआ इनका पॉपुलेशन में, देयर आल्सो कॉल्ड एज अ पांडा ऑफ द सी, बिकॉज इनके अगर आईज आप देखना तो यहाँ डिस्टिंक्टिव ऐसे ब्लैक सर्कल्स होते हैं, ऐसे ब्लैक सर्कल्स है, तो देयर आल्सो कॉल्ड एज अ पांडा ऑफ द सी। ओके, दे आर द स्मॉलेस्ट सिटेशियन, मोस्ट एंडेंजर्ड मैमल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके, एंड इंडिया में जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं, गल्फ के जो शलो वाटर्स होते हैं, शलो वाटर्स विल फाइंड नॉर्दर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, सी ऑफ कॉर्डजेट मेक्सिको, ये इसका हैबिटेट है, कैलिफोर्निया मेक्सिको नॉर्दर्न अमेरिका, यहाँ इसका हैबिटेट इज देयर। ओके, दैट इज वेकिटा पॉर्पस, पॉर्पस दैट पर्टिकुलर स्पीसीज, एंड नेक्स्ट स्पीसीज इज यांगसी फिनलेस पॉर्पस, यांगसी फिनलेस पॉर्पस। ओके, तो वाई दिस इज न्यूज, बिकॉज साइंटिस्ट का ये कहना था कि सैंड माइनिंग, चाइना का एक लेक है दैट इज डोंगटिंग लेक, याद रखना इसको, डोंगटिंग लेक इज इन चाइना। साइंटिस्ट का कहना था कि अगर इस डोंगटिंग लेक में सैंड माइनिंग को कंट्रोल किया जाए, सैंड माइनिंग जो है अगर इसको कंट्रोल किया जाए, तो शायद यहाँ ये यांगसी फिनलेस पॉर्पस का पॉपुलेशन फिर से रिबाउंड हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, इस रिसेंट फेसिस का पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकता है। तो यू नो दैट यांगसी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, होम टू दिस पर्टिकुलर पॉर्पस, इसलिए इसका नाम यांगसी फिनलेस पॉर्पस है। तो देखिए कुछ कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉन्गेस्ट रिवर एशिया की यांगसी, इट विल बी देयर, ये यहाँ रहता है, मिस्चीवस स्माइल के लिए जाना जाता है अपने, और कहा जाता है कि इसका इंटेलिजेंस इज वेरी हाई, एज हाई एज गोरिलाज इंटेलिजेंस। ओके, मिस्चीवस स्माइल एंड इंटेलिजेंस लाइक गोरिला। ओके, देयर ऑफकोर्स वेरी कंपेयर टू वेल्स के काफी स्मॉल है, बिकॉज वेल इज ऑल्सो सिटेशियन स्पीसीज, उस कंपेयर में काफी स्मॉल होते हैं, गुड इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट अगर खराब है तो दे विल नॉट बी देयर। ओके, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है दोनों भी पॉर्पस स्पीसीज जो है, बोथ ऑफ द पॉर्पस स्पीसीज जो है ये एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वेंकिटा पॉर्पस स्पीसीज हमने देखा जो अमेरिका में, और यांगसी फिनलेस पॉर्पस स्पीसीज जो चाइना में यांगसी रिवर में और उसके अराउंड यू विल फाइंड दिस। हम डोंगटिंग लेक याद रखिएगा, इट्स इन चाइना। ओके, नाउ हम देखते हैं आगे, बस कुछ देर के लिए, ठीक है, ऑलमोस्ट वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। काफी मुझे पता है लोडेड कंटेंट था इस क्लास में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस पर्टिकुलर आप वीडियो को देख लेना, ऐसे स्पेसिस पे क्वेश्चंस तो हमेशा आता है, आई हैव शोन यू, तो स्पेसिस के काफी सारे मटेरियल आपका इससे कवर हो जाएगा।
हम अब इन्वेजिव स्पेसिस जो न्यूज में थे उसको कवर करें. एज आई टोल्ड यू कॉम्प्रिहेंसिवली आर गोइंग टू कवर कवर दिस थिंग्स. ओके, तो इन्वेजिव स्पेसिस बेसिकली क्या होती है? द स्पेसिस विच आर नॉट नेटिव टू अ रीजन, विच आर एक्सॉटिक, बट वेन दे आर इंट्रोड्यूस इन टू दिस रीजन दे कॉज अ वेरी लार्ज इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डैमेज. ओके, सो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक हार्म इन द न्यू एनवायरमेंट वेर इट इज नॉट नेटिव. कई और से, लेट्स से इंडिया में ये स्पेसिस नेटिव नहीं है, इट वॉज समवेयर इन नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका में नेटिव स्पेसिस थी, अमेरिका से इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गए, इंट्रोड्यूस कर दिया आपने कुछ अच्छे पर्पज के लिए, आपको लगता है कि स्पेसिस काफी अच्छी दिखती है. ओके, सो लेट्स इंट्रोड्यूस दिस इन इंडिया. अब देखने में अच्छा लगता है बट आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल फाइंड कि दिस स्पेसिस इज कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज ऑफ द लोकल स्पेसिस ऑल्सो. दे ग्रो वेरी फास्ट, दे आर ब्रीडिंग वेरी फास्ट, दे आर स्प्रेडिंग वेरी फास्ट एंड दे आर कंज्यूमिंग दिस रिसोर्सेज ऑफ ऑल लोकल स्पेसिस, बिकॉज ऑफ विच लोकल स्पेसिस आर डेंजर्ड एंडेंजर्ड. ओके, तो उनको कहते हैं हम इनवेजिव स्पेसिस. इनको क्या कहा जाता है यहाँ पे? इन्वेजिव स्पेसिस. तो इन्वेजिव स्पेसिस के बारे में कुछ देखते हैं स्पेसिस. एक है सबसे पहले विलायती किकर, विच ऑफ द न्यूज बिकॉज ऑफ द दिल्ली. ओके, तो दिल्ली में रिसेंटली क्या हो रहा है कि दिल्ली की जो सेंट्रल रिज है वहां से ये विलायती किकर जो है इसको रिप्लेस किया जा रहा है, इसको निकाला जा रहा है, बिकॉज इट्स इन्वेजिव स्पेसिस अगेन, इट इज ईटिंग अप द रिसोर्सेज ऑफ द लोकल स्पेसिस देयर. वैसे तो विलायती किकर इज अ नेटिव टू द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका. इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया फॉर द ओड एंड फ्यूल रिक्वायरमेंट, बिकॉज इट ग्रोज वेरी फास्ट. डिग्रेडेड लैंड, खराब लैंड है, यहाँ पे काफी फास्ट ग्रो करता है विलायती कीकर. तो विलायती कीकर को ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से. बट नाउ ठीक है, ये वहां के एक इन्वेजिव स्पेसिस बन चुका है. तो इस स्पेसिस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर नहीं पता आपको तो इट्स फाइन, बट नाम याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेजिव स्पेसिस, तो यू शुड बी नोइंग दैट विलायती कीकर इज इन्वेजिव स्पेसिस. ओके, सेना स्पेक्टाबिलिस अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग प्लांट, बट दिस इज ऑल्सो इन्वेजिव स्पेसिस. तो ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ब्लाइट येलो इसके फ्लावर होते हैं. ऑर्नामेंटल स्पेसिस अगेन इंट्रोड्यूस फ्रॉम द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका. ओके, चलिए नेक्स्ट है वाटर हाइसिंथ. वाटर हाइसिंथ तो सबसे मुझे लगता है फेमस इन्वेजिव स्पेसिस, आपने देखा होगा आपके आस के पास वाटर जो होता है, वाटर बॉडीज होती है उस पर होते हैं वाटर हाइसिंथ. ओके, तो वाटर हाइसिंथ इस काइंड ऑफ पूरे लेक को ये कवर करता है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो. ओके, तो ये भी नेटिव थी साउथ अमेरिका में, दिस इज ऑल्सो नेटिव टू साउथ अमेरिका, लेकिन ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ. ओके, और वाटर हाइसिंथ का एक अच्छी बात है व्हाट, कि इट एक्ट्स एज अ वेरी एक्सलेंट वाटर प्यूरिफायर. तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इट एक्ट्स एज अ वेरी एक्सलेंट वाटर प्यूरिफायर, इट विल रिमूव ऑल द मेटल्स, जो हार्मफुल मेटल्स होते हैं इसको ये रिमूव करता है. बट एट द सेम टाइम इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि इट एक्ट्स एज अ इन्वेजिव स्पेसिस. व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी प्रोलिफिक स्प्रेडर, काफी फास्ट स्प्रेड होता है, और ऐसे स्प्रेड होता है कि पूरे लेक को या फिर वाटर बॉडी को क्या है ये कवर कर देता है. तो इस वजह से क्या होता है, वाटर बॉडी को कवर करने के बाद तो सनलाइट की कमी हो जाती है उस वाटर बॉडी में, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन डिप्लेशन होता है, सनलाइट डिप्लेशन होता है, और बाकी जो वाटर में स्पेसिस होती है फिर उनकी डेथ होती है. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड वाटर हाइसिंथ का प्रेजेंस जो है इंडिकेट्स दैट देयर इज अ वेरी हाई नाइट्रोजन लेवल इन द वाटर, ये भी याद रखिएगा, हाई नाइट्रोजन लेवल का ये इंडिकेटर. देन नेक्स्ट इन्वेजिव स्पेसिस इज लंथाना कामा. अगेन इट्स इन अमेरिका का नेटिव है, इंडिया में एज अ डेकोरेटिव श्रब इसको ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया, बट नाउ दिस स्पेसिस इज इन्वेजिव स्पेसिस. ओके, यू विल फाइंड दैट श्रब स्प्रेडिंग ओवर द ग्राउंड, फॉरेस्ट ग्राउंड, इट विल क्लाइम ओवर ट्रीज, इट विल इंटेंगल ट्रीज. ओके, तो ये लंथाना कैमरा स्पीसीज है, अगेन यू शुड बी नोइंग दिस. एंड नेक्स्ट स्पीसीज इज रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल, टर्टल स्पीसीज है, दिस आर अगेन नेटिव टू द यूएसए एंड मेक्सिको, साउथ ईस्टर्न यूएसए, मतलब साउथ ईस्टर्न यूएसए जो है, यूएसए का मेंबर साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, और यहाँ जो मेक्सिको है यह एक्चुअली ये रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल होता है. ओके, तो फ्रेश, लेकिन हुआ इस प्रॉब्लम क्या है कि इट इज अ थ्रेट टू द इंडियन टर्टल, हो रही मतलब ये बाकी टर्टल्स को जो है ये यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस वेरी मेनी ऑफस्प्रिंग्स. ओके, काफी फास्ट ब्रीडिंग होता है इसका, तो सारे रिसोर्सेज बाकी टर्टल्स के यूज करने लगता है. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन्वेजिव स्पेसिस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अमेरिकन बुल फ्रॉग और ब्राउन ट्री स्नेक, ओके, दिस आर ऑल्सो इन न्यूज. उनका इकोनॉमिक कॉस्ट उनके इन्वेजन का क्या है, इट वॉज इन न्यूज. सो अमेरिकन बुलफ्रॉग और ब्राउन ट्री स्नेक्स, तो कौन से न्यूज में हमने नेटिव स्पेसिस देखी है, विलायती किकर, सेना स्पेक्टाबिलिस, वाटर हाइसिंथ, लंथाना कैमरा, रेड ईयर स्लाइडर टर्टल,
अमेरिकन बुल फ्रॉग एंड ब्राउन ट्री स्नेक। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ लिस्ट मैंने यहाँ इन्वेजल स्पेसिस का दिया है जो जनरली न्यूज में नहीं था, लेकिन है वो इन्वेजल स्पेसिस, अगर आपको पढ़ना है सो यू कैन जस्ट रीड दैट। ओके, जैसे लीला माइक्रोफॉला है, बॉम्बैक्स सेरेबिका है, ऐसे कुछ स्पेसिस आई हैव गिवन, सो अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन स्टडी दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, और लास्ट अब आज का हमारा टॉपिक बचा है, इस टॉपिक के लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक के थ्रू हम क्या करने वाले हैं। ओके, इस टॉपिक के थ्रू वी आर गोइंग टू डिस्कस दी, एक मिनट, इस टॉपिक के थ्रू हम डिस्कस बेसिकली करने वाले हैं कुछ फॉसिल्स, ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके बट उस फॉसिल्स को हम देखने वाले, एनिमल के फॉसिल्स को कुछ देखने वाले, अगेन अ स्पीसीज बट विच आर एक्सटिंक्ट, उसके एनिमल फॉसिल्स को देखने वाले। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ओके, ये कन्फ्यूशियस ऑर्निस शिफान जो है इट्स अ फॉसिल, ओके, फॉसिल ऑफ अ बर्ड। तो याद रखना नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में साइंटिस्ट को ये फॉसिल मिला एक्चुअली बर्ड, और उसका नाम दो दिया गया है कन्फ्यूशियस ऑर्निस शिफान। ओके, सो कन्फ्यूशियस ऑर्निस शिफान, ये शिफान इज द नेम ऑफ अ फॉसिल ऑफ अ बर्ड, बेकेट बर्ड था, मतलब जिसको चोच होती इसका था, इट वॉज 119 मिलियन ईयर्स अगो ये एग्जिस्ट करता, इसको बस याद रखना, दैट इज ऑल्सो इनफ। ओके, तो बर्ड स्पीसीज कहीं ना कहीं फॉसिल्स को ये नाम दिया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में इट वॉज फाउंड 119 मिलियन ईयर्स अगो का ये। और दूसरा इसी तरीके का एक नेम है जो आपको न्यूज में था, यू शुड बी नोइंग, दैट इज नुंगचोगा। नुंगचोगा क्या है, अगेन इट इज अ नेम गिवन टू द फॉसिल, फॉसिल ऑफ होम बीबी मैमथ। ओके, तो कैनेडा का जो यूकॉन टेरिटरी है, यूकॉन टेरिटरी इट्स अ परमाफ्रॉस्ट, वहां परमानेंट एक्चुअली फ्रॉस्ट होता है, आइस होता है जमीन पे, तो इस परमाफ्रॉस्ट में दे हैव फाउंड अ फॉसिल ऑफ अ बेबी मैमथ, बेबी मैमथ का उनको फॉसिल मिला, और उस फॉसिल का नाम जो है उसका नाम है नुंगचोगा। नुंगचोगा मतलब बेबी, बिग बेबी एनिमल, नुंगचोगा का ट्रांसलेशन होता है बिग बेबी एनिमल, तो फॉसिल का नाम नुंगचोगा उन्होंने रखा। तो क्वेश्चन में अगर पूछा गया आपको नुंगचोगा क्या है, इट्स अ फॉसिल नेम, फॉसिल किसका, बेबी मैमथ का। मैमथ क्या होते हैं, मैमथ ये एक्सटिंक्ट एनिमल है, एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। तो प्लिस्टोसिन पीरियड, व्हेन अर्थ पे जब आइस होता था तो उस प्लिस्टोसिन पीरियड में दिस पर्टिकुलर एक एलिफेंट सिस्टम पे था मैमथ। ओके, तो ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसका फॉसिल यहाँ पे मिला, राइट। और इसी तरीके से मैमथ का और भी एक मिला था 1948 में, उसका नाम था एफी, लेकिन वो पार्शियल मैमथ क्लाब था, इस बार ऑलमोस्ट ये बड़ा मैमथ क्लाब हमें मिला है, ठीक है, तो उसका नाम एफी एक्चुअली रखा था। तो इससे हमें पता चलता है कि दिस एनिमल्स एग्जिस्टेड, ऐसे कुछ मैमथ एनिमल वाज देयर। ओके, चलो, तो ये था नुंचोगा। सो ये हमने फॉसिल्स भी दोनों देख लिए, इसका बस नेम याद रखना अगर कुछ याद नहीं रहे तो, ताकि अगर वन लाइनर इसमें आ जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। एंड लास्ट टॉपिक नाउ, हम दो कोरल स्पीसीज बस देख लेते हैं, देन वी विल सी फ्यू क्वेश्चंस इन एंड ऑफ क्लास ईयर। कोरल टॉपिक है अ ज़ूसांथेलेट कोरल्स, ये न्यूज में थे, और दूसरा है ब्लैक कोरल्स। तो कोरल्स के बेसिक्स पे आर नॉट गोइंग टू सी, आपको पता है कोरल क्या होता है, ठीक है, और एक नॉर्मल आप ज्योग्राफी के बुक में भी पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट, एनवायरमेंट भी पढ़ते हो तो यू नो दैट कोरल्स, ओके, कहाँ सर्वाइव करते हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स है, कोरल ब्लीचिंग क्या है, वी नो ऑल दैट। लेकिन कोरल की दो स्पेसिस जो न्यूज में, दैट वी विल सी, एक है ज़ूसांथेलेस कोरल। ओके, तो रिसेंटली फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट जो थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दे हैव रिकॉर्डेड फोर स्पीसीज ऑफ ज़ूसांथेलेट कोरल्स इन वाटर्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड के जो वाटर्स में है, फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट को फोर स्पीसीज है ज़ूसांथेलेट कोरल के मिले। तो इस फोर स्पीसीज के नाम ऑल्सो आई हैव गिवन हियर। ओके, तो जस्ट गो थ्रू दिस स्पीसीज नेम। ओके, फॉर एग्जाम्पल टी इंक्रुस्टैंट्रम, टी एपुलेटम, फाइन, प्रीवियसली यू फाउंड देम इन जापानीज एंड फिलीपींस वाटर, लेकिन इंडियन वाटर्स में फर्स्ट टाइम। ओके, उसी तरीके से क्रीक एसम, तो ये बस नेम इसका देख लेना थोड़ा सा, राइट। तो अब ये फर्स्ट टाइम हमें अंडमान निकोबार आइलैंड के इसमें मिले, ऐसे चार ऐसे स्पीसीज। ओके, तो ये ज़ूसांथेलेट कोरल क्या होते हैं, ज़ूसांथेलेट कोरल्स नाम से ही है पता चलेगा, दीज आर दोज कोरल्स विच डू नॉट कंटेन ज़ूसांथेलेट एंड दे डिराइव देयर नरिशमेंट नॉट फ्रॉम सन बट फ्रॉम कैप्चरिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लैंक्टन। प्लैंक्टन को कैप्चर करके वो अपना नरिशमेंट डिराइव करते हैं, और ज़ूसांथेलेट नहीं होते। ओके, जनरली ये डीप सी में पाया जाता है, बट यस यू कैन फाइंड देम इन शैलो वाटर्स आल्सो, बट लेकिन जनरली देयर डीप सी स्पीसीज। ओके, और ये हार्ड, मतलब हार्ड कोरल्स है, हार्ड कोरल्स। ओके, तो इंडिया में 570 हार्ड कोरल की स्पीसीज है, उसमें से 90% जो है अंडमान निकोबार में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे याद रख सकते हैं कि 570 डिफरेंट हार्ड कोरल स्पीसीज आते हैं।
और उसमें से 90% जो है अंदमान निकोबार में। अजुंदलेट कोर अजुंदलेट कोरल जनरली डीप सी वाटर में हमें मिलता है, बट दे आर रिपोर्टेड इन शैलो वाटर्स ऑल्सो। ओके, दे डू नॉट फीड फ्रॉम द सन बट दे कैप्चर प्लैंकटॉन्स। सुजुंदलेट इन पे नहीं होता है, और रिसेंटली इनकी 4 स्पेसिस फर्स्ट टाइम अंदमान निकोबार में हमें मिला। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ दैट इज ब्लैक कोरल्स। ओके, सो रिसर्चर्स रिसेंटली फाउंड द न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लैक कोरल्स। रिसर्चर्स को क्या है, अभी ब्लैक कोरल्स की नई स्पीसीज मिली है। ओके, तो ब्लैक कोरल्स मतलब क्या है, कहाँ ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में दे एक्चुअली फाउंड दिस पर्टिकुलर ब्लैक कोरल्स। ब्लैक कोरल्स कहाँ मिलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एट ऑल डेप्थ्स। ओके, जनरली डीप सी में होते हैं बट ऑल डेप्थ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यू विल फाइंड देम। नेम से हमें लगता है कि ब्लैक कोरल्स बस ब्लैक कलर के होते हैं, बट दे वेरी इन कलर। उनका रेड ग्रीन येलो ब्राउन भी कलर हो सकता है। फिल्टर फिडर्स होते हैं एंड टाइनी जो जू प्लैंकटॉन से दे लीड दिस टाइनी जू प्लैंकटॉन। जू प्लैंकटॉन दे लीड ब्लैक कलर, बस नाम है बॉरल का, लेकिन ये अलग अलग कलर में मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, दैट यू शुड बी नोइंग। ओके, सो विद दिस हमने जितने भी स्पेसिस इंपॉर्टेंट कवर करनी थी वो सारे इंपॉर्टेंट स्पेसिस हमने कवर कर दी है। ओके, एक ही क्लास में। वॉच इट एट योर ओन स्पीड। इसको फिर से रिवाइज करने के लिए आप देख सकते हो, ताकि आपका, और फिर इसके बाद आपको कोई स्पेसिस इन न्यूज और उसके रिगार्डेड जो स्टैटिक स्पेसिस है पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं। ओके, क्वेश्चंस भी हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं, बट और दो चार क्वेश्चन कवर करते हैं। ओके, सर्टन स्पेसिस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज द कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी या फंगाई, जिसको हम कहते हैं। इसका आंसर जो होता है ए, एंट। एंट आर कंसिडर्ड एज कल्टिवेटर्स आउट ऑफ दिस ऑफ फंगाई। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन ईच नेचुरल हैबिटेट। मस्क डियर नेचुरल हैबिटेट में इसमें से कौन से स्पेस जगह पे हमें मिल सकता है नेचुरल हैबिटेट मस्क डियर। ओके, तो उसका आंसर जो होगा 1 and 2। ओके, ये 1 and 2 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम्स मेंशन इन न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गुच्ची जो न्यूज में हमें मिलता है करंट अफेयर्स पे बेस्ड पे, अगेन consider the following statements. Prelims 2022 का question है, it is a fungus, it grows in some Himalayan forests and commercially it is cultivated in these areas, Himalayan foothills and northeastern India. देखिए third इसका point correct, it is not commercially cultivated. Okay, yes it's a fungus and it's a Himalayan forest में naturally grow होता है, commercially इसको cultivate नहीं किया जाता, इसलिए answer जो होगा C हो। अब बाकी आपके लिए assignment है। Okay, consider the following fauna of India और विच ऑफ द अबो आर एंडेंजर्ड, मतलब IUCN के लिस्ट में इसमें से कौन से एंडेंजर्ड है, प्लीज आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन। ये असाइनमेंट आपका 1 है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस और इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हो कि इसमें से कौन से एक्चुअली एंडेंजर्ड है। और ये इसमें से अगर देखा जाए तो 2 स्पेसिस तो हमने ऑलरेडी देखा भी है हमारे क्लास, तो आपको आइडिया आ जाएगा इसमें से एंडेंजर्ड कौन सा। अगेन नेक्स्ट 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें। अब स्टेटमेंट का नेचर देखने के बाद भी इसका एक्चुअली गेस वर्क से आप आंसर दे सकते हो, बट अगेन आई लीव इट टू यू कि इसका आंसर दीजिएगा, दिस इज असाइनमेंट 2 फॉर यू। नाउ थ्रू दिस क्लास यू हैव आइडिया कि किस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है। उस बेस्ट पे हमने सारे करंट अफेयर्स, उसके रिगार्डिंग स्टैटिक जो स्पेसिफिक न्यूज है ये भी सारे देखा है। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, वी हैव ब्रॉट अ वीडियो ऑन स्पेसिफिक न्यूज ऑल्सो, सिमिलरली वील हैव मोर वीडियोज। ओके, दोज विल बी कमिंग ऑन दी प्लेसेस इन न्यूज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन न्यूज, कुछ स्कीम्स अगर इंपॉर्टेंट न्यूज में है वो सारे कवर कर लेंगे, ताकि आपके हाई वैल्यू टॉपिक्स है ये इजिली कवर हो जाए, जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना एज सच काफी डिफिकल्ट लगता है। ओके, थैंक्स अ लॉट। Thank you, kindly revise this.